Hello friends, my name is Pratik Nayak and I welcome you all on Let's Crack UPSC CSE, the largest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation, जो अनअकैडमी के द्वारा आपके साथ प्रेजेंट किया जा रहा है. मेरा नाम प्रतीक नायक है. हम लोग काफी दिनों से टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड टू कंटिन्यू द वेरियस टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. आज का हमारा जो सेशन है वो मैराथन सेशन रहेगा, मेनली द टॉपिक रिलेटेड टू विजुअल आर्ट फॉर्म्स में. अब देखो, विजुअल आर्ट में हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आर्किटेक्चर के ऊपर ऑलरेडी टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ था और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स में उसमें एंशियंट आर्किटेक्चर को बहुत ही डिटेल के अंदर कराया हुआ है. तो मैं चाहूंगा कि जिन जिन लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज मेरे प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स को देख के आए सो दैट दे विल बी एबल टू कोरिलेट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड एंड टॉट इन द प्रीवियस क्लासेस. एंशियंट आर्किटेक्चर के साथ साथ आज हम लोग मिडिवल आर्किटेक्चर को भी पढ़ेंगे और मिडिवल के साथ साथ हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी देखेंगे. तो मेरे साथ बने रहिएगा कि हाउ द आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा मैराथन सेशन रहेगा. तो मैं थोड़ा बहुत मैराथन सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ. मैं पिछले 6 साल, अब तो मैं कहूँगा खैर 7 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ. आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूज टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन द सिविल सर्विसेज मेनली मैं एकेडमिक्स में आना चाहता था. इसके लिए मैंने बेसिकली यूपीएससी का जो कोचिंग है या जो मेंटरिंग का जो प्रोफेशन है उसको फुल टाइमली अडॉप्ट किया हुआ है. मैं अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ. यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी के चैनल के ऊपर तो आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ. अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं वहाँ पे लाइव क्लासेस लेता हूँ और वहाँ पे आप मेरे पेज को जुड़ सकते हो, unacademy.com@nayakpratik मेरा जो आईडी है एंड दिस इज माई PN लाइव, दिस इज माई रेफरल कोड. ये रेफरल कोड आपको इसके लिए बताना चाहूँगा क्योंकि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं अपना एक लॉन्ग, मैं कहूँगा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लेके आ रहा हूँ ऑन दी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री. खैर, मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के ऊपर एंशियंट इंडिया के ऊपर एक कोर्स लिया हुआ है, एक मिडिवल इंडिया के ऊपर भी फाउंडेशन कोर्स लिया हुआ है. अभी जो कोर्स कराने वाला हूँ वो मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री के ऊपर चलेगा. तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और आपको एक कंप्लीट, मैं कहूँगा कि सॉल्यूशन के द्वारा मिडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री है वो समझाने की कोशिश करूँगा. मेरा कोर्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इफ़ यू वॉन्ट टू अपियर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आपके लिए बहुत फायदेकारक रहेगा. PN लाइव इज माई कोड. मैं दो कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, एक मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर और दूसरा जो है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर. ये भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आर्ट एंड कल्चर. खैर, मैं आपको यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर तो पढ़ा रहा हूँ, साथों साथ वहाँ पे भी पढ़ाऊंगा. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, डिटेल्ड वे के अंदर होगा. प्लीज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन प्लीज़ यूज़ माई कोड PN लाइव. अनअकैडमी प्लस का एडवांटेज ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है. घर पे बैठे बैठे आप इसकी तैयारी कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटर्स पूरे भारत के आपको मिल जाएंगे. मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर क्लासेस लेने वाले मिल जाएंगे. लाइव क्लासेस रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड में होते हैं और एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अनलिमिटेड टाइम आपको एक्सेस मिलेगा. तो ये बहुत ही एडवांटेजेस है. यू विल गेट अनलिमिटेड टाइम एक्सेस फॉर ऑल द कोर्सेज. तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्लासेस को देख सकते हो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस. ये काफ़ी एडवांटेजियस है. मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल ट्यूटर्स भी मिल जाते हैं, एजुकेटर्स भी मिलते हैं. जैसे अगर आप देखेगा तो हिस्ट्री के अंदर 30 से ज़्यादा कोर्सेज आज की तारीख में चल रहे हैं ऑन एन एवरेज. पॉलिटी में भी 32 प्लस कोर्सेज चल रहे हैं. तो आप इनफैक्ट चाहो वो एजुकेटर से पढ़ सकते हो. इंडिया के नामी गिरामी एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं. राइट फ्रॉम मृणाल पटेल, रोमन सैनी खुद पढ़ाते हैं, सुदर्शन गज्जर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, और भी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे. वो आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा व्हेन वी अंडरस्टैंड द होल मॉडल ऑफ दिस थिंग्स. ओके, और घर पे बैठे बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है. एप्लीकेशन खोलो, वेबसाइट के ऊपर जाके सब्सक्राइब कर दो. मिनिमम 12 मंथ्स का लीजिएगा या मैं कहूँगा 24 मंथ्स का, क्योंकि 12 मंथ्स का एजुकेशन का जो फीस है वो 40,000 रुपीज़ है. बट इफ़ यू यूज़ माई कोड PN लाइव तो आपको उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा और 36,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसी दौर के ऊपर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो 2 साल के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स 2021 में अपियर करने वाले हैं या 2022 के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि देखो हिस्ट्री तो बदलने वाला है नहीं, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो भी इवेंट्स होएंगे उनका पर्सपेक्टिव डेवलप करना होता है.
तो आप अभी से ही बेसिकली कोचिंग ले लोगे तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस रहेगा। 24 मंथ का जो कोचिंग है उसका जो फीस है वो 48,000 रुपीज है। मतलब आप पकड़ो कि आप 12 मंथ के लिए ऑलरेडी 40,000 पे कर रहे हो और आप 24 मंथ के लिए 48,000, मतलब दैट इज अराउंड 8,000 रुपीज ओनली। 8,000 रुपीज तो ऑलरेडी 1 मंथ का अगर आप प्लान करोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि यू टेक 12 मंथ का कोचिंग बेसिकली, प्लस उसमें आप 1 मंथ का ऐड कर दो, दैट इज अराउंड 13 मंथ। मतलब अगर आप 48,000 रुपीज 13 मंथ के लिए पे कर रहे हो बट यू आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 28 मंथ्स माई फ्रेंड, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मत मिस करिएगा। 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो भी कॉलेज गोइंग है या जो भी बेसिकली जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। उसमें भी मेरा कोड यूज करिएगा, प्लीज यूज माई कोड रेफरल कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 43,000 2 ईयर्स में आपको 2 साल के अंदर घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस टेस्ट के साथ कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। राइट फ्रॉम ऑप्शनल टू ऑल द सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट का नहीं है, ये सब सब्जेक्ट का है। मतलब आप जितनी बार चाहो उतने क्लासेस को अटेंड भी कर पाओगे। खैर, हमने आर्ट एंड कल्चर का मैराथन सेशन शुरू किया था और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको विजुअल आर्ट के बारे में बताया था। प्रीवियस क्लास में हमने विजुअल आर्ट के अंदर जब टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया था तो हमने आर्किटेक्चर को शुरू कर दिया था। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग आर्किटेक्चर इन द प्रीवियस क्लास, जब हम लोग प्रीवियस क्लास में आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो एज अ पार्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन ऑन आर्किटेक्चर हमने एंशियंट आर्किटेक्चर को पूरा कंप्लीट कर दिया था। एंशियंट आर्किटेक्चर के अंदर हमने 3-4 पॉइंट पढ़े थे, केव आर्किटेक्चर, हमने पिलर आर्किटेक्चर को पढ़ा था, हमने स्तूप आर्किटेक्चर को पढ़ा था, इंक्लूडिंग मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ा दिया था। एंशियंट इंडिया के अंदर ही मैंने आपको स्कल्पचर आर्ट के बारे में भी जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि ये स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट क्या है, ये स्कल्पचर कैसे बनते हैं, कौन से किंग्स किस प्रकार के स्कल्पचर बनाएंगे, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आज का हमारा जो सेशन है वो विजुअल आर्ट के ऊपर ही फोकस्ड है। इन टुडे सेशन ऑल्सो विल बी फोकसिंग ऑन द विजुअल आर्ट ओनली, बट आज का हमारा जो सेशन है वो मेनली फोकस कर रहा है मिडिवल आर्किटेक्चर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस कर रहा है? मिडिवल आर्किटेक्चर के ऊपर। इंक्लूडिंग आज के सेशन के अंदर हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी देखेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न आर्किटेक्चर एज वेल, एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द पेंटिंग्स। विजुअल आर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है वो है इंडियन पेंटिंग्स, तो हम लोग पेंटिंग्स के ऊपर भी जाएंगे और भारत में चित्रकला का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सी डायनेस्टी किस तरह के पेंटिंग्स बनाती है, उन सब के ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बी विथ मी, हमारे साथ बने रहिएगा कि किस प्रकार के आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। हमने एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर में हरप्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता और साउथ इंडियन आर्ट को डिस्कस किया था। आज का सेशन हमारा मेनली मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्चर के टॉपिक्स के ऊपर जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग इसके ऊपर एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड how the evolution and the origin of the medieval architecture took place, how the evolution and the origin of the medieval architecture took place, and also we'll try to see medieval architecture mein kaise kis kis prakar ke changes aane ki shuruaat hoti hai, theek hai। to hum log ek ek karke samajhte hain, pehle thoda bahut whiteboard ke upar chala jata hu so that whiteboard ke centric karke hum log aur usko effectively samajh sakte hain। ab dekhiye, maine aapko previous class ke andar jo bataya tha उसमें मैंने आपको बोला था पर्टिकुलरली कि एंशियंट इंडिया की शुरुआत कैसे हुई। तो एंशियंट इंडिया में जब हमने आर्किटेक्चर को पढ़ना शुरू किया था आर्ट एंड कल्चर के अंदर, विजुअल आर्ट के अंदर, तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अगर आप देखेगा तो हमने साउथ इंडियन आर्किटेक्चर तक पूरा का पूरा पढ़ा था, और साउथ इंडिया के अंदर मैंने आपको दो प्रकार के टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात की थी, मेनली एक तो चोला और दूसरे थे आपके पल्लव आर्किटेक्चर, और ये जो थे पर्टिकुलरली ये द्रविड़ियन आर्किटेक्चर के प्रकार थे, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि इंडिया की हिस्ट्री बदलेगी बाय 9th सेंचुरी ऑनवर्ड से। कब से होती है ये 9th, या कहूंगा 10th सेंचुरी ऑनवर्ड से, क्योंकि बाय 10th सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली फॉरेन इन्वेजन्स हुए, और जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हो गए उसके कारण हम लोग अब धीरे 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 मिडिवल आर्किटेक्चर की तरफ चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? मिडिवल आर्किटेक्चर की तरफ चले जाएंगे, एंड विल ट्राई टू डिस्कस How the medieval architecture progressed over a period of time, ठीक है। तो हमारा आज का जो सेशन है वो मिडिवल आर्किटेक्चर के ऊपर जाएगा। मिडिवल इंडिया की शुरुआत कैसे हुई पहले वो समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे चलते हैं।
एंड मेनली इफ यू आर अवेयर अबाउट द मिडिवल इंडिया वो कैसे शुरू हुआ, तो मिडिवल इंडिया की शुरुआत जनरली 8th सेंचुरी से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मिडिवल आर्किटेक्चर जो है उसे हम लोग कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. क्या कहते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रकार भी कहा जाता है. और जब हम लोग इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंडियन आर्ट प्लस इस्लामिक आर्ट इन दोनों का मिक्सचर हुआ करता था. इसमें इंडियन आर्ट प्लस इस्लामिक आर्ट इन दोनों का मिक्सचर हुआ करता था. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन इट इज नोन एज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये कैसे शुरू हुआ. तो सबसे पहले सिंध से शुरू होता है. कहाँ से होता है? सिंध. अब सिंध अगर आपको जानकारी होगी तो यहाँ पे आया हुआ है, ये सिंध वाला रीजन है. और सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया था. मैं थोड़ा बहुत व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाता हूँ कि मिडिवल इंडिया में कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस चलेगा. व्हेन वी सी द मिडिवल इंडिया की शुरुआत अर्ली मिडिवल से होती है, इंडो इस्लामिक आर्ट की. हाउ द ओरिजिन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्ट टुक प्लेस, उसको ही थोड़ा बहुत समझाता हूँ. इंडो इस्लामिक आर्ट की जो शुरुआत हुई, व्हेन वी सी द इंडो इस्लामिक आर्ट फॉर्म्स, तो इंडो इस्लामिक आर्ट फॉर्म्स की शुरुआत यहाँ से होती है. क्यों यहाँ से होती है? क्योंकि यहाँ पे अरब्स आ गए थे, अरब इन्वेजन की शुरुआत हुई थी. और जब अरब इन्वेजन हुई तो इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर का फाउंडेशन रखा था. और कहते हैं कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो जो मॉस्क बिल्डिंग है, वो मॉस्क बिल्डिंग प्रोसेस की इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की थी. बट हमारे पास कोई डायरेक्ट इतने बड़े एविडेंसेस नहीं है कि कौन सी मॉस्क बनाई थी, और कुछ इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा. मेनली आपको मिलेगा कि इन्होंने बहुत सारे जो टेम्पल्स थे वो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके मॉस्क बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत की थी अरब्स ने. ठीक है, उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं, ये होता है 8th सेंचुरी के आसपास जब मोहम्मद बिन कासिम आया. उसके बाद पर्टिकुलरली वी फाइंड इंडो इस्लामिक या जो जो, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव बढ़ने की शुरुआत होगी, वो सबसे पहले गजनी के आक्रमण के दौरान पड़ता है. अब देखो गजनी कब आता है, तो गजनी बिटवीन 1003 से लेके मैं कहूँगा 1026 तक, या 1002 ऑनवर्ड से लेके 1026 तक मल्टीपल टाइम्स इंडिया में आएगा. और वो जब आता है पर्टिकुलरली, तो उसने एक इस्लामिक प्रभाव के तहत एज अ पार्ट ऑफ द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, उसने काफ़ी सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था. मेनली अगर आपको जानकारी होगी, सोमनाथ जैसे जो टेम्पल्स थे वो भी उसी के दौरान डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, बट वो फिर से रिबिल्ट हुए. और वो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया को जब उसने कैप्चर किया, व्हेन ही कैप्चर्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो वहां पे मॉस्क बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत की. दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वन मोर टाइम ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर. उसके बाद गजनी के बाद जो दूसरा आया वो है गोरी. कब आता है? गोरी आया पर्टिकुलरली इन द ईयर 1191 और 1192 तक आते आते वो बेसिकली इंडिया में वो जीत जाता है. क्यों जीता है? तो गोरी अगर आपको जानकारी होगी तो घोरी की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ. कहाँ पे लड़ाई होती है? तो इन द बैटल ऑफ तरेन. कौन सी लड़ाई थी? तरेन की लड़ाई के अंदर मोहम्मद घोरी जो है वो जीत जाएगा अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन. और घोरी का एक स्लेव हुआ करता था, ये घोरी का स्लेव था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक. ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाहौर वाले रीजन से अपना पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश कर दिया. ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका स्लेव के रूप में काम करता था. और कहते हैं कि करीबन 1206 के आसपास आते आते कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक नई ही डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, जिसे हम लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी. क्योंकि बाय दिस पीरियड ये घोरी का जो फैमिली है उसका घोरी का मृत्यु हो चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है. ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इन्हीं की डायनेस्टी से बेसिकली दिल्ली के अंदर फिर से कैपिटल को रीशिफ्ट किया जाता है बाय हिज सन इन लॉ, जिसका नाम था इल्तुतमिश. और कहा जाता है पर्टिकुलरली इल्तुतमिश तक आते आते ये स्लेव डायनेस्टी ने बेसिकली दिल्ली के अंदर अपने बिल्डिंग्स बनाने की शुरुआत की. इनफैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बनाने की शुरुआत कर दी थी. और इस तरह से दिल्ली के जो सुल्तान्स थे, जो दिल्ली के सुल्तान्स हुआ करते थे, उन्होंने जो आर्किटेक्चर की स्थापना की उसी को ही हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत करते हैं. ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में दिल्ली के सुल्तान्स 1206 से लेके 1290 तक, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1206 टू 1290, ये लोग अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे. सबसे पहले तो आपको यहाँ से पॉइंट पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन से मॉन्यूमेंट्स को बनाया गया था. दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से जो जो दिल्ली के सुल्तान्स में स्लेव डायनेस्टी आती है, स्लेव के बाद अगर आपको जानकारी होगी खिलजी डायनेस्टी आएगी, खिलजी के बाद आपको जानकारी होगी तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आती है, और सैयद के बाद आखिर में आते हैं लोधी डायनेस्टी.
ये पांचों की पांचों डायनेस्टीज दिल्ली के सुल्तान्स कहलाए जाते हैं, इसके लिए दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत में अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत होगी, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और 1290 या मैं कहूँगा 1506 तक पर्टिकुलरली ये सब के सब रहेंगे। 1206 से लेके 1526 तक आपके दिल्ली के सुल्तान्स ने बेसिकली जो पांचों की पांचों डायनेस्टी थी, स्लेव थी, खिलजी थी, तुगलक थी, सैयद थी, लोधी थी, उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया। और उसके बाद ये दिल्ली के सुल्तान्स में सबसे लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, उनको टॉपल करके बेसिकली बाबर आता है, और बाबर मुगल्स की स्थापना करेगा भारत के अंदर, जो 1526 से लेके 1707 तक और लेटर ऑन 1857 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर रूल करेंगे। तो ये मुगल आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके फिर से शुरू करते हैं आज का हमारा जो कोर टॉपिक है, ये कैसे बनता है और किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में सबसे पहले गोरी का जो आक्रमण हुआ, और गोरी के आक्रमण के बाद जो दिल्ली के सुल्तान्स है, कहाँ पे, जो दिल्ली के सुल्तान्स है, ये दिल्ली के सुल्तान्स ने बेसिकली अलग अलग टाइम फ्रेम में फ्रॉम 1206 टू 1526 दे एस्टैब्लिश देयर ओन डायनेस्टीज, और इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया। और उसके बाद मुगल्स आते हैं, ये मुगल्स 1526 से लेके 1707 तक, और 1707 से ले भी 1857 तक लेटर मुगल्स जो भी थे, ये भी कुछ कुछ अपना आर्किटेक्चर बनाएंगे। इन दोनों को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, आपको मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हमने नगर आर्किटेक्चर के फीचर्स को पढ़ा था। ठीक है, अब मिडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर की जो फीचर्स है उसकी खासियत क्या है, याद रखेगा पर्टिकुलरली। तो ये जो मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर, उसे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। पहला तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, मैंने आपको इनके आर्किटेक्चर की खासियत क्या है, इन्होंने आर्क बनाने की शुरुआत की थी। आर्क का मतलब ये होता है, इन्होंने कोई भी चीज थी पर्टिकुलरली, जैसे ये कोई एक 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 पकड़ के चलो, एक विंडो है आपकी या एक दरवाजा है, ये दरवाजा अगर आप देख पा रहे हो तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ आर्क, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो दिस इज नोन एज आर्क्यूएट आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं इसको? आर्क्यूएट कहते हैं। ठीक है, तो एक मॉन्यूमेंट है, उसका दरवाजा के ऊपर आपको इस प्रकार का सी शेप मिलेगा। इसमें भी आर्क दो प्रकार के थे, कुछ कुछ को कॉर्बेल्ड आर्क कहते हैं, किसी को ट्रू आर्क कहते हैं। दिस ये इमेज मैंने जो ड्रॉ की है, इस एन एग्जांपल ऑफ द ट्रू आर्क। ट्रू आर्क का मतलब ये होता है ये प्रॉपर आर्क शेप में है, कॉर्बेल्ड आर्क थोड़ा अलग प्रकार का था, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने मीनार्स का यूज बहुत किया है, तो जो भी मॉन्यूमेंट्स आप देखेगा आपको मीनार्स मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता के समझाता हूँ कि इन्होंने मीनार्स वाले मॉन्यूमेंट्स कहाँ कहाँ बनाए हैं। ठीक है, सो मेनली जब हम लोग ताजमहल को देखते हैं, इफ यू आर अवेयर अबाउट ताजमहल, तो ताजमहल के ऊपर आपको इस प्रकार के मीनार्स मिलेंगे। पर्टिकुलरली इफ यू कैन सी द फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू में आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको इस प्रकार के ताजमहल के अंदर आपको मीनार्स का यूज मिलेगा, इंक्लूडिंग आपको आर्क भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेनली आप मन की आंखों से देखो, ये आपको मीनार्स मिलेंगे, तो ये भी एक इनफैक्ट अलग ही खासियत हुआ करती थी आर्किटेक्चर के अंदर। तीसरा, इन्होंने ताजमहल या कोई भी आप मॉन्यूमेंट देखोगे तो उसमें फ्लोरल डिजाइंस बनाए थे। ये फ्लोरल डिजाइंस पर्टिकुलरली खासियत ये थी कि इस्लाम के अंदर, इन इस्लाम वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इमेजेस, ह्यूमन इमेजेस अलाउ नहीं करता है, इसके लिए आपको फ्लोरल डिजाइंस बहुत मिलते रहेंगे। ये फ्लोरल डिजाइंस को पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे कैलीग्राफी के रूप में बनाया जाता था। देखो, ये कैलीग्राफी का मतलब होता है बेसिकली कुरान जो है, कुरान की जितनी भी आयत हुआ करती थी उसके जो भी वर्सेस थे, वो वर्सेस को लिखा जाता था ऑन दी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो वी फाइंड द अरेबिक वर्सेस ऑफ कुरान पर्टिकुलरली दे वर रिटन ऑन द आर्किटेक्चर ऑन द वॉल्स पर्टिकुलरली, और उसको कैलीग्राफी के रूप में डिजाइन किया जाता था। तो ये भी पॉइंट मिलेगा, इंक्लूडिंग आपको बिल्डिंग्स के अंदर डोम मिलेगा। डोम का मतलब होता है गुंबद, समझ में आता है आपको? ठीक है, तो एक बड़ा सा आपको डोम टाइप इमेज मिलेगी ऑन द बिल्डिंग्स, जो वॉल्स होते हैं पर्टिकुलरली, ये भी एक नया ही आपको चीजें मिलती रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगी, जो फ्लोरल डिजाइन है, ये फ्लोरल डिजाइंस के अंदर बेसिकली जो फूल बनते थे, इस प्रकार के आपको फ्लोरल डिजाइंस मिल जाएंगी पर्टिकुलरली इन मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ये जो फ्लोरल डिजाइंस आपको इसके अंदर से, इस प्रकार की डिजाइन के अंदर मिलती थी, उसको हम लोग आरबीएसक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीएसक्यू। आरबीएसक्यू मतलब पर्टिकुलर, इट्स अ टाइप जहां पे फ्लोरल डिजाइन की जाती थी। इंक्लूडिंग आपने अगर ताजमहल देखा होगा तो व्हाइट मार्बल के ऊपर कलरफुल स्टोन्स को चिपकाया जाता था ऑन दी व्हाइट मार्बल। से फॉर एग्जांपल दिस इज अ व्हाइट मार्बल, और ये जो व्हाइट मार्बल है इसके ऊपर कलरफुल स्टोन्स को चिपकाया जाता था,
और ये जो कलरफुल स्टोन्स को चिपकाया जाता था वो जो टेक्निक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीटरा डूरा कहते हैं. क्या कहते हैं? पीटरा डूरा. तो वी फाइंड पीटरा डूरा टेक्निक एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, इंक्लूडिंग आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर के अंदर वाटर बॉडी मिलेगी. ठीक है, तो आप कोई भी बेसिकली आर्किटेक्चर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ताजमहल के अंदर अगर आपने देखा होगा तो ताजमहल के अंदर आपको आगे एक वाटर बॉडी मिल जाती है. जनरली ताजमहल के सामने ही आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी. ये वाटर बॉडी का इम्पोर्टेंस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस था, क्योंकि मिडिवल इंडिया के अंदर राजाओं के लिए ऐसा कहा जाता था कि जो राजा पानी के लिए कुछ करेगा, मतलब एनी किंग हु इज ट्राइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी, वो जितनी वाटर बॉडी बनाएगा उतना महान कहलाया जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ना छोटे मोटे वाटर बॉडीज बनाए, अपने मॉन्यूमेंट्स बनाए, उसके अंदर भी वाटर बॉडी का यूज किया. इंक्लूडिंग हमको जाली आर्किटेक्चर भी मिलता है. इन मेनी ऑफ दी आर्ट फॉर्म्स वी फाइंड द जाली आर्किटेक्चर. जाली बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो आपको राजपूत आर्किटेक्चर के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मुगल्स ने राजपूत के साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे, एंड बिकॉज मुगल्स ने राजपूत के साथ अच्छे रिलेशन बनाए थे इसके लिए जाली आर्किटेक्चर भी मिलेगा. और आपको फोरसाइटिंग टेक्निक मिलेगी. फोरसाइटिंग टेक्निक आपको ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स के अंदर मिल जाती है. पर्टिकुलरली ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आपकी जो भी मेनली मैं कहूँगा कि एक जो जो डिज़ाइन है उसके अंदर एक जो भी कहीं से भी आप ताजमहल के अंदर जो वर्सेस देखोगे वो छोटे बड़े नहीं दिखेंगे, यू विल फाइंड ऑफ द सेम साइज. ये एक अलग ही प्रकार की खासियत आपको मिलती रहती है. ठीक है, तो ये मेन फीचर्स है मिडिवल आर्किटेक्चर से. एंशियंट आर्किटेक्चर के बीच में आपको डिफरेंस क्या मिलता है याद रखेगा. तो एंशियंट इंडिया में हमको जो आर्किटेक्चर मिला वो कैसा मिला, वो ट्रेबिएट मिला. ट्रेबिएट का मतलब होता है हमको लिंटल टाइप्स मिला है. लिंटल एंड बीम्स का यूज किया गया है. वी हैव यूज्ड द लिंटल एंड द बीम्स इन द एंशियंट आर्किटेक्चर, वेयर एज इन द मिडिवल आर्किटेक्चर वी फाइंड द आर्क शेप आर्किटेक्चर. ठीक है, दूसरा क्या है, आपको स्कल्पचर्स बहुत मिलते थे एंशियंट इंडिया के अंदर जो जनरली ह्यूमन इमेजेस के रूप में थे. मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था ऑन द एंशियंट आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हो ये आपका ट्रू आर्च है. ये ट्रू आर्च की खासियत होती है कि बीच में एक पत्थर रखा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं की स्टोन. ये की स्टोन की खासियत यह है कि ये की स्टोन को अगर आप हटा दोगे तो पूरा का पूरा जो आर्च है वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो कभी कभी आपको पूछता है कि की स्टोन कौन से आर्किटेक्चर का प्रकार था, तो यू शुड नो कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था. ठीक है, ये इस प्रकार का ट्रू आर्च आपको मेनली मिलेगा आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे. अलाउद्दीन खिलजी ने मॉस्क बनाया था, पर्टिकुलरली वहां पे भी आपको मिल जाता है. इंक्लूडिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अपने मस्जिद बनाए थे उसके अंदर भी आपको ये ट्रू आर्च मिलेगा. अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको वापस इसके ऊपर आऊंगा. ये जो पीटरा आपकी आरबेस्क्यू मेथड जो मैंने आपको बताया था, आरबेस्क्यू जो मैंने आपको बताया कि फ्लावरी टाइप्स ऑफ इमेजेस जो मिलती है, फ्लावरी डिजाइंस की जाती है, ये आरबेस्क्यू है पर्टिकुलरली. ये भी आपको मिडिवल आर्किटेक्चर के अंदर मिलेगी. ये पीटरा डूरा है. मैंने आपको बताया कि कलरफुल स्टोन्स को आपके मार्बल के पीस के ऊपर लगवाया जाता था, वो पीटरा डूरा कहते थे. इंक्लूडिंग दिस इज द जाली आर्किटेक्चर. ये जाली आर्किटेक्चर कहते हैं कि राजपूत आर्किटेक्चर के अंदर से इन्होंने बोरो किया था, दे है बोरो फ्रॉम द राजपूत आर्किटेक्चर. क्योंकि ये जो जाली आर्किटेक्चर से इसे दो एडवांटेज थे, एक तो आप इनसाइड आउट देख सकते हो, मतलब अंदर से बाहर देख सकते हो और बाहर से अंदर नहीं देख सकते, एक फायदा ये है. तीसरा आपका जो मैं कहूँगा बहुत रूमीनेस लगेगा. रूमीनेस क्यों? क्योंकि जो 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 मॉन्यूमेंट्स है बेसिकली उसके अंदर लाइट आ सकती है पर्टिकुलरली, तो वी फाइंड लाइट एंड स्पेस जो है काफी आपको वाइब्रेंट दिखेगा और एयर सर्कुलेशन भी रहेगा. ठीक है, तो ये प्राइवेसी का प्राइवेसी भी रखता था. इस तरह से इन्होंने मुगल्स ने अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर बनाए, आपको पॉइंट पता होना चाहिए. ठीक है, अब मेनली आर्किटेक्चर कैसे बना, हमने फीचर्स सबके सब मैंने आपको समझा दिए है. ये फीचर्स कॉमन है पर्टिकुलरली ज्यादातर दिल्ली सुल्तान्स के अंदर, या आप पकड़ के चलो मिडिवल इंडिया के जो भी आर्किटेक्चर के टाइप से उसके अंदर. ठीक है, एक और मिडिवल इंडिया में मुगल्स के दौरान जो बनेगा वो बेसिकली चारबाग आर्किटेक्चर होगा. मुगल्स के दौरान एक और बनता है जिसे हम लोग कहते हैं चारबाग आर्किटेक्चर. ये चारबाग आर्किटेक्चर क्या है, तो अभी थोड़ी देर के बाद जब मैं मुगल्स के ऊपर आता हूँ, व्हेन आई विल बी कमिंग इन द मुगल आर्किटेक्चर, तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कराऊंगा. अभी चारबाग के ऊपर नहीं चलता हूँ. अब सबसे पहले दिल्ली सुल्तान्स के बारे में समझाता हूँ. अब देखिए, दिल्ली के सुल्तान्स जो थे वो 1206 से लेके 1526 तक पावर के ऊपर थे. दिल्ली के सुल्तान्स के अंदर अगर आपको डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, तो सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी. दे केम टू पावर इन 1206. कुतुबुद्दीन ऐबक करके राजा हुआ करता था, वो पावर के ऊपर आया और उसने बेसिकली मॉन्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए.
वो स्लेव डायनेस्टी 1290 तक रहती है. कब रहती है? 1290 तक. ये 1290 में इनको खिलजी डायनेस्टी टॉपल कर देगी एंड द खिलजी विल बी कमिंग टू पावर. 1290 से लेके 1320 तक, 1290 से लेके 1320 तक आपको जो डायनेस्टी मिलेगी वो खिलजी डायनेस्टी मिलेगी. 1320 में आपके बेसिकली जो डायनेस्टी आई पावर के ऊपर उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी दोस्त? तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके मेनली अगर आप देखेगा तो 1414 तक पावर के ऊपर रहेगी. और ये तुगलक डायनेस्टी ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए, अपने सिटीज बनाए, अपने हिसाब से आर्किटेक्चर बनाया. तुगलक के बाद बेसिकली आपको सैयद डायनेस्टी मिलेगी. क्यों मिलेगी? क्योंकि सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी खिजर खान ने, जो बेसिकली तैमूर का एक गवर्नर हुआ करता था. वाज लेफ्ट ओवर बाय तैमूर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. इसके ऊपर मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे. सैयद डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है. 1414 तक आके ये बनाएगा. सैयद के बाद 1414 से लेके मेनली 1526 तक अगर आप देखोगे तो 1414 से लेके 1451 तक आपको इस साइड डायनेस्टी मिलेगी. और 1451 से लेके 1526 तक आपको जो लास्ट डायनेस्टी मिलती है वो है लोधी डायनेस्टी. तो पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम है दिल्ली के सुल्तान्स का वो ये रहेगा. और दिल्ली के सुल्तान्स ने मेनली दिल्ली के आजू बाजू में अपने जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए, वो मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इनके द्वारा क्या क्या स्थापत्य बनाया गया था, ठीक है. तो इतना पॉइंट याद रहेगा आपको दिल्ली के सुल्तान्स के द्वारा. अब जब दिल्ली के सुल्तान्स ने अपना मॉन्यूमेंट्स बनाया तो कुछ कुछ प्रोविंशियल किंग्स हुआ करते थे. प्रोविंशियल किंग्स का मतलब ये होता है कि दिल्ली के सुल्तान्स पूरे भारत के ऊपर तो रूल करते नहीं थे. तो वी फाइंड प्रोविंशियल किंगडम्स एस्टेब्लिशिंग देयर ओन डायनेस्टीज. तो इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल आपको गुजरात मिल जाएगा, आपको मालवा मिल जाएगा, आपको बंगाल मिल जाएगा. ये सब रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पे लोकल डायनेस्टीज अपने आर्किटेक्चर को भी बनाएगी. तो उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे. बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे भी जो प्रोविंशियल किंगडम्स है वो भी अपने बनाएंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, ठीक है. तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे, इंक्लूडिंग आपको डेक्कन वाला पीरियड मिल जाएगा. डेक्कन के अंदर जो सुल्तान्स हुआ करते थे, डेक्कन सल्तनत, वो भी अपना आर्किटेक्चर बनाती है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए अब सबसे पहले इंपीरियल स्टाइल के ऊपर चलते हैं और समझते हैं इंपीरियल में स्लेव डायनेस्टी ने क्या क्या चीजें बनानी शुरू कर दी. अब देखो ज्यादातर जो दिल्ली के जो सुल्तान्स थे इन्होंने मॉन्यूमेंट के रूप में दो चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया. कौन से फोकस किया याद रखेगा? तो एक तो मॉस्क बिल्डिंग इन्होंने बहुत बनाया और दूसरा वाटर टैंक्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया. वाटर टैंक्स का मतलब है बेसिकली पानी के बड़े बड़े कुंड, पानी के बड़े बड़े आपको जो जो मिलेंगे हौज मिल जाएंगे. हौज समझ में आता है आपको, ठीक है. हौज इज अ पर्शियन वर्ड बेसिकली, मेनली अगर आप देखोगे पर्शिया में भी यूज होता है. यहाँ गुजरात में भी अगर आप देखोगे तो पानी का जो कुंड होगा उसको हौज ही कहा जाता है. सो वी सी दैट इन्होंने वाटर टैंक्स बनाए छोटे छोटे. अब क्यों बनाए उसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ. मेनली वी सी कि इन्होंने मॉस्क इसके लिए बनाए थे दिल्ली के सुल्तान्स ने, क्योंकि दिल्ली के जितने भी सुल्तान्स हैं जो बेसिकली इस्लाम को फॉलो करते थे, वो लोग बेसिकली अपने आप को शैडो ऑफ गॉड मानते थे. शैडो ऑफ गॉड समझ में आता है, ये अपने आप को कहते थे कि हम खुदा के साये हैं, हम खुदा के साये हैं. बेसिकली दे नेवर क्लेम्ड कि वो खुद भगवान है पर्टिकुलरली, या भगवान के अवतार है, जो एंशियंट इंडिया में बहुत सारे किंग आपको मिलेंगे, ठीक है. तो जो भी किंग आता था तो उसको लगता था कि मैं मॉस्क बिल्डिंग करूंगा, मैं जितना मॉस्क बिल्डिंग करूंगा उतना ही मेरे लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. तो वी सी मेनी ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स व्हेन दे विल बी कमिंग इन पावर, बहुत सारे दिल्ली के सुल्तान जो पावर के ऊपर आएंगे वो मॉस्क बिल्डिंग करने की शुरुआत करेंगे, ठीक है. सो वी कंसिडर दैट अ न्यू डायनेस्टी दैट दे विल कम टू पावर. तो किंग जो था वो अपनी लेजिटिमेसी गेन करने के लिए मॉस्क बिल्डिंग बनाता है, प्लेस ऑफ वर्शिप बहुत बनाएगा. और मॉस्क के अंदर फायदा ये होता था कि लोग इकट्ठे होते थे, पीपल यूज टू गेट बेसिकली टुगेदर, एक गेट टुगेदर हो जाता था, लोग डिस्कस करते थे पर्टिकुलरली, और उनको कंट्रोल भी किया जा सकता था, उनको रेगुलेट भी किया जा सकता था. और इसी के कारण राजाओं ने मस्जिद बनाने की शुरुआत की दिल्ली के सुल्तान्स ने. दूसरा दिल्ली के सुल्तान्स ने जो बनाया है वो है वाटर टैंक्स. बड़े बड़े आपको टैंक्स मिलेंगे पर्टिकुलरली. ये टैंक्स के अंदर मेनली आप देखेगा तो आपको जो दिल्ली के सुल्तान्स थे उसमें इल्तुतमिश करके एक राजा था. इल्तुतमिश बिलोंग टू द स्लेव डायनेस्टी. अभी इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको. इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था और कहते हैं कि इल्तुतमिश जो था उसने बेसिकली दिल्ली के पास एक बेसिकली मॉस्क या मैं कहूंगा एक वाटर बॉडी बनाया था जिसका नाम है हौज ए सुल्तानी. क्या नाम है? हौज ए सुल्तानी, याद रखेगा. इट वाज बिल्ट बाय इल्तुतमिश, दिस इज नोन एज द किंग्स रिजर्वायर. हाँ कि भाई ये सुल्तान का बेसिकली कुआ है काइंड ऑफ, ठीक है, इस प्रकार का. उसी तौर के ऊपर हौज खास, अगर आपको जानकारी होगी आज की तारीख में दिल्ली में पार्टी सर्किट के अंदर लोग जाते हैं, बहुत सारे पब वब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. खैर अभी तो कोरोना के कारण
कारण सब कुछ सोशलाइजिंग भी बंद है, बट ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था हौज खास, एंड वी फाइंड कि ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे अलग अलग राजाओं ने अपने डेवलपमेंट किए इन द वाटर बॉडीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो किंग्स थे स्लेव डायनेस्टी में, इन्होंने क्या क्या बनाया। अब देखो, स्लेव डायनेस्टी के दौरान जो चार किंग इंपॉर्टेंट थे, एक तो नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, द फर्स्ट किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट किंग आएगा इल्तुतमिश। कौन आएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो तीसरी इनफैक्ट सुल्तान आती है रजिया, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, शी केम टू पावर। इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं। और लास्ट में जो स्लेव डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट किंग है वो बलबन। बलबन ने बेसिकली अपने आप को जिल्ले इलाही कहा था। क्या कहा था? जिल्ले इलाही। वो कहता है कि मैं खुदा का साया हूँ। बलबन यूज टू क्लेम कि आई एम द शैडो ऑफ द गॉड। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग जो 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 किंग्स है उनके द्वारा कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। मेनली कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन दोनों ने मॉन्यूमेंट्स बनाने की शुरुआत की। अब देखिए, पर्टिकुलरली इन्होंने जो स्लेव डायनेस्टी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव हुआ करता था। याद रखेगा, He was the slave of Gori। इसके लिए उसने जो बेसिकली शुरुआत की थी वो थी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी पर्टिकुलरली। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश भी गुलाम ही था। He was also the slave of कुतुबुद्दीन ऐबक only। उसका सन इन लॉ भी हुआ करता था, जमाई भी हुआ करता था। इल्तुतमिश गुलाम था, बट वो कहता है कि मैं इलबारी हूँ। समझ में आता है आपको? वो अपने आप को क्या कहता था कि आई एम द इलबारी ट्राइब, आई डू नॉट बिलोंग टू द स्लेव्स पर्टिकुलरली। ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, ये मामलुक सुल्तान के रूप में था। मामलुक सुल्तान इसके लिए क्योंकि ये इजिप्ट वाले रीजन्स के अंदर से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे, और ये इस तरह से अपने आप को मामलुक नाम से पहचानता है। ठीक है, तो कभी कभी आपको आर्किटेक्चर में पूछता है कि स्लेव डायनेस्टी के वेरिएशंस कौन से नाम से पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश में मिलेगा ही। इल्तुतमिश के साथ आपको इलबारी डायनेस्टी का नाम भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि आई बिलोंग टू द इलबारी ट्राइब, इसके लिए मैंने इलबारी आर्किटेक्चर की शुरुआत की पर्टिकुलरली। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मामलुक कहता है अपने आप को, इसके लिए आपको मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान में सबसे पहली डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी है, ये स्लेव डायनेस्टी में दो रीजनल वेरिएशंस मिलेंगे। एक तो मामलुक सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक की खुद की डायनेस्टी थी, दूसरा इलबारी डायनेस्टी जहां से इल्तुतमिश बिलोंग करता था। वो अपने नाम का ही अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के टाइम देने की कोशिश करेगा कि यार मैंने कुछ ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेगा। अब क्या क्या बनाए हैं इन्होंने फैक्चुअली आपको समझा देता हूँ। What things were made by them? आपको facts पता होनी चाहिए दिल्ली के सुल्तान ने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। ठीक है, पहला point अगर आप देखोगे तो इनको एक तो mosque बनाना था। अब mosque में दिक्कत क्या थी कि they did not had the material to make the mosque। And because they did not have the material to make the mosque, इन्होंने reconvert करना शुरू कर दिया और remodeling करना शुरू कर दिया existing Hindu temples का। ठीक है, तो जो भी हिंदू जैन मॉन्यूमेंट्स थे इंडिया के अंदर उसको इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, रीमॉडल कर दिया। उसी में से ही बेसिकली इन्होंने सबसे पहला मॉस्क बनाया था पर्टिकुलरली इन दिल्ली, जिसका नाम है कुवत उल इस्लाम मॉस्क। क्या नाम था? कुवत उल इस्लाम मॉस्क। पर्टिकुलरली कुवत उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ द ऐबक ओनली, एंड इट इज सेड दैट दैट वॉज द फर्स्ट मॉस्क दैट वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ जैन टेम्पल। ठीक है, ये जो कुवत उल इस्लाम मॉस्क है, पर्टिकुलरली ये जो कुवत उल इस्लाम मॉस्क है उसी के अंदर आपको ट्रू आर्च भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कुवत उल इस्लाम पर्टिकुलरली वॉज द फर्स्ट मॉस्क विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ जैन टेम्पल। ये जो मॉस्क है ये जैन टेम्पल से कन्वर्ट किया हुआ है। ये मेनली अगर आप देखोगे तो कुतुब मीनार की प्रीमाइसिस के अंदर ही मिल जाएगा आपको। यू फाइंड इन साइड द प्रीमाइसिस ऑफ कुतुब मीनार ओनली। तो ये भी बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनके आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कुवतुल इस्लाम मॉस्क सबसे पहला मॉस्क बनता है, वो कुतुब मीनार की प्रीमाइसिस के ऊपर ही है। उसके सिवा ये जैन टेम्पल से बना, उसके सिवा एक और बेसिकली मॉन्यूमेंट बना, वो है ढाई दिन का झोपड़ा। क्या नाम है? ढाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अब देखो अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज इन अजमेर। कहाँ पे आया हुआ है? अजमेर के अंदर आया हुआ है। और ये भी बेसिकली चौहान डायनेस्टी के समय पे बना हुआ एक संस्कृत का पाठशाला था। इट वॉज अ संस्कृत पाठशाला। इट वॉज सेड दैट यहाँ पे जो वैदिक स्कॉलर्स थे वो लोग बैठा करते थे। इसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है। ये ढाई दिन के अंदर इसके ऊपर कूफी किया गया था। मैंने आपको बता दिया कूफी की खासियत क्या होती है। कूफी का मतलब होता है कैलीग्राफी के जो वर्सेस लिखे जाते थे वो वाले। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलते रहेंगे। इसके सिवाय आपको कुतुब मीनार मिल जाएगा, विच वॉज बिल्ट और विच वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेगा
कि कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी उसके दौरान कुतुब मीनार का भी फॉर्मेशन हुआ था। अब देखो कुतुब मीनार का इंपॉर्टेंस क्या है, इफ यू कैन सी इन दिस इमेज, ये कुतुब मीनार का इंपॉर्टेंस ये है पर्टिकुलरली कि इट वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार ने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसके नाम के ऊपर था, तो खुद के नाम के ऊपर नहीं था, इट वॉज नॉट ऑन हिज ओन नेम, याद रखेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के ऊपर, किसके नाम के ऊपर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज अ सूफी सेंट, उनके नाम के ऊपर कुतुब मीनार बनाया जाता है। इसको बेसिकली इल्तुतमिश कंप्लीट करेगा, मतलब कुतुब मीनार आधा अधूरा रह गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई, तो घोड़े से गिर जाता है, ये भाई साहब पोलो खेल रहे थे या चौगान खेल रहे थे और घोड़े से ऊपर से उलट पड़ के गिर गए, तो देन ही पास्ड अवे, ठीक है। तो इट इज सेड दैट पर्टिकुलरली इस तरह से उसका मृत्यु हुआ, इल्तुतमिश कंप्लीट किया। उसके बाद ऊपर का जो फ्लोर है, द टॉप फ्लोर जो है, वो आपका फिरोज शाह तुगलक बनाएगा। फिरोज शाह तुगलक कब बनाता है, तो वो तुगलक डायनेस्टी के दौरान बनती है। तुगलक डायनेस्टी कब आती है, तो मैंने बताया कि 1320 से लेके 1414 तक का जो पीरियड था, दैट वॉज अ पीरियड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी तब पावर के ऊपर आएगी, तो अभी टाइम है उसको, पर कुतुब मीनार के अंदर आपको ये तीन पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आपका जो कुवतुल इस्लाम मॉस्क है, जो मैंने आपको बताया दैट वॉज बिल्ट फ्रॉम द जैन टेम्पल, ये जैन टेम्पल से आपने इनफैक्ट कन्वर्ट करके बनाया था, उसकी खासियत यह है पर्टिकुलरली कि इसको दिल्ली ई कोहना करके जो पर्टिकुलरली दिल्ली सिटी के ऊपर पूरी बुक लिखी गई उसमें भी मेंशन किया गया है। कुतुबुल इस्लाम मॉस्क में भी दो लोग जुड़ेंगे या तीन लोग जुड़ेंगे, पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक मिलेगा जो राजा जिसने स्थापना की, उसके बाद उसको एनलार्ज किया जाता है बाय इल्तुतमिश, याद रखेगा कि यहाँ पे दूसरा नाम आएगा इल्तुतमिश के साथ, और तीसरा आपको अलाउद्दीन खिलजी का भी मिलेगा जो जस्ट दिल्ली के सुल्तान में पावर के ऊपर आता है जस्ट आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी विल बी कमिंग टू पावर बाय 1296 और ये कुवतुल इस्लाम मॉस्क को भी बनाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा कि कुवतुल इस्लाम मॉस्क और ये दोनों की दोनों आपको पता होने चाहिए कि ये कैसे बने थे, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लेव डायनेस्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने वाटर बॉडीज बनाए थे, और वाटर बॉडीज किसने बनाया था, तो वाटर बॉडी के रूप में मैंने आपको बताया इल्तुतमिश वॉज द किंग जिसने वाटर बॉडी बनाया था। पर्टिकुलरली क्या बनाया था, हौज ए सुल्तानी वॉज द वाटर बॉडी दैट वॉज बिल्ट बाई इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था। दूसरा आपको इसके बाद जो मिलता है पर्टिकुलरली डायनेस्टी, वो आपको मिलेगी द सेकेंड डायनेस्टी, दैट इज द खिलजी डायनेस्टी। अब चलिए खिलजी डायनेस्टी के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि खिलजी डायनेस्टी में क्या क्या चीजें बनाई जाती है। अब देखिए खिलजी डायनेस्टी की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द खिलजीज, तो आपको पता होना चाहिए कि खिलजी डायनेस्टी में क्या क्या चीजें बनाई जाती है। अब खिलजी की खासियत क्या है, खिलजी लोग जो है पर्टिकुलरली वो जो आर्किटेक्चर की शुरुआत करेंगे उसे हम लोग कहते हैं सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं, सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे मैंने आपको अभी बताया स्लेव डायनेस्टी के दौरान दो प्रकार के आर्किटेक्चर आपके नाम सुने गए, एक तो मामलुक सुल्तान क्योंकि ये सुल्तान के नाम थे, दूसरे इलबारी, ये दोनों के दोनों गुलामी थे पर्टिकुलरली एक दूसरे के, बट आपको इस प्रकार के नाम मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलती है और खिलजी डायनेस्टी में आपको रेड सैंडस्टोन का यूज काफी मिलेगा। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी ने एक गेट बनाया था जिसका नाम है अलाई दरवाजा। क्या नाम है, अलाई दरवाजा। इफ यू कैन सी द अलाई दरवाजा इन दिस मैप, सॉरी इन दिस फोटोग्राफ, ये अलाई दरवाजा ही है पर्टिकुलरली, इट वॉज अ गेटवे टू एंटर द कुतुब मीनार। मैं आपको जस्ट अलाई दरवाजा को वापिस से दिखाता हूँ, ये रहा, अगर आप ये फोटोग्राफ को फिर से देखोगे ध्यान से तो आपको अलाई दरवाजा मिलेगा। दिस इज द अलाई दरवाजा पर्टिकुलरली, ये अलाई दरवाजा है और ये कुतुब मीनार के प्रीमाइसिस के अंदर ही आया हुआ है। और मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के दौरान बताया अभी कि उसने अलाई दरवाजा की स्थापना की थी पर्टिकुलरली, ये पॉइंट पता होना चाहिए। इनफैक्ट इसके दौरान आपको ट्रू आर्च भी मिल जाएगा, इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्च। ये जो एग्जांपल है ये ट्रू आर्च का एग्जांपल है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रू आर्च। ये भी एक अलग ही प्रकार की स्टाइल आपको इसके अंदर से मिलती है आर्क्यूएट फॉर्म के अंदर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पर्टिकुलरली ट्रू आर्च बनाएगा, सीरी का फोर्ट बनाता है, एक और चीज ये बनाता है वो सीरी का फोर्ट। अब देखो सीरी का फोर्ट कहाँ पे आया हुआ है, याद रखेगा कि सीरी फोर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली ओनली, सीरी फोर्ट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली ओनली। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे
तो दिस वॉज द फोर्ट दैट इज नोन एज अ सीरी फोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी बनाता है, ठीक है। तो वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द सीरी फोर्ट दैट वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी और क्या बनाता है याद रखेगा, अदर देन दिस अलाउद्दीन खिलजी क्या बनाएगा, तो वी सी अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली जो हौज बनाया है जिसका नाम है हौज खास, ये भी अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या, और कुतुब मीनार का जो अंदर मॉस्क है जिसका नाम क्या है, कुवतुल इस्लाम मॉस्क, कुवतुल इस्लाम मॉस्क। ये कुवतुल इस्लाम मॉस्क को जो रिपेयर किया जाता है या उसको एनलार्ज किया जाता है वो भी अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है। सो वी फाइंड थ्री थिंग्स, अलाई दरवाजा विच इज पार्ट ऑफ दी दिस होल थिंग्स, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन मिलेगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें एक छोटा सा डोम आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाती है, किसकी, एक छोटे से डोम आर्किटेक्चर की शुरुआत होगी। तो इन द अलाउद्दीन खिलजी पीरियड वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द डोम आर्किटेक्चर एज वेल, लिटिल बिट ऑफ डोम, छोटा सा गुंबद जैसा बनाएगा आपको दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। हौज खास जो मैंने आपको बताया वाटर बॉडी है जहां पे आजकल दिल्ली के जो लोग है ना बेसिकली पार्टी पार्टी करने चले जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको इसके अंदर से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कुवत उल इस्लाम मॉस्क, क्या नाम है, कुवत उल इस्लाम मॉस्क। पर्टिकुलरली ये जो मॉस्क हुआ करता था उसको ये एनलार्ज करता है, एनलार्ज करता है, एनलार्ज करने का मतलब ये होता है उसको और बनाया गया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी में एक और पॉइंट याद रखेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे फ्रेश मटेरियल से, फ्रेश मटेरियल्स का मतलब है पर्टिकुलरली एक नया ही पत्थर लाके ये लोग मॉस्क बनाएंगे जिसका नाम है जमात ए खाना मॉस्क। क्या नाम है, जमात ए खाना मॉस्क, दैट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द खिलजी पीरियड ओनली। ये फ्रेश मटेरियल से था। तो हम लोग कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला मॉस्क दिल्ली के सुल्तान्स ने कब बनाया था, तो सबसे पहला मॉस्क अगर आपको पूछे, व्हेनेवर दे विल आस्क यू द फर्स्ट मॉस्क, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज द कुवतुल इस्लाम मॉस्क। पर अगर आपको बताया जाए कि फ्रेश मटेरियल से मतलब नए पत्थर लेके इन्होंने कोई बनाया है तो वो खिलजी डायनेस्टी ने बनाया था जिसका नाम था जमात ए खाना मॉस्क, वेरी इंपॉर्टेंट मॉस्क जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको खिलजी के अंदर पता होना चाहिए, सीरी का एक किला बनाया था। आजकल यहाँ पे दिल्ली के अंदर ऑडिटोरियम है, इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, There is an auditorium located at Siri only. ये Siri Fort auditorium के रूप में भी पहचाना जाता है, ठीक है। तो we see two things particularly जो खिलजी dynasties के अंदर मिलेगा। खिलजी के बाद जो तीसरी dynasty आती है दिल्ली के अंदर वो है तुगलक dynasty। कौन सी आती है, तुगलक dynasty। अब देखिए particularly खिलजी में आपको architecture में limited तीन चार चीजें मिलती इन एंड अराउंड दिल्ली, क्योंकि ज्यादातर जो monuments बनाता है कौन बनाता है, अलाउद्दीन खिलजी ही बनाता है। क्यों अलाउद्दीन खिलजी बनाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 1296 से लेकर 1316 तक पावर के ऊपर रहेगा, और ये 20 साल तक जब रूल कर रहा था दिल्ली के ऊपर, तो उसने इतने सारे ये जो अलग अलग प्रकार के मॉन्यूमेंट्स है उन सबको उसने बना के उसका एक उसका फाउंडेशन रखा है, ठीक है। तो ये खिलजी के अंदर आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस था एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग दैट वॉज देन, ठीक है। तो इतना पॉइंट साफ याद रहेगा आपको कि क्या डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से चलता है। तीसरा, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी जब टॉपल होती है तो खिलजी के बाद आपको तुगलक डायनेस्टी मिलेगी। अब देखो तुगलक कब आए, व्हेन द तुगलक केम टू पावर, तो तुगलक डायनेस्टी 1320 में पावर के ऊपर आई। कब आई साहब, तो 1320 में तुगलक डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है, एंड इन द ईयर 1320 व्हेन द तुगलक डायनेस्टी विल कम टू पावर, तो वो लोग बेसिकली अपने मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे। अब देखो तुगलक डायनेस्टी के दौरान खासियत क्या होती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, के व्हेन द तुगलक्स केम टू पावर दिल्ली वॉज गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ, मैं कहूंगा बहुत ही हैपजर्ड वे में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था, क्योंकि तुगलक्स के दौरान उनके जो राजा थे वो थोड़े पगले राजा थे। एक्चुअली तुगलक्स में आपको तीन किंग्स पता होना चाहिए। सबसे पहला है ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, क्या नाम था, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक। ये तो 5 साल ही रूल करता है 1320 से लेके 1325 तक, ही विल बी रूलिंग फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड पर्टिकुलरली 1320 से लेके 1325 तक। उसके बाद उसको टॉपल कर दिया जाता है, एंड देन वी सी मोहम्मद बिन तुगलक कमिंग टू पावर। कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक कमिंग टू पावर। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1350 तक रूल करेगा, और उसके बाद आपको फिरोज शाह तुगलक मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक रूल करेगा मेनली 1351 से लेके 1388 तक रूल करेगा, ठीक है। सो वी फाइंड पर्टिकुलरली तुगलक में, और उसके बाद जो लेटर किंग्स आते हैं, द लेटर किंग्स देन दे विल बी कमिंग टू पावर विल बी रूलिंग फ्रॉम 1388 टू आई वुड से 1414, और उसके बाद इनका डिक्लाइन हो जाता है। इनफैक्ट ये जो तुगलक रूल कर रहे थे लेटर तुगलक्स जो फिरोज शाह तुगलक के बाद आए पावर के ऊपर,
इनके दौरान इन द ईयर 1398 वी फाइंड तैमूर विल बी अटैकिंग ओवर दिल्ली। ठीक है, तो तुगलक की खासियत क्या थी कि ये लोग है ना मॉस्क बिल्डिंग तो बनाया, इन्होंने सिटीज के ऊपर बहुत फोकस किया। ठीक है, अब क्या क्या चीजें बनाई हैं उनको एक एक करके समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट थिंग्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द तुगलक डायनेस्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने ये जो ब्रीफ पीरियड तक रूल किया है उसको एक एक करके देखते हैं। अब देखो तुगलक की खासियत क्या है, इनके दौरान है ना इन्होंने सिटीज बनाए, जैसे ग्यासुद्दीन बिन तुगलक है, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक का याद रखेगा पर्टिकुलरली, उसने बेसिकली एक सिटी बनाया जिसका नाम है तुगलकाबाद, दिख रहा है आपको? ठीक है, सो ग्यासुद्दीन बिन तुगलक बेसिकली एस्टैब्लिश्ड द सिटी कॉल्ड एज तुगलकाबाद, तो ये उसके द्वारा बनाया हुआ सिटी है, याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया जो 1325 से लेकर 1350 तक है, इसको बेसिकली हिस्ट्री के अंदर लोग पगला राजा भी पहचानते हैं, ही इज कॉल्ड एज अ मैड किंग क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इनके ऊपर मिडिवल इंडिया में कभी बाद में डिस्कस करेंगे, पर इसने भाई साहब मतलब है ना खाट खड़ी कर दी थी अपनी इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, तो वो बेसिकली राजा भी वैसा है, तो उसने एक सिटी की स्थापना की, एक फोर्ट बनाया जिसका नाम है जहांपनाह, दिख रहा है आपको? ठीक है, सो ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू फोर्ट कॉल्ड एज जहांपनाह, अपने नाम से वो फोर्ट बना रहा है। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से लेके 1388 तक रूल करता है, उसने फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला बनाया, यहाँ पे आपका एक स्टेडियम भी आया हुआ है, और पर्टिकुलरली जो HSRA करके एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था उसकी स्थापना भी यहाँ पे हुई थी, तब तो स्टेडियम नहीं हुआ करता था, बट फिरोज शाह कोटला नाम का जो जगह है वहां पे ही ये बनाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली तीन चार चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया तुगलक डायनेस्टी ने। तुगलक डायनेस्टी का मेनली जो फोकस हुआ करता था इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, वो सिटी बिल्डिंग और फोर्ट बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा था, इन्होंने ना किले बहुत बनाया था। ठीक है, दूसरा इन्होंने ग्रे सैंडस्टोन का काफी यूज किया। अब देखिए खिलजी डायनेस्टी जो थी, अभी मैंने आपको बताया खिलजी ने रेड सैंडस्टोन का यूज किया था, इन द अलाई दरवाजा, यहाँ पे आपको ग्रे सैंडस्टोन मिलता है, एक ये भी डिफरेंस मिलेगा। तीसरा इन्होंने ना स्लोपिंग वॉल्स का यूज किया, ये स्लोपिंग वॉल्स को बटेर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बटेर। अब देखो ये क्या होती है बेसिकली, तो आपको है ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे एक मॉन्यूमेंट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको इस प्रकार की स्लोपिंग वॉल मिल जाती है। ठीक है, तो मेनली इस प्रकार की ये आपका मॉन्यूमेंट हो गया, पर्टिकुलरली ये मॉन्यूमेंट के ऊपर बेसिकली आपने एक डोम बना दिया है और आपको इस प्रकार की कोई स्लोपिंग वॉल मिल जाएगी, तो दिस स्लोपिंग वॉल इज नोन एज बटेर, जिससे बेसिकली आपकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है आपका जो मॉन्यूमेंट है वो काफी मजबूत रहेगा, वो है ना कि मजबूती से बना हुआ है, इस प्रकार की चीजें मिलती रहेगी। इनफैक्ट इन्होंने काफी सारा मोर्टार का यूज किया था, मोटर का यूज का मतलब ये होता है इन्होंने जो सीमेंट है, मैं कहूँगा लाइमस्टोन है, फिर छोटे छोटे पत्थर है, मट्टी है, इन सबको इकट्ठा करके आर्किटेक्चर को बनाया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको इसके अंदर से पता होना चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने तीन चार सिटीज बनाए, जहांपनाह वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह कोटला बनाया गया था या फिरोजाबाद जो बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था, और आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने एक मॉस्क भी बनाया था जिसका नाम है बेगमपुरी मॉस्क। क्या नाम है? बेगमपुरी मॉस्क। बेगमपुरी मॉस्क मेनली अगर आप देखोगे तो ये भी जहांपनाह के अंदर ही है, दिस इज पार्ट ऑफ द जहांपनाह ओनली, क्योंकि वो पूरी दुनिया को इस तरह से वो कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन फॉर द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, और ये भाई साहब ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। ठीक है, तो बहुत लंबी कहानी है, आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स अबाउट हाउ द एक्सपांशन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी टुक प्लेस, बट एटलीस्ट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि तुगलक्स में क्या क्या चीजें बनती है और तुगलक्स में क्या क्या पॉइंट आपके उभर के आते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको तुगलक डायनेस्टी के अंदर याद रहेगा। इसमें भी आपको आर्क्यूएट आर्किटेक्चर मिलता है, इवन हियर एज वेल वी फाइंड द आर्क्यूएट आर्किटेक्चर विच इज यूज बाय द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो ये दोनों तीन चार पॉइंट आप याद रखेगा कि क्या क्या पॉइंट इनके अंदर से बने। तुगलक के बाद जो तीसरी डायनेस्टी आई है या चौथी डायनेस्टी बेसिकली आप देखोगे वो है लोधी सैयद डायनेस्टी। अब सैयद कैसे आई, तो मैंने बताया कि तुगलक जब रूल कर रहे थे तो इन द ईयर 1398, कौन से साल में, 1398 में, इन द ईयर 1398 तैमूर ने आक्रमण किया, किसने किया था, तैमूर ने। तैमूर जब भारत के ऊपर आता है और तैमूर ने जब अटैक किया इंडिया के ऊपर, दिल्ली को उसने ना लूटपाट करके चला गया, तो तैमूर अपने एक सेनापति को छोड़ के गया था, गवर्नर को, जिसका नाम था खिजर खान, और कहते हैं कि खिजर खान ने फाइनली दिल्ली को टॉपल कर दिया। 1414 में उसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की, किसकी, ये एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। हमारे लिए अच्छी बात यह है
कि सैयद डायनेस्टी का कोई कंट्रीब्यूशन आपको आर्किटेक्चर के अंदर नहीं मिलेगा. सो द सैयद डायनेस्टी विल बी रूलिंग फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 35-36 ईयर्स, 1414 से लेके 1451 तक ये लोग रूल तो करेंगे, बट इनका कोई पॉलिटिकल आपको आर्किटेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है. फर्दर जो मिलता है वो है लोधी डायनेस्टी में, 1451 से लेके 1526 तक. अब लोधी कैसे आए, तो बहलुल लोधी करके इनका फाउंडर हुआ करता था अगर आपको जानकारी होगी, और बहलुल के बाद आपको मिलेगा पर्टिकुलरली सिकंदर, और सिकंदर के बाद तीसरा जो था इनका राजा, इसका नाम था इब्राहिम. ये तीनों के तीनों पर्टिकुलरली जो हम लोग किंग्स के रूप में देखते हैं, ये तीनों के तीनों के दौरान आपके अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर की शुरुआत होगी. इन्होंने भी अलग अलग सिटीज बनाए, अब उसको देखते हैं पर्टिकुलरली, और मॉस्क भी बनाए वो भी समझते हैं. अब देखो लोधीज में खासियत क्या थी, इन्होंने टॉम्ब्स काफी बनाए. टॉम्ब्स का मतलब समझ में आता है मजार, ठीक है. तो जब भी कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी, वेन एवर द किंग यूज टू पास अवे, इन्होंने टॉम्ब्स बनाए थे, और टॉम्ब्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पे किसी को दफनाया जाता था, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी को बरी किया जाता था, तो उसके आजू बाजू में एक मॉन्यूमेंट क्रिएट किया जाता था, और मॉन्यूमेंट में इन्होंने डोम आर्किटेक्चर का यूज किया है. ये डोम में भी बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको डबल डोम आर्किटेक्चर मिलेगा. क्या मिलेगा? डबल डोम. डबल डोम का मतलब है कि आपको दो डोम मिलेंगे, एक ये इनसाइड वाला डोम है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द डोम एंड दिस इज द आउटसाइड डोम. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो दिस इज द आउटसाइड डोम. ये जो डोम है इससे हमको समझ में आता है पर्टिकुलरली कि बिल्डिंग की जो साइज है, ये साइज आपको काफी बड़ी दिखेगी, इनफैक्ट काफी ग्रैंड बिल्डिंग दिखेगा. ये बीच में हॉलो स्पेस रहती है, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, वी फाइंड अ हॉलो स्पेस, और ये जो हॉलो स्पेस है इसके अंदर से बेसिकली इन्होंने पर्टिकुलरली जब हम लोग समझते हैं हॉलो स्पेस के द्वारा जो कैविटी रखी जाती थी जिसके कारण गर्मी भी नहीं होती थी, ठीक है. तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए. इन्होंने बहुत सारे डोम्स और टॉम्स बनाए पर्टिकुलरली लोधी डायनेस्टी के दौरान. दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन्स अगर आप देखोगे तो इनके दौरान ही बनाया था. आगरा का सिटी आपको सिकंदर लोधी के अंदर मिलेगा. इनफैक्ट फिर उसके बाद दिल्ली की जगह जो कैपिटल है वो आगरा के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. तो ये दोनों पॉइंट आपको लोधी डायनेस्टी के अंदर पता होने चाहिए. इसके साथ साथ इन्होंने जो मस्जिद बनाई थी सिकंदर लोधी के टाइम पे, जिसका नाम था मोती की मस्जिद या मोती मस्जिद भी लोग कहते हैं, दिस वॉज एस्टेब्लिश इन द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी. ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, उसका जो मंत्री था उसने ये बनाई थी. सिकंदर लोधी कब यूज करता था, तो सिकंदर लोधी मेनली आप देखेगा तो आपको 1489 से लेके 1517 तक का जो पीरियड मिलेगा, तब सिकंदर लोधी ये लोधी डायनेस्टी की स्थापना के रूप में आपको मिलती रहेगी, ठीक है. अदर देन दैट आपको दूसरी एक मॉस्क मिलेगी जो कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी के टाइम पे बनी हुई थी. किसके टाइम पे? इब्राहिम लोधी के टाइम पे बनी हुई थी, और इब्राहिम लोधी के टाइम पे एक मॉस्क बनी थी जिसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद. क्या नाम है? जमाली कमाली, ठीक है. तो ये दोनों पॉइंट आर्किटेक्चर के अंदर आपको पता होने चाहिए जो मिडिवल इंडिया के अंदर दिल्ली के सुल्तान्स के दौरान बनते हैं. गेटिंग अ पॉइंट? तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया कि दिल्ली के सुल्तान्स के दौरान जो पांच डायनेस्टी थी, दिल्ली के सुल्तान्स के दौरान जो मैंने आपको बताई पांच डायनेस्टी थी, इनके दौरान क्या क्या चीजें बनती है पर्टिकुलरली. तो मैंने स्लेव डायनेस्टी को आपको पढ़ाया, स्लेव के बाद मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया, खिलजी के बाद मैंने आपको पर्टिकुलरली जो डायनेस्टी के बारे में बताया वो है तुगलक डायनेस्टी. तुगलक के बाद हमने सैयद का पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. और सैयद के बाद जो लास्ट आते हैं कौन से आते हैं? लोधी डायनेस्टी. इन सब के अंदर जो भी आर्किटेक्चर बना जो मैंने आपको पढ़ा दिया. अब देखो वहां से लोधी डायनेस्टी को टॉपल कर देगा बाबर. ये बाबर कैसे पावर के ऊपर आया और मुगल्स की कैसे ओरिजिन हुआ उसको भी थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं. आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स अबाउट हाउ द बाबर विल बी कमिंग. हम लोग अब देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान्स के दौरान कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर कैसे बना. कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है कि जब दिल्ली के सुल्तान्स रूल कर रहे थे, व्हेन द दिल्ली सुल्तान्स वर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया, जब दिल्ली के सुल्तान्स नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, उस दौरान इंडिया के अलग अलग रीजन्स में रीजनल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई. जैसे यहाँ पे देखोगे तो बंगाल के अंदर जो लोकल डायनेस्टीज थी वो अपना आर्किटेक्चर बनाएगी, इंक्लूडिंग अगर आपको जानकारी होगी जौनपुर वाला जो रीजन है यूपी में, वहां पे आपको एक नया डेवलपमेंट मिलेगा. इसके साथ साथ आपको बीजापुर जो डेक्कन वाला रीजन है वहां पे दखनी सुल्तान्स हुआ करते थे. आदिल शाह करके एक डायनेस्टी हुआ करती थी, आदिल शाही डायनेस्टी, जो दखनी सुल्तान्स की एक डायनेस्टी का पार्ट था. ये लोग बेसिकली अपनी अलग मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे, इंक्लूडिंग इन सेंट्रल इंडिया. यहाँ पे मंडू करके जो जगह है यहाँ पे भी आपको रीजनल आर्किटेक्चर मिलता है, ठीक है. तो जब दिल्ली के सुल्तान्स रूल कर रहे थे फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1206 टू 1526, मैंने अभी आपको इनका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर का हिस्ट्री बताया, उस दौरान आपके प्रोविंशियल स्कूल्स भी बने हैं. प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स का मतलब होता है ये जो रीजनल आर्किटेक्चर के टाइप्स है
वो भी बनते हैं, तो वहां से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड एंड हाउ द आर्किटेक्चर इमर्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं पर्टिकुलरली प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में। सबसे पहले आपको बंगाल के अंदर समझाता हूँ, लेट अस गो इनटू द बंगाल एंड लेट अस डिस्कस द बंगाली आर्किटेक्चर, ये कैसे बन के आया। ठीक है, अब बंगाल के अंदर जो बेसिकली आर्किटेक्चर जो था वहां पे बांग्ला रूफ मिलेगा। अब देखो बांग्ला रूफ मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, हमने जब टेंपल आर्किटेक्चर को पढ़ा तो मैंने बताया था पाल, और पाल के बाद सेन डायनेस्टी बंगाल के अंदर जो लोकल डायनेस्टीज आती है बिटवीन द 8th to 12th century, बिटवीन द 8th to 12th century इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, उसमें आपको इस प्रकार का रूफ मिलेगा, इस प्रकार का रूफ मिलेगा। ये बांग्ला रूफ का स्टाइल है पर्टिकुलरली। और ये जो बंगाल के अंदर जो उसके बाद जो रीजनल आर्किटेक्चर बना अराउंड दी 12th century ऑनवर्ड्स और 13th century ऑनवर्ड्स, वहाँ पे भी आपको जो रीजनल आर्किटेक्चर है वो रीजनल आर्किटेक्चर के अंदर आपको वेरिएशंस मिलता रहेगा। ठीक है, अब बंगाल में कौन से मॉस्क बने याद रखेगा, एक तो कदम रसूल मॉस्क है विच इज इन द गौर, और दूसरा आपको अदीना मस्जिद मिलेगा, ये पंडुआ के अंदर है। ये दोनों के दोनों रीजनल आर्किटेक्चर के टाइप्स है, दिस आर बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रीजनल आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको बांग्ला रूफ मिलता है जो एक साइड के ऊपर स्लोपिंग मिलेगा, यू विल फाइंड अ स्लोपिंग रूफ इफ यू कैन सी इन दिस इमेज। ये मैंने स्लोपिंग रूफ की एक इमेज ड्रॉ की है आपके लिए, आपको इसके अंदर से भी पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ आपके प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के स्टाइल का और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के टाइप्स का। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि हाउ थिंग्स इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन दी प्रोविंशियल स्कूल्स ऑफ बंगाल। बंगाल के बाद मैंने आपको पाल और सेना के बारे में बता दिया है, इन्होंने डोम आर्किटेक्चर बनाए थे और ये 8th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में इस प्रकार के आपको स्लोपिंग रूफ मिलेंगे। मैंने इसके बारे में जब टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आपको मालवा के अंदर मिलेगा, मालवा जो मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है, वहाँ पे मांडू के अंदर आपको बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जो डायनेस्टी पावर के ऊपर थी मांडू वाले रीजन में, जो डायनेस्टी पावर के ऊपर थी उन्होंने भी अपने आर्किटेक्चर की स्टाइल बनाई। मांडू के अंदर बेसिकली जो आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप हुई मालवा के अंदर, उसे हम लोग पठान आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्यों पठान? क्योंकि यहाँ पे जो पठान डायनेस्टीज थी उन्होंने अपने आर्किटेक्चर बनाए। मेनली इनकी खासियत क्या थी याद रखेगा, इनके अंदर यूरोपियन इन्फ्लुएंस मिलता है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो 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 ब्रिटिश या और भी फ्रेंच और उन सब से भी इन लोग प्रभावित हुआ करते थे। और खासियत यह है कि इन्होंने मीनार्स का यूज नहीं किया। इनफैक्ट जहां जहां पठान आर्किटेक्चर होगा, जैसे जौनपुर करके जगह है, आपको जौनपुर के अंदर भी मीनार का यूज नहीं मिलेगा, तो आपको मस्जिद मिलेगी पर विदाउट एनी मीनार मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बाउडीज बनाए। बाउडीज का मतलब है स्टेपवेल। इनफैक्ट अगर आपको जानकारी होगी तो इस प्रकार की आपको स्टेपवेल मिलेंगे जहां पे आप उतर सकते हो और उसके बाद जो पानी होता है ये पानी यहां तक ऐसे भरा हुआ है, तो यू कैन गेट डाउन इनसाइड द स्टेपवेल। इसको बेसिकली बाउडी कहते हैं या हम लोग स्टेपवेल के रूप में पहचानते हैं। इनफैक्ट ये एक स्टेपवेल है जो सोलंकी डायनेस्टी में बनाया था, मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लास के अंदर बात किया हुआ है, जिसे हम लोग रानी की वाव के रूप में भी पहचानते हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। खैर, तो दूसरी ये पॉइंट भी आपको इसके अंदर से मिलेगी। इनके अंदर दो तीन आर्किटेक्चर बने, एक तो रानी रूपमती पेवेलियन और जहाज महल और अशरफी महल, इनका भी आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। ये सब मांडू के आर्किटेक्चर की खासियत है पर्टिकुलरली। ये अगर आप देख पा रहे हो तो आपको रूपमती पेवेलियन और जो जो मांडू का जो अशरफी महल है उसकी खासियत मिलेगी। यहाँ पे आपको स्टेयर्स का भी यूज मिलता है, वी फाइंड द यूज ऑफ स्टेयर्स। लार्ज स्टेयरवेज आपको मिलेंगे एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, बड़े बड़े आपको सीढ़ियां मिलेगी, ये भी एक आर्किटेक्चर की एक रीजनल वेरिएशंस को दर्शाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको आर्किटेक्चर के अंदर पता होना चाहिए। यू शुड नो दिस मच पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स एंड द डिजाइन इन आर्किटेक्चर ऑफ द मालवा। ठीक है, तो हमने रीजनल आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, हम लोग रीजनल आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले बंगाल को देखा, बंगाल के बाद मंडू को देखा, अब तीसरा आप देखते हैं पर्टिकुलरली वो है जौनपुर आर्किटेक्चर। अब देखो जौनपुर आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली इफ यू सी, तो ये शर्की रूलर्स ने उसको बनाया था। शर्की रूलर्स पर्टिकुलरली ये भी पठान स्टाइल के रूप में बनाएंगे, तो इन्होंने मस्जिद बनाए बेसिकली स्टोन का यूज करके, बट खासियत यह है कि यहाँ पे भी आपको मीनार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वी डू नॉट फाइंड द यूज ऑफ मीनार्स इन मेनी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। तो कभी कभी आपको पूछेगा कि मीनार्स का कहाँ पे यूज नहीं हुआ एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, याद रखेगा मीनार्स वर नॉट यूज इन द मालवा एंड मीनार्स वर नॉट यूज इन द जौनपुर आर्किटेक्चर।
ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन निकल जाता है। अटाली मस्जिद है बेसिकली जौनपुर के अंदर, दैट इज वेरी फेमस, विच आर पेट्रोनाइज बाय द शर्कीज। इनफैक्ट ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये कैसे शर्की रूलर्स ने अपने टाइम के ऊपर मॉस्क बनाए थे। उसके बाद जो लास्ट बनता है वो है बीजापुर के अंदर। बीजापुर बेसिकली वॉज पार्ट ऑफ द दखनी सुल्तान्स। किसका पार्ट था? दे वर पार्ट ऑफ द दखनी सल्तनत। और दखनी सल्तनत की खासियत ये थी कि यहाँ पे पांच चार डायनेस्टीज थी, जैसे आदिल शाही थी, कुतुब शाही थी, फिर आपको निजाम शाही डायनेस्टी मिल जाएगी, ठीक है, फिर आपको बरीद शाही डायनेस्टी मिल जाएगी, आपको इमाद शाही डायनेस्टी मिल जाएगी। ये लोग बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, अलग अलग रीजन में रूल करते थे। उसी दौर के ऊपर जो आदिल शाही डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी? आदिल शाही डायनेस्टी हुआ करती थी, वो वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी। ये विजयनगर के साथ कॉन्स्टेंटली फाइट किया करते थे दखनी सुल्तान, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो विजयनगर के हम्पी के मॉन्यूमेंट्स पढ़े थे उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर के मॉन्यूमेंट्स हैं, द मॉन्यूमेंट्स व्हिच आर लोकेटेड एट विजयनगर आर आल्सो हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। तो ये जो विजयनगर के मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, उनको दखनी सल्तनत की इम्पैक्ट मिलेगी, नॉट माय बैड, ठीक है, मैंने आपको दिल्ली सुल्तान्स बताया। विजयनगर में दखनी सल्तनत का प्रभाव था, ये दखनी सल्तनत में ही बीजापुर करके एक डायनेस्टी मिलेगी, ठीक है। देखो बीजापुर के अंदर जो 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 डायनेस्टी थी, जो रूल करती थी, उसे हम लोग आदिल शाही डायनेस्टी कहते हैं, और इन्होंने डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को बनाया है, ठीक है। अब डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की खासियत क्या है याद रखेगा, तो इन्होंने बेसिकली बड़े बड़े डोम बनाए, दिख रहा है आपको, ये जो डोम है ये बल्बस डोम कहते हैं। बल्बस डोम क्यों? क्योंकि ये बल्ब के जैसा दिखता है, इफ यू कैन सी, ये बल्ब की जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक अ बल्ब। आपने घर के अंदर बल्ब देखा होगा, आजकल तो एलईडी वाले लट्टू कहते हैं उसको, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये प्रकार की पॉइंट्स आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी। और मेनली इसकी खासियत ये है कि इनके जो डोम थे, ये डोम को बेसिकली विदाउट एनी सपोर्ट ये लोग इरेक्ट किया करते थे, ठीक है। तो खासियत ये है कि आप इसके अंदर चले जाओ, आप इसके नीचे चले जाओगे तो आपको डायरेक्टली डोम दिखेगा। दिस थिंग शोज द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि ये मिडिवल इंडिया के अंदर बने थे, और इसके लिए इन्होंने आयरन क्लैम्प्स का यूज किया था, मोर्टार का यूज किया था, सीमेंट का यूज किया था। तो इस प्रकार के आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। इसमें जो फेमस आपकी मॉस्क है बीजापुर के अंदर, जिसका नाम है गोल गुंबज, गोल गुंबज पर्टिकुलरली वॉज अ काइंड ऑफ द मॉन्यूमेंट विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द आदिल शाही किंग्स ओनली। और आपको आदिल शाह करके जो राजा है उसका एक मकबरा भी मिल जाएगा, ये भी बीजापुर के अंदर है। बीजापुर बेसिकली काफी पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर के साथ काफी फाइट किया। इनफैक्ट बीजापुर ने पोर्चुगीज के साथ भी फाइट किया था, एंड लेटर ऑन अगर आपको जानकारी होगी तो पोर्चुगीज और बीजापुर के बीच में फाइट होती है। 1510 तक आते आते गोवा नाम का जो रीजन है वो पोर्चुगीज कैप्चर कर देते हैं फाइनली फ्रॉम दी बीजापुर, और उसके बाद गोवा के अंदर पोर्चुगीज अपना आर्किटेक्चर बनाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ाता हूँ, खैर। तो आपको रीजनल वेरिएशंस दो समझ में आ गए। तो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया, और इनके दौरान जो प्रोविंशियल किंगडम्स हुआ करते थे, ये प्रोविंशियल किंगडम्स ने भी जो आर्किटेक्चर बनाया उसको भी मैंने आपको समझाया। अब वहां से एक स्टेप आगे चलते हैं और मुगल्स के ऊपर चले जाते हैं कि मुगल्स ने क्या क्या आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। अब लेट अस गो टू द मुगल्स एंड लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर वर बेसिकली मेड बाय द मुगल डायनेस्टी। मुगल्स ने कौन से आर्किटेक्चर बनाए और कैसे इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए पर्टिकुलरली जब हम लोग मुगल्स को देखते हैं, जब हम लोग मुगल्स को समझने की कोशिश करते हैं तो मुगल्स के दौरान क्या क्या चीजें बनती है आपको पॉइंट पता होना चाहिए। You should know the point that was built during the Mughals, ठीक है। तो हम लोग मुगल्स के ऊपर चले जाते हैं, और मुगल्स की जो आर्किटेक्चर की स्टाइल है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब लेट अस सी हम लोग मुगल्स के ऊपर चलते हैं, लेट अस गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द मुगल्स डायनेस्टी, और जस्ट अ सेकेंड आई लोड द दिस थिंग फाइल एज वेल, ठीक है, उसकी फाइल को हम लोग लोड कर देते हैं। खैर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्टिकुलरली मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे दी वेरियस स्टाइल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर चले जाते हैं। अब हम लोग मुगल्स के ऊपर देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि मुगल्स ने क्या क्या चीजें बनाई थी, ठीक है। अब देखिए मुगल्स की खासियत क्या थी, मुगल्स के दौरान भी आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर मिलते रहेंगे, और जो मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली आर्क्यूएट, मीनार्स का यूज, कैलीग्राफी का यूज, जाली आर्किटेक्चर, वाटर बॉडी, वो सब तो आपका पुराना चलता रहा। मुगल्स तक आते आते आर्किटेक्चर में नए नए वेरिएशन ऐड हुए। बाय द टाइम्स ऑफ द मुगल्स
वी फाइंड द रीजनल वेरिएशंस इन द आर्किटेक्चर. अब क्या क्या आर्किटेक्चर में एडिशन हुआ है, वॉट काइंड ऑफ एडिशन हैज बीन डन एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, वो समझा देता हूँ. अब मुगल्स के दौरान बेसिकली एक और एडिशन हुआ, वो है चारबाग आर्किटेक्चर. क्या है चारबाग आर्किटेक्चर? अब वॉट इज चारबाग आर्किटेक्चर, याद रखेगा तो कोई भी आपका मॉन्यूमेंट होता है, कोई भी मॉन्यूमेंट होगा, वो मॉन्यूमेंट को बेसिकली चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता था. बीच में जनरली मॉन्यूमेंट को रखा जाता था और उसके आजू बाजू में गार्डन्स होते थे, ठीक है. तो ये जो गार्डन्स है बेसिकली इसी को ही हम लोग चारबाग आर्किटेक्चर के रूप में पहचानते हैं, ठीक है. तो ये एडिशन जो हुआ था चारबाग आर्किटेक्चर का, ये बाबर करने की शुरुआत करेगा. तो चारबाग आर्किटेक्चर वॉज स्टार्टेड बाय बाबर एंड इट इज सेड कि बाबर ने पूरा एक नया प्रकार का स्थापत्य बनाने की शुरुआत की, ठीक है. तो मेनली वी फाइंड इन द पीरियड ऑफ बाबर, हुमायूं, अकबर, इन इन सब के दौरान, शाहजहां, इन सब में आपको चारबाग आर्किटेक्चर मिलेगा. जैसे कि अगर आप ये फोटोग्राफ देख पा रहे हो, इफ़ यू कैन सी दिस फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ के अंदर हमको देखने को मिला कि बाबर जो है ये चारबाग आर्किटेक्चर बना रहा है काबुल के अंदर. इनफैक्ट बाबर कैसे आया था, तो बाबर ने 1526 के अंदर पानीपत की लड़ाई की थी. इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, बाबर डिड द फाइट विथ इब्राहिम लोदी. बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ फाइट किया and after fighting with Ibrahim Lodi, particularly उसने जो लड़ाई की उसके बाद उसने मुगल्स की स्थापना की. ये मुगल्स में बेसिकली चारबाग आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाती है और इसमें बेसिकली एक 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 गार्डन बनता है. ये गार्डन बेसिकली अगर आप देखोगे तो उसके बीच में एक वाटर बॉडी भी चलेगी, छोटा सा एक कैनॉल या छोटा सा मैं कहूँगा कि एक 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 चैनल चलता है पर्टिकुलरली, जो आर्किटेक्चर के रूप में आपको एक नया ही डिज़ाइन दिखाएगा, ठीक है. तो एक ये गार्डन है, एक ये गार्डन है, एक ये गार्डन है, एक ये गार्डन है, बीच में आपको एक वाटर बॉडी मिल जाएगा. ये चारबाग आर्किटेक्चर की खासियत है, ठीक है. ये चारबाग आर्किटेक्चर हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है याद रखेगा, तो चारबाग आर्किटेक्चर आपको हुमायूं के मकबरा के अंदर एक तो मिलेगा, दूसरा चारबाग आर्किटेक्चर आपको शालीमार गार्डन्स के अंदर मिलेगा, कश्मीर के अंदर है, शालीमार बाग है जो पर्टिकुलरली शाहजहां ने बनाया था. किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था. हुमायूं का जो मकबरा है पर्टिकुलरली वो हाजी बेगम ने बनाया था, जो हुमायूं की वाइफ हुआ करती थी. एंड वी ऑल्सो फाइंड पर्टिकुलरली जो 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 चारबाग है वो शाहजहां के दौरान आपको एक और मिलेगा, जगह के अंदर मिलेगा पर्टिकुलर, जिसका नाम है लाल महल बड़ी, वहाँ पे भी आपको चारबाग आर्किटेक्चर मिलता है, ठीक है. तो चारबाग आर्किटेक्चर की स्टाइल आपको पता होनी चाहिए. मुगल्स ने और क्या बनाया है, तो मुगल्स ने टॉम्स बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारे गुंबज बनाए हैं, मुगल्स ने फोर्ट्स भी बनाए, उन्होंने क्या बनाया, किले भी बनाए, ठीक है. तो वी फाइंड मुगल्स के दौरान जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इन द पीरियड ऑफ द मुगल्स व्हेन वी सी द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, तो आपको गार्डन्स मिलेंगे, गार्डन्स के साथ साथ आपको टॉम्स मिलेंगे, टॉम्स के साथ साथ आपको फोर्ट्स मिलेंगे, फोर्ट्स के साथ साथ इन्होंने जो मॉस्क बनाए थे, मॉस्क मस्जिद, वो भी आपको पता होने चाहिए. तो ये तीन चार प्रकार की चीज़ें मुगल आर्किटेक्चर के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है. उसमें मेनली हम लोग एक एक करके समझते हैं पर्टिकुलरली कि इनके द्वारा क्या क्या बनाया गया था. अब देखो मुगल्स का थोड़ा बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री समझा देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स. अब मुगल्स में आपको डायनेस्टीज तो पता ही होगी, पर्टिकुलरली मुगल्स में कौन से किंग आए. सबसे पहले आया बाबर, बाबर 1526 से लेके 1530 तक रूल करता था. उसके बाद आया पर्टिकुलरली हुमायूं, हुमायूं अगर आपको जानकारी होगी तो 1530 से लेके 1540 तक रूल करता था. 1540 में वो हार जाता है शेरशाह सूरी के हाथों, ही गॉट डिफिटेड एट द हैंड्स ऑफ शेरशाह सूरी, और सूरी उसको हरा देता है. कौन हरा देता है? शेरशाह सूरी उसको हरा देगा. एंड व्हेन शेरशाह सूरी उसको डिफीट करेगा तो सूरी डायनेस्टी जो है, सूरी डायनेस्टी है 1540 से लेके 1555 तक रूल करेगी. द सूरी डायनेस्टी विल बी रूलिंग और ये लोग फिर टेम्पररी अपना भी आर्किटेक्चर बनाएंगे. तो वी फाइंड हुमायूं एंड सूरी डायनेस्टी, इन दोनों का पॉइंट मिलेगा. उसके बाद पर्टिकुलरली अकबर आया और अकबर बेसिकली 1556 से लेके 1605 तक अपना आर्किटेक्चर बनाएगा. अकबर के बाद आपको पॉइंट मिला, पता होना चाहिए पर्टिकुलरली इन द पीरियड ऑफ द जहांगीर, आपको जहांगीर के पॉइंट पता होना चाहिए. और जहांगीर ने भी अपना आर्किटेक्चर बनाया, जहांगीर ने 1605 से लेके 1628 तक आर्किटेक्चर बनाया. जहांगीर के बाद आपको शाहजहां मिलेगा, शाहजहां के दौरान आपको 1628 से लेके 1658 तक आर्किटेक्चर की अलग अलग स्टाइल मिलेगी. इनफैक्ट दिस वाज द क्लाइमैक्स पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, याद रखेगा ये इंडिया के आर्किटेक्चर का सबसे क्लाइमैक्स पीरियड था. और शाहजहां के बाद अल्टीमेटली औरंगजेब आया, औरंगजेब तक आते आते बाय द पीरियड ऑफ औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक आते आते वी फाइंड द डिक्लाइन ऑफ द आर्किटेक्चर.
और इस दौरान आपको जब मुगल्स रूल कर रहे थे अलग अलग टाइम के ऊपर, तो हमको जानकारी मिली कि राजपूत और सिख शासक, द लोकल रूलर्स ऑफ द राजपूत एंड द सिख डायनेस्टी, ये लोग भी अपना आर्किटेक्चर को बनाएंगे अलग अलग रीजन में, ठीक है। तो आपको जब जब क्वेश्चन पूछेगा, वेन एवर दे विल आस्क यू क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस यहां से ही आते हैं कि भाई मिडिवल आर्किटेक्चर में किसने क्या बनाया था और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मुगल्स के अंदर, ठीक है। अब मुगल्स में एक एक करके आगे चलते हैं और समझते हैं कि किन के दौरान क्या बना। सबसे पहले पर्टिकुलरली याद रखेगा बाबर, बाबर आया 1526 से लेके 1530 के बीच में, उसने दो जगह के ऊपर मॉस्क बनाया, एक तो पानीपत और दूसरा रोहिलखंड। इसके साथ साथ इसी का ही सेनापति था मीर बाकी, ये मीर बाकी के दौरान कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है उसका फाउंडेशन रखा जाता है, इसको लेके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो क्लैरिटी है, जजमेंट है, आपने पढ़ाई होगा उसको करंट अफेयर्स के अंदर, इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। खैर, उसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 1540 के बीच में। एक्चुअली क्या हो गया कि हुमायूं 10 साल तक पावर के ऊपर रहा, उसने एक सिटी बनाने की शुरुआत की जिसका नाम है दिनपना। क्या नाम है? दिनपना। और कहते हैं कि 1540 तक आते आते उसकी लड़ाई हो जाती है शेरशाह सूरी के साथ, ठीक है। कहाँ पे लड़ाई होती है? तो पर्टिकुलरली वी सही कि उसकी कन्नौज के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई होगी, ही विल फाइट बैटल अगेंस्ट शेरशाह सूरी, और कन्नौज के अंदर शेरशाह सूरी उसको भगा देता है। तो सूरी जब उसको भगा देगा पर्टिकुलरली, तो दिनपना नाम का जो सिटी है वहां पे शेरशाह सूरी पावर के ऊपर आएगा, और शेरशाह सूरी जो है वो सूरी डायनेस्टी के रूप में, वो सूरी डायनेस्टी के रूप में पर्टिकुलरली एक नया ही फाउंडेशन रखेगा इन द आर्किटेक्चर, ठीक है। अब शेरशाह सूरी ने क्या क्या बनाया? तो शेरशाह सूरी है ना पठान था, तो बिकॉज ही वॉज अ पठान, तो उसने बेसिकली जो भी डायनेस्टी के अंदर आर्किटेक्चर बनाया वो पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनाएगा। क्या क्या बनाया उसने याद रखेगा पर्टिकुलरली, कि उसने एक मॉस्क बनाई है जो बेसिकली दिल्ली के अंदर है, जिसका नाम है किला ए कुन्हा, पर्टिकुलरली कभी कभी नाम आ जाता है। एक फोर्ट बनाया है रोहतास फोर्ट, पाकिस्तान के अंदर है, इंक्लूडिंग उसने एक मस्जिद बनाई है जो पटना के अंदर है, क्योंकि यूज टू रूल इन एंड अराउंड द पटना रीजन, बंगाल रीजन, तो वहां पे मिलेगा। उसके साथ साथ उसने एक सड़क बनाई है, सड़क आजम, द ग्रेट रोड, जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो रोड है ये कनेक्ट करता था फ्रॉम सोनारगांव, ये जो रोड है इट यूज टू कनेक्ट फ्रॉम सोनारगांव टू पेशावर। ये कहां से कनेक्ट करता था? इट यूज टू कनेक्ट फ्रॉम सोनारगांव टू पेशावर, ये इतने रीजन के अंदर कनेक्ट करने वाला आपको पॉइंट मिलेगा। और कहते हैं कि ये जो रोड था पर्टिकुलरली, ये जो ओरिजिनल रोड है, इट वॉज बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। उसके बाद शेरशाह सूरी उसको रीबिल्ड करता है, और उसके बाद डेलाउजी जो है, डेलाउजी आके उसको कंप्लीट कर देता है। तो ये तीन लोगों का नाम पता होना चाहिए, विच यूज टू कनेक्ट द ईस्टर्न पार्ट विद द वेस्टर्न इंडिया, ये भी पॉइंट मिलेगा। शेरशाह सूरी बेसिकली जो दिल्ली के अंदर जो दिनपना नाम का जो सिटी है, दिनपना नाम का जो सिटी है किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाने की शुरुआत की थी, उसका नाम बदल के दिल्ली शेरशाही कर देता है। क्या कर देता है? दिल्ली शेरशाही, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है दिल्ली शेरशाही किसने बनाया था, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी का खुद का मकबरा है सासाराम के अंदर, सासाराम इज अ प्लेस इन बिहार, याद रखेगा कि कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपको इसके दौरान पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी फाइंड शेरशाह सूरी, ये बेसिकली उसके मकबरे का आपको इमेज मिलेगा। यहाँ पे भी आपको वाटर बॉडीज मिल जाती है, और उसके मकबरा के अंदर मैंने आपको जो स्टोरी बताई वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अकबर आया, अकबर तक आते आते बहुत सारे आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट हुई। अकबर जब पावर के ऊपर आया तो अकबर ने आके ही पहले 1556 के अंदर सेकंड पानीपत की लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी थी पर्टिकुलरली? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, और हेमो विक्रमादित्य और बैरम खान के बीच में लड़ाई होती है, अकबर सेटल हो गया और अकबर ने आर्किटेक्चर बनाने की शुरुआत की। अब अकबर है ना तीन चार चीजें बनाएगा। अकबर के दौरान सबसे पहले हुमायूं का टॉम्ब बनता है। क्या बनता है? हुमायूं का टॉम्ब। क्यों बनता है हुमायूं का टॉम्ब? क्योंकि अकबर की जो मदर हुआ करती थी, जो हुमायूं की वाइफ हुआ करती थी, जिसका नाम था हाजी बेगम पर्टिकुलरली, या पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे हामिदा बेगम भी कहते हैं, तो हाजी बेगम करके जो उसकी वाइफ हुआ करती थी हुमायूं की, उसको अपने शौहर के लिए उसने मकबरा बना दिया। तो हुमायूं का टॉम्ब है वो हुमायूं के वाइफ ने बनाया था, अकबर ने नहीं बनाया था, बट इट वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ अकबर ओनली, ठीक है। तो ये अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज द हुमायूं टॉम्ब, दिस इज द फेमस हुमायूं टॉम्ब। यहाँ पे आपको तीन चार पॉइंट मिलता है। आपको एक तो व्हाइट मार्बल का यूज मिलेगा कहाँ पे? हुमायूं के टॉम्ब के अंदर। इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको जो मिलती है वो आपको आर्क मिलेगी, और यहाँ पे भी आपको डोम आर्किटेक्चर का काफी यूज मिलेगा। वी फाइंड
द डेवलपमेंट ऑफ द डोम आर्किटेक्चर, तो ये भी पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी, ठीक है। तो हुमायूं का टोम आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस था हुमायूं के टोम का, और ये मकबरा बेसिकली आज की तारीख में अगर आपको जानकारी होगी तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आया हुआ है। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। खैर, तो क्या हो गया कि बेसिकली अकबर के दौरान हुमायूं का टोम बना। अकबर ने क्या क्या चीजें बनाई याद रखेगा, तो अकबर ने आगरा का किला बनाया। कौन सा बनाया? आगरा का फोर्ट। इट इज ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंक्लूडिंग अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया। इनफैक्ट अकबर ने उसके बाद फिर कैपिटल भी वहां पे ही शिफ्ट कर दिया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया हुमायूं का टोम जो हाजी बेगम हुमायूं की वाइफ थी उसने बनाया था, और हिरन मीनार, एक मीनार बनाया था अकबर ने, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुमायूं का टोम है, दिस इज द टोम ऑफ हुमायूं। बेसिकली इसकी खासियत ये है पर्टिकुलरली कि इसमें आपको चार बाग आर्किटेक्चर मिलेगा, जहाँ पे बीच में मॉन्यूमेंट है उसके आजू बाजू में चार गार्डन्स है। इंक्लूडिंग अगर आप देखेगा तो इसकी खासियत यह है कि इसमें बीच में एक हॉल है, इट्स अ सेंट्रल हॉल बिन बिटवीन, और उसके आजू बाजू में आठ कमरे हैं, देर आर एट रूम्स। और कहते हैं कि ये जो आठ कमरे हैं वो पैराडाइज या आपको जन्नत की तरफ लेके जाएंगे, उसको हस्तबिस्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछेगा कि व्हाट इज हस्तबिस्त, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकबर ने आगरा का फोर्ट बनाया, जो मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलरली, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? रेड सैंडस्टोन से बना था, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए। क्यों बनाया था? क्योंकि उसने गुजरात और डेक्कन के ऊपर और मालवा के ऊपर जब चढ़ाई की तो उसकी खुशी में बेसिकली ये सब बनाएगा। ये आपका फतेहपुर जो है, फतेहपुर के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आए हुए हैं। अब देखो, ये जैसे आगरा का फोर्ट है, दिस इज द आगरा फोर्ट, याद रखेगा दिस इज द आगरा फोर्ट। ये आपका बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन द फतेहपुर सीकरी ओनली। बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन द फतेहपुर सीकरी, एंड दिस थिंग शोज द इम्पैक्ट ऑफ डेक्कन आर्किटेक्चर। डेक्कन आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्थानिक प्रभाव मिलेगा जो डेक्कन के अंदर, क्योंकि अकबर ने गुजरात के ऊपर चढ़ाई की थी। इनफैक्ट मैं आपको ये मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने 1572 और 1570 तक आते आते गुजरात और मालवा को जीत लिया था, और उसी के बाद उसकी खुशी में उसने ये बनाया था, जिसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली दी गोल गुंबद, सॉरी दी बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो ये डेक्कनी आर्किटेक्चर की खासियत है। फतेहपुर सीकरी में और क्या मिलेगा? तो आपको वहां पे पंचमहल मिलेगा। क्या मिलेगा? पंचमहल मिलेगा आपको। बेसिकली जोधाबाई का पैलेस भी मिल जाता है, जोधाबाई का पैलेस भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाली आर्किटेक्चर काफी इंटरेस्टिंग वे के अंदर दिया जाता है। यहाँ पे जो बुलंद दरवाजा के साथ साथ, जोधाबाई के पैलेस के साथ साथ आपको एक और चीज मिलेगी, वो है सलीम चिश्ती का मकबरा। क्या मिलता है? सलीम चिश्ती का मकबरा। क्यों? क्योंकि अकबर सलीम चिश्ती का फॉलोअर था, ही वॉज अ सूफी फॉलोअर, और इसी के कारण वो सलीम चिश्ती का मकबरा बनाता है। दिस इज द सलीम चिश्ती मकबरा। अब ये याद रखेगा कि अकबर ने ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स रेड सैंडस्टोन में बनाए थे, सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो व्हाइट मार्बल में है। किसमें है साहब? व्हाइट मार्बल में है। फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको एक और मॉन्यूमेंट मिलता है जिसका नाम है इबादत खाना। इबादत खाना, इफ यू आर अवेयर, वॉज द मॉन्यूमेंट जहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया जाता था। क्या था? रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया जाता था, और अकबर उनके साथ डिस्कशंस करता था, उनकी डिस्कशंस को सुनता था। फ्रॉम ऑल द रिलीजियंस यू फाइंड जैन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग द क्रिश्चियंस एज वेल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फेमस हुमायूं टॉम्ब। ये हुमायूं का टॉम्ब है जो दिल्ली के अंदर आया हुआ है। अकबर के ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे थे साहब? तो आगरा के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। अकबर के बाद जो नेक्स्ट किंग आता है वो है जहांगीर। जहांगीर 15 मैं कहूंगा पर्टिकुलरली 1605 से लेके 1628 तक रूल करेगा, और कहते हैं कि जहांगीर ने तीन चार चीजें बनाई। एक तो उसने अकबर का टॉम्ब बनाया सिकंदरा के अंदर। अब देखिए, अकबर की याद में उसने सिकंदरा इज अ प्लेस इन आगरा ओनली, बेसिकली वहां पे वो बनाता है। दूसरा, वो खुद का मकबरा बनाता है। याद रखिएगा, ही इज द ओनली किंग, इज द ओनली किंग इन द मुगल डायनेस्टी जो खुद का मकबरा बनाया, जीते जी बना देता है। जनरली टॉम्ब किसके लिए बनाए जाते हैं? टॉम्ब किसके लिए बनाए जाते हैं कि जब आदमी का डेथ हो जाता है, जब किसी का मृत्यु हो गया तो उसकी याद में बनाया जाता है। जैसे ताजमहल देखिएगा, तो ताजमहल इज एन एग्जांपल ऑफ टॉम्ब आर्किटेक्चर। तो जब मुमताज गुजर गई तो शाहजहां को लगा कि उसकी याद में कुछ बनाऊंगा, तो उसने वहां पर उसको दफनाया और उसके आजू बाजू में पूरा एक आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। यहाँ पे जहांगीर जीते जी अपना टॉम्ब बना देगा, ठीक है। उसको विश्वास नहीं था कि यार कोई और बनाए कि ना बनाए, ठीक है। इंक्लूडिंग शालीमार बाग, जहांगीर
और शाहजहां दोनों के टाइम के अंदर आपको मिलेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के टाइम के अंदर से कहीं ना कहीं बनता है। इसके साथ साथ इसने एक मॉस्क बनाई थी जिसका नाम है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद तीन जगह के ऊपर मिलती है, एक लाहौर में, एक दिल्ली में और एक आगरा के अंदर। आगरा वाली मोती मस्जिद है वो अकबर के दौरान ही बनने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि जहांगीर का जो फादर इन लॉ था, उसका फादर इन लॉ था, मतलब नूर जहां का जो फादर था, उसकी वाइफ का जो फादर हुआ करता था इत्मादुद्दौला, उसकी भी टॉम्ब आपको आगरा के अंदर ही मिलेगी। और यहाँ पे भी आपको पीटरा डूरा मिलता है। पीटरा डूरा का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया कलरफुल स्टोन्स विच आर बेसिकली इंस्क्राइब्ड ऑन दी आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर के अंदर कलरफुल स्टोन्स को इंस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये शालीमार बाग का फोटोग्राफ है। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको एक मोती मस्जिद की इमेज मिलेगी और आपको जहांगीर का खुद का भी मकबरा मिल जाता है। खैर, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शाहजहां आया। शाहजहां के टाइम के ऊपर 1628 से लेके 1658 तक मैं कहूँगा क्लाइमैक्स पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर था। क्लाइमैक्स पीरियड का मतलब ये है कि ये समय पे सबसे ज़्यादा स्थापत्य बनता है, एक से एक बढ़िया आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ताजमहल इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, रेड फोर्ट, क्योंकि उसने कैपिटल जो है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, इंक्लूडिंग उसने जामी मस्जिद भी बनाई है, शालीमार बाग जो लाहौर के अंदर है, और कश्मीर वाला जो है उसको भी कहीं ना कहीं शाहजहां ने कंट्रीब्यूट किया ऐसा कहा जाता है। इंक्लूडिंग ओल्ड दिल्ली, जो चांदनी चौक वाला जो विस्तार है, ओल्ड दिल्ली जो चांदनी चौक वाला विस्तार है, वो भी शाहजहां ने बनाया था। इंक्लूडिंग उसने एक पिकॉक थ्रोन बनाया था। पिकॉक थ्रोन समझ में आता है, एक गेम ऑफ थ्रोन है, आपकी एक गद्दी है पर्टिकुलरली, दैट वॉज बिल्ट बाय जहांगीर, सॉरी दैट वॉज बिल्ट बाय आई वुड से द किंग शाहजहां। यहाँ पे राजा बैठा करता था, पर्टिकुलरली इस प्रकार से बैठा करता था, ठीक है। तो ये पिकॉक थ्रोन है। ये पिकॉक थ्रोन इसके लिए क्योंकि इसमें पिकॉक जैसी आर्टिस्टिक डिजाइंस की गई थी, गोल्ड का हुआ करता था विद अ मीनाकारी वर्क। यहाँ पे भी आपको पीटरा डूरा मिलेगा, कलरफुल स्टोन्स को इंस्क्राइब किया जाता था, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर था। बट जब नादिर शाह दिल्ली के ऊपर आया, व्हेन नादिर शाह इन्वेडेड ओवर दिल्ली, तो नादिर शाह ये सब है ना लूट फाट के चला जाता है, ठीक है। तो नादिर शाह उसको लूट के चला जाएगा, तो उसके बाद फिर टूट जाएगा ये सब कुछ पॉइंट। ये भी पता होना चाहिए आपको इसके अंदर से क्या क्या चीजें बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसने बहुत सारे दीवाने खास और दीवाने आम बनाए, जैसे आगरा का जो फोर्ट हुआ करता था, आगरा का फोर्ट जो था उसको कंटिन्यू करने का काम भी शाहजहां ही करेगा, ठीक है। शाहजहां मानता था कि राजा बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, इसके लिए उसने मॉन्यूमेंट्स भी वैसे ही बनाए थे, ठीक है। तो आपको ताजमहल मिलेगा जहां पे पीटरा डूरा आर्किटेक्चर का सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेगा, जहां पे ये जो व्हाइट मार्बल है उसमें कलरफुल स्टोन्स को इन्होंने इंस्क्राइब किया था, और इस प्रकार की डिजाइन भी आपको मिलती रहती है, ठीक है। इंक्लूडिंग जमी मस्जिद मिलेगी। जमी मस्जिद की भी खासियत ये हुआ करती थी कि इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क जो मुगल्स के दौरान, इनके दौरान बनाई जाती है, ठीक है। शाहजहां की आर्किटेक्चर में उसने सिटी जो बनाया था वो ओल्ड दिल्ली बनाया था। पर्टिकुलरली ये ओल्ड दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे आया था, और वहाँ पे जो वाटर साइड, मतलब मैं कहूँगा कि जो रिवर फेसिंग जो घर हुआ करते थे, वो रिवर फेसिंग जो घर थे उसने अपने बेटे दारा शिको को दिया था। खैर, दारा शिको भारत में राजा नहीं बन पाता है, वो क्राउन प्रिंस था, बट औरंगजेब उसको मार के फिर सत्ता हथियाई लेगा, ठीक है। तो उसकी लंबी कहानी है, कभी बाद में बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से दिल्ली में टोटल 7 शहर बने। कितने? 7 सिटीज। दिल्ली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 सिटीज। ओल्ड से लेके न्यू तक आपको अलग अलग सिटीज़ पता होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली जो था वो कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर हुआ करता था इन द वेदिक एज, उसके भी पहले बेसिकली कहते हैं कि पांडव ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान बनाता है किला राय पिठोरा, कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसको लाल कोट का नाम देता है। उसके साथ साथ आपको फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका फाउंडेशन रखा, और उसके बाद मेहरौली जहाँ पे कुतुब मीनार बनाई जाती है, जो मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे सीरी का फोर्ट बनाया, अपना एक सिटी बनाया उसने। उसके बाद तुगलकाबाद मोहम्मद गियासुद्दीन बिन तुगलक ने बनाया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पना बनाया, फिरोजाबाद ने फिरोज शाह तुगलक बनाया। दिन पना वो स्टार्टेड बाय हुमायूं, एंड लेटर ऑन आई वुड से पर्टिकुलरली जो दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ नाम का जो शहर था वो बेसिकली शेरशाह सूरी स्थापना करता है, और लोधी डायनेस्टी लोधी के लिए अपना एक गुंबज और वो सब बनाएंगे, ये भी पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद शाहजहां बनाएगा जो ओल्ड दिल्ली है जहाँ पे रेड फोर्ट आया हुआ है, एंड लास्ट जो न्यू दिल्ली जो बना है, न्यू दिल्ली जो ब्रिटिश ने बनाया था वो मॉडर्न आर्किटेक्चर का प्रकार है। एडविन ल्यूटियन करके एक आर्किटेक्ट है, एडविन ल्यूटियन,
उसने ये बनाया था इसके लिए, उसको ल्यूटियंस दिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूटियंस दिल्ली। तो याद रखिएगा कि दिल्ली में टोटल 7 शहर है जो आज की तारीख में हमको दिखते रहते हैं। ये 7 शहरों का मिक्सचर है आज का टोटल दिल्ली। इस तरह से अलग अलग टाइम्स में दिल्ली में अलग अलग रीजन्स में फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स बनते रहे। खैर, ये बेसिकली आपको शाहजहां के दौरान आर्किटेक्चर मिलता रहेगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेन वी सी द शाहजहां आर्किटेक्चर, तो शाहजहां में जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स उसने बनाए वो आपको पता होना चाहिए। अब औरंगजेब के टाइम तक आते आते 1658 से लेके 1707 तक जब हम लोग बात करते हैं, इन द पीरियड ऑफ औरंगजेब, जो मुगल्स थे वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गए थे। इनफैक्ट औरंगजेब को इंटरेस्ट नहीं था आर्किटेक्चर में, इसके लिए वो कुछ नहीं बनाता है। बट उसका बेटा हुआ करता था मोहम्मद आजम शाह पर्टिकुलरली, उसने बीवी का मकबरा बनाया इन मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है। सो इट इज सेड दैट इट वॉज मेड इन मेमोरी ऑफ बेगम रबिया दुरानी, हु वॉज द वाइफ ऑफ औरंगजेब। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद। कहाँ पे लोकेटेड है? औरंगाबाद। औरंगाबाद इज इन महाराष्ट्र, बेसिकली ये महाराष्ट्र के अंदर है। इफ यू सी द इमेज ऑफ बीवी का मकबरा, अगर आप बीवी का मकबरा को देखेंगे तो आपको ये मेड इन चाइना कॉपी ऑफ ताजमहल दिखेगा, ठीक है। अगर ताजमहल को टाइफॉइड हो जाता है, अगर ताजमहल बीमार हो जाता है बेचारा, तो ये हालत हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शाहजहां ने इतना खर्चा किया था, 22 करोड़ रुपए से ज्यादा उस दौरान इसका कॉस्टिंग आया था। दिस थिंग सिग्निफाइज के कितना खर्चा किया था। उसके बाद जब ये बनता है बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा वॉज बिल्ट, ये वाइट मार्बल की जगह लाइमस्टोन से बनने की शुरुआत हो जाती है। ये चीज़ दर्शाती है कि मुगल्स जो थे वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वीक हो गए थे। बिकॉज दे बिकेम इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वीक, तो धीरे 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 इनका आर्किटेक्चर भी डिक्लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुगल्स में चेंजेस हुए। मुगल्स के कंटेम्प्रेरी जो सिख शासक हुआ करते थे, जो सिख गुरु हुआ करते थे, इन्होंने भी अपने मेनली इनफैक्ट आर्किटेक्चर बनाए। जनरली सिख गुरु कहाँ पे रहते थे? तो दे यूज्ड टू स्टे इन द गुरुद्वारा, एंड इसी के कारण हमको गुरुद्वारा का आर्किटेक्चर मिलेगा। गुरुद्वारा में आपको छतरी आर्किटेक्चर मिलेगा। अगर आप देख रहे हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ छतरी आर्किटेक्चर विच वॉज बिल्ट बाय द सिख गुरुज। यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ डोम आर्किटेक्चर मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलरली हरमंदिर साहिब जो है, जो गोल्डन टेम्पल है, दिस इज अ वेरी फेमस सिख आर्किटेक्चर। इट वॉज स्टार्टेड बाय द 5th गुरु अर्जन देव, पर्टिकुलरली मेनली उनके दौरान। ये इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो अमरदास करके जो गुरु हुआ करते थे, रामदास करके जो गुरु हुआ करते थे तीसरे और चौथे नंबर के, इनके दौरान इसका फाउंडेशन रखा गया था। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सिख आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई। तो कभी कभी आपको पूछेगा कि मुगल्स में सिख आर्किटेक्चर का प्रभाव कैसा है, सिख में मुगल्स का प्रभाव कैसा है, तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इन दोनों को एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे और इन दोनों के आर्किटेक्चर के अंदर आपको एक दूसरे का इंपैक्ट भी देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो छतरी याद रखेगा और डोम आर्किटेक्चर दोनों आपको मिलेंगे। छतरी इज पार्ट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर ओनली, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लोकल जो वेरिएशन मिला वो है आपको राजपूत आर्किटेक्चर में। राजपूत आर्किटेक्चर में भी बेसिकली क्योंकि मुगल्स के रिलेशन राजपूत राजाओं के साथ अच्छे हुआ करते थे। इनफैक्ट अकबर जो था उसने राजपूत राजाओं को मनसबदार भी बनाया था, अगर आपको जानकारी होगी। इनफैक्ट अकबर ने बहुत सारे राजपूत किंग्स जो थे उनसे मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी स्थापित थे। एंड बिकॉज ही एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशंस विथ मल्टीपल किंग्स ऑफ राजपूत डायनेस्टी, तो उनका भी आर्किटेक्चर मिलेगा। बेसिकली राजपूत राजाओं ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए उसमें हैंगिंग बालकनी का बहुत ही इंपॉर्टेंस था, ठीक है। हैंगिंग बालकनी का मतलब ये होता है कि ये आपका बिल्डिंग है, ये उसकी एक खिड़की है, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको एक बालकनी मिलेगी। और राजा बाहर आता था जनरली और आके पब्लिक के साथ संवाद करता था। पब्लिक कौन थी? तो जो पब्लिक थी, जो मैंगो मैन हम लोग कहते हैं, वो बेचारे नीचे खड़े हुए थे, वो सब बातें करते थे, राजा ऊपर से यूं करता था, ठीक है। तो ये जरों का दर्शन है, ये जरों का दर्शन बेसिकली अकबर ने शुरू किया था। एंड अकबर यूज टू कम इन दिस बालकनीज। इस प्रकार की आपको हैंगिंग बालकनीज मिलेगी। ये जयपुर का हवा महल है जहाँ पे आपको बहुत सारे झरोके मिलेंगे, काइंड ऑफ कैंटिलीवर शेप में मिलेगा। इनफैक्ट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ बो, अगर आप देख रहे हो ये बो एंड एरो जो होता है उसके शेप में है, ठीक है। तो ये भी राजपूत आर्किटेक्चर की एक खासियत रीजनल वेरिएशंस के अंदर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब मुगल्स की बात करते हैं, व्हेन वी सी द केस ऑफ द मुगल्स, तो मुगल्स में इतना आर्किटेक्चर के अंदर आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अदर देन दैट जो आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ वो बेसिकली मुगल्स के बाद जो होगा वो मॉडर्न आर्किटेक्चर में होगा। अब चले जाते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर, और मॉडर्न आर्किटेक्चर में किस तरह से आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ
उसको अभी डिटेल करके एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक एंशियंट आर्किटेक्चर को प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज मिडिवल आर्किटेक्चर को पढ़ा, अब मॉडर्न आर्किटेक्चर को देखते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर वन मोर टाइम, एंड लेट अस सी कि मॉडर्न आर्किटेक्चर कैसे बनता है। देखो मॉडर्न आर्किटेक्चर में तीन चार प्रकार होंगे। सबसे पहले मेनली अगर आप देखोगे तो पोर्चुगीज आएंगे, तो पोर्चुगीज विल बी ब्रिंगिंग देयर ओन आर्किटेक्चर स्टाइल, गेटिंग अ पॉइंट। पोर्चुगीज के बाद अगर आपको जानकारी होगी तो ब्रिटिश आएंगे, ठीक है, ब्रिटिश के साथ साथ फ्रेंच आएंगे। ये तीनों लोग बेसिकली इंडिया में काफी लंबे टिकते हैं, मतलब दे विल बी रूलिंग फॉर अ ब्रीफ पीरियड एंड इनका अपना रीजनल स्टाइल डेवलप होगा, ठीक है। पोर्चुगीज जो स्टाइल लेके आए उसे हम लोग कहते हैं आइबेरियन स्टाइल, क्या कहते हैं, आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद ब्रिटिश पावर के ऊपर आए, व्हेन द ब्रिटिश केम टू पावर, जब अंग्रेज पावर के ऊपर आते हैं तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, और ब्रिटिशर्स बेसिकली जो इंडिया में आर्किटेक्चर लेके आए उसे हम लोग कहते हैं गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक के बाद इन्होंने वेरिएशंस इंडियन स्टाइल के अंदर ऐड किया, इसके लिए इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर की शुरुआत होगी। एंड उसके बाद पर्टिकुलरली यू सी इन्होंने जो नया आर्किटेक्चर बनाया जिसे हम लोग कहते हैं नियो रोमन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो तीन प्रकार के स्टाइल्स मिलेंगे। आइबेरियन आर्किटेक्चर आपको गोवा के अंदर मिल जाएगा, आपको दीव के अंदर मिल जाएगा, ये दोनों प्रोमिनेंट प्लेसेस है जहां पे पोर्चुगीज ने रूल किए। ब्रिटिश के तो बहुत सारे मल्टीपल प्लेसेस है, तो वी फाइंड मल्टीपल प्लेसेस, उसको हम लोग देखते हैं। फ्रेंच जो थे वो भी बेसिकली थोड़ा बहुत गॉथिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस थे, बट इन्होंने अपनी जो फ्रेंच स्टाइल थी उसको भी कॉपी किया है, और इनका आर्किटेक्चर आपको जनरली पौंडीचेरी के अंदर मिलेगा क्योंकि इनका मेन कैपिटल था पौंडीचेरी, तो इसके लिए इन्होंने पौंडीचेरी में काफी सारा आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में मॉडर्न में तीन टाइप्स मिलेंगे। उसके बाद जो मिलेगा वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि भारत जब आजाद हो जाता है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, तो उसके बाद आपको आर्किटेक्चर का नया स्टाइल मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अलग अलग टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मिलेंगे, जितने भी यूरोपियंस है उसमें पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन तीनों का प्रभाव आपको पता होना चाहिए। डच और डैनिश आर्किटेक्चर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पर्टिकुलरली पोर्चुगीज क्या लेके आए। पोर्चुगीज जो स्टाइल लेके आए उसे हम लोग आइबेरियन स्टाइल कहते हैं। अब क्यों आइबेरियन स्टाइल कहते हैं, क्योंकि आइबेरिया इज अ रीजन बिटवीन पोर्तुगल एंड स्पेन। अगर आपको जानकारी होगी पोर्तुगल और स्पेन के बीच में जो रीजन है उसे आइबेरिया कहते हैं, इसके लिए वहां से जो स्टाइल आया वो आइबेरियन आर्किटेक्चर के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। सो वी सी पर्टिकुलरली कि इन्होंने भारत के अंदर आने के बाद इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है वो कोस्टल एरियाज को कैप्चर किया था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था, उसके बाद दीव को कैप्चर कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों रीजन के अंदर इनका आइबेरियन आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई। ज्यादातर इन्होंने बेसिकली वेयर हाउसेज बनाए थे। उसके बाद बेसिकली इन्होंने दो चीज बनाई, एक तो चर्च बनाए बेसिकली इंडिया में, और चर्च के साथ साथ इन्होंने फोर्ट्स बनाए। क्या बनाए, चर्च और फोर्ट्स। इन दोनों की आर्किटेक्चर की टाइम आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में पोर्चुगीज ने जो आर्किटेक्चर बनाया है, जो आइबेरियन आर्किटेक्चर है, उसमें दीव का फोर्ट बहुत फेमस है। 1535 के अंदर ये बनता है। क्यों, क्योंकि दीव वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ गुजरात बाय द पोर्चुगीज गवर्नर कॉल्ड एज नीनो डे कुन्हा करके बेसिकली एक पोर्चुगीज गवर्नर था, उसने दीव को कैप्चर किया था 1530 के बाद। इसके लिए उसने दीव का किला बना दिया, ठीक है। तो उसके साथ साथ पोर्चुगीज ने जो सबसे पहला चर्च वन ऑफ द अर्लीस्ट चर्च जो गोवा में बनाया था 1604 के आसपास, जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिकली इसको ओल्ड गोवा चर्च भी कहते हैं, और यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की बॉडी भी आई हुई है। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अगर आपको जानकारी होगी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनके साथ इन्होंने फिर दीव के अंदर एक और चर्च बनाया था जिसका नाम है सेंट पॉल चर्च। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपका ओल्ड गोवा चर्च है, ये ओल्ड गोवा चर्च है जहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स की बॉडी आपको मिलेगी। ये दीव का फोर्ट है, पर्टिकुलरली इफ यू आर अवेयर अबाउट द फोर्ट ऑफ दीव, दीव फोर्ट जो इन्होंने बनाया था, इंक्लूडिंग आपको गोवा में भी फोर्ट मिल जाएंगे। गोवा में फेमस फोर्ट है एक तो चपोरा, और चपोरा के साथ साथ आपको अगवाड़ा फोर्ट मिलेगा। बेसिकली ये दोनों फोर्ट है। चपोरा फोर्ट अगर आपने मूवी देखा होगा दिल चाहता है तो उसके अंदर भी दिखाया हुआ है। चलिए खैर, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार के आर्किटेक्चर बनाए। आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पोर्चुगीज बनाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट फ्रेंच आए, फ्रेंच ने भी अपना आर्किटेक्चर का स्टाइल बनाया। मेनली फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी इंडिया में वहां आर्किटेक्चर बनेगा। कहाँ कहाँ पे बनता है तो मैंने आपको बता दिया, एक तो पौंडीचेरी के अंदर, पौंडीचेरी के साथ साथ आपको एक और मिलेगी कराईकाल, ये दोनों तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर जगह है। उसके साथ साथ इन्होंने बेसिकली पर्टिकुलरली अगर आपको जानकारी होगी याणम करके एक जगह है जो आंध्र प्रदेश में, वो भी इनकी कॉलोनी थी। माहे विच इज ऑन द कोस्ट ऑफ केरला, वहां पे भी इनकी कॉलोनी हुआ करती थी। और चंद्रनगर
जो बंगाल के अंदर था, जिसको लेके बेसिकली इन्होंने फिर ब्रिटिशर्स के साथ फाइट भी किया था, उन सब सभा के जगह के ऊपर आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर मिलेगा। फ्रेंच ने भी चर्च बनाया, ज्यादातर आपको चर्च मिलेंगे, और चर्च का नाम भी बहुत कॉमन है, द चर्च ऑफ द सेक्रेड हार्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो चर्च ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, ये दो जगह के ऊपर है, एक पौंडीचेरी में भी है, पुडुचेरी, और दूसरा है चंद्रनगर जो बंगाल के अंदर है। ये फ्रेंच आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि इन्होंने बेसिकली अपने पावर को दिखाने के लिए इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया था, और जनरली इनका जो बिल्डिंग होता था वो एकदम प्लेन होता था, मतलब जैसे ये बिल्डिंग बना दिया उन्होंने, ये बिल्डिंग बनाने के बाद इसका एंट्रेंस इस तरह से बना दिया, बट वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ मच डिजाइंस ऑन द बिल्डिंग, इट वॉज काइंड ऑफ अ प्लेन आर्किटेक्चर दैट वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच। ठीक है, तो इस प्रकार की मिलेगी आपको, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर का आपको प्रभाव मिलता है, जो फ्रेंच आर्किटेक्चर की भी एक खासियत हुआ करती थी। ठीक है, तो फ्रेंच में हमको गॉथिक का भी एक इम्पॉर्टेंस मिलेगा, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए पर्टिकुलरली। फ्रेंच के बाद आए ब्रिटिश, कौन आए साहब? ब्रिटिश आ गए। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो ब्रिटिशर्स ने अपने आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप की। अब ब्रिटिशर्स जब सबसे पहले आएंगे तो उन्होंने गॉथिक बनाएंगे, उसके बाद 19th century के अंदर याद रखेगा, दे स्टार्टेड अ न्यू स्टाइल कॉल्ड एज द इंडो गॉथिक स्टाइल। सबसे पहले आते हैं गॉथिक, उसके बाद इंडो गॉथिक, और तीसरा आता है न्यू रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, गॉथिक जो था वहां से लेके आए थे, तो उन्होंने जो इनिशियल मॉन्यूमेंट्स बनाए वो सब वैसे बनाए, इनफैक्ट इंडिया में इन्होंने फोर्ट्स बनाए थे, इनके 3-4 फोर्ट्स आपको पता होने चाहिए, ब्रिटिशर्स ने कौन से फोर्ट्स बनाए थे पर्टिकुलरली। सबसे अर्लीस्ट फोर्ट था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था अंग्रेजों का सबसे पहला फोर्ट था, जो मद्रास के अंदर इन्होंने बनाया था, बेसिकली चेन्नई के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको फोर्ट सेंट डेविड मिलेगा, फोर्ट सेंट डेविड इन्होंने मराठा से बाय किया था। उसके बाद तीसरा अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फोर्ट विलियम मिलेगा। फोर्ट विलियम 1690 से बनना शुरू हुआ था, और ये बंगाल के अंदर फिर उनका हेडक्वार्टर्स बन जाता है, जिसको लेके फिर प्लासी की लड़ाई भी होती है, यही फोर्ट था जिसके कारण ये होगा। ठीक है, इनका एक और फोर्ट आपको यहाँ बॉम्बे के अंदर मिलेगा, इन द बॉम्बे रीजन। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको ब्रिटिशर्स में फोर्ट के अंदर पता होने चाहिए। इनिशियली जो भी मॉन्यूमेंट्स थे ये सब गॉथिक आर्किटेक्चर के एक प्रकार थे, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब गॉथिक एक पुराना आर्किटेक्चर का टाइप था, वहां से फिर इंडो गॉथिक स्टाइल शुरू हुई। अब इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर की खासियत क्या थी? तो इट वॉज हैविंग द मिक्सचर ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड द गॉथिक स्टाइल्स। मतलब जो पुरानी आर्किटेक्चर की स्टाइल थी, जो गॉथिक थी, उसमें इंडियन आर्किटेक्चर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर बना इसे हम लोग इंडो गॉथिक कहते हैं। ठीक है, तो पुराने के साथ जो पुराना आर्किटेक्चर है उसके साथ जब नया आर्किटेक्चर मिक्स हुआ, व्हेन द ओल्ड एंड द न्यू आर्किटेक्चर गॉट मिक्स्ड, तो इट क्रिएटेड द बेसिस फॉर द न्यू स्टाइल दैट इज नोन एज द इंडो गॉथिक स्टाइल। इंडो गॉथिक स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज द विक्टोरियन स्टाइल। याद रखेगा, ये दोनों नाम से कभी कभी आपको पूछ जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते थे, पॉइंटेड आर्चेस मिलेंगे। इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप देख रहे हो तो आपको पॉइंटेड आर्चेस मिलते हैं, इस प्रकार के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपको क्रूसीफाइड प्लान मिलेगा। बिल्डिंग का कोई भी प्लान होगा वो क्रॉस आकार में होगा, क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियंस थे, तो इन्होंने भी जो भी चर्च बनाया है वो क्रिश्चियंस का जो क्रॉस है, क्योंकि जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, क्रॉस के ऊपर इस तरह से लटका दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉइंट मिलेंगे, और इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर का यूज किया था, तो इन्होंने वो है ना जंग रोधक सरिया यूज किया था, काइंड ऑफ है ना, तो इस चीजों के कारण इनका बिल्डिंग काफी स्ट्रांग था। और मेनली इन्होंने कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, जो इंडो गॉथिक का एग्जाम्पल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए इंडो गॉथिक के टाइप के ऊपर, इंक्लूडिंग आपका इंडो गॉथिक ही है वो है आपका सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको ही हम लोग वीटी कहते थे, विक्टोरिया टर्मिनल भी रूप में भी पहचाना जाता था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको इस प्रकार के पॉइंट्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपको जो क्रिश्चियन इम्पैक्ट है आर्किटेक्चर के अंदर पॉइंटेड आर्चिस के रूप में, वो भी आपको इसके अंदर आर्किटेक्चर के अंदर मिलती रहती है। ठीक है, सो वी फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ द गॉथिक आर्किटेक्चर। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ इनके गॉथिक आर्किटेक्चर का। ठीक है, उसके बाद जो 20th century आया, 20th century का मतलब है न्यू दिल्ली, इन्होंने जब कैपिटल शिफ्ट किया 1911 में, इन्होंने बंगाल से कैपिटल दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया। कहाँ से? बंगाल से दिल्ली में। और इसके कारण जब दिल्ली में शिफ्ट किया तो इनको नई दिल्ली बनाने की ऐसा इच्छा हो गया,
दे रियलाइज कि यार हमको कुछ नया करना पड़ेगा, लेट अस डू समथिंग एल्स. तो इसी के कारण इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर नया एक स्थापत्य बनाया दैट इज नोन एज द न्यू रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. ये बेसिकली बनाने का इंटेंशन ये था कि इनको नया रोम बना था, दे वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश द रोम ऑफ द ईस्ट. तो इसके लिए इसको न्यू रोमन कहा गया. न्यू का मतलब है न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है साहब, न्यू होता है, और रोमन का मतलब होता है बेसिकली जो रोम के अंदर था पर्टिकुलरली. और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपको पता ही होगा, उसी दौर के ऊपर इन्होंने कुछ बनाया है. इट वॉज बिल्ट बाई टू जेंटलमैन, पर्टिकुलरली एडविन ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर. इसी के कारण आपको आज की तारीख में ये शब्द मीडिया के अंदर बहुत मिलता है, वो है ल्यूटियंस डेली. इफ यू सी, लोग कहते हैं ल्यूटियंस डेली, ल्यूटियंस डेली का मतलब है जो आज का राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएमओ और वो सब ऑफिसेज बैठती है आपकी, वो सब रीजन हम लोग ल्यूटियंस डेली के रूप में पहचानते हैं. और ये भी आर्किटेक्चर की एक अपनी खासियत थी, इसके कारण इस प्रकार की पॉइंट आपको मिलेगी. हाइब्रिड आर्किटेक्चर था, और आपको इसमें आर्किटेक्चर की इम्पैक्ट के अंदर इंडियन आर्किटेक्चर मिलेगा. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको स्तूप जैसा एक इमेज मिलता है, दिखता है कि नहीं दिखता है आपको, ठीक है. So we find kind of an image of a stoop which was kind of an inverted dome kind of architecture, और circular building आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है. तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको stoop type of image मिलेगी. इस तरह से European plus Indian architecture का mixture किया गया था, it was a mixture of European प्लस इंडियन आर्किटेक्चर. ये ल्यूटियंस डेली की खासियत थी पर्टिकुलरली. आपको सर्कुलर बिल्डिंग्स मिलेंगे गोल आकार में. इनफैक्ट ये जो पार्लियामेंट है, इट इज वेरी सिमिलर टू अ बिल्डिंग विच इज मेड इन ग्वालियर. ये ग्वालियर के अंदर एक टेम्पल है, मुझे नाम बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से कि कहाँ से उसको इम्पैक्ट किया हुआ है और किस तरह से आपका पार्लियामेंट जो जो हाउस है उसका डिजाइन कैसे किया जाता है. खैर, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ दी दी आर्किटेक्चर वॉज डेवलप इन द मॉडर्न. उसके बाद पर्टिकुलरली आज़ाद हो गए हम लोग 1947 के बाद. आज़ादी के बाद भारत सरकार को लगा कि हम कुछ नया करते हैं, हम कुछ तूफानी करते हैं. तो तूफानी करने के चक्कर में इन्होंने एक नया सिटी बनाया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली एस्टैब्लिश्ड, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश जवाहरलाल नेहरू विच कैन रिफ्लेक्ट द न्यू इंडिया, नए भारत की बुलंद तस्वीर. तो दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंडिया, पर्टिकुलरली न्यू सिटी. इसी के कारण इन्होंने चंडीगढ़ की स्थापना की. चंडी देवी करके जो देवी है उनके नाम के ऊपर था. चंडीगढ़ वॉज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया, याद रखेगा, इट वॉज नोन एज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया. और कहा जाता है कि चंडीगढ़ को 1956 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट कॉल्ड एज ली कोबुजियर, ला कोबुजियर भी कहते हैं. इनफैक्ट चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, इट इज ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इनफैक्ट ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है. दिस वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1950s में उसको बनाया गया था नेहरू जी के द्वारा. ये भी पॉइंट दर्शाता है कि आज़ादी के बाद भी बेसिकली आर्किटेक्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस के रूप में, ठीक है. ली कॉर्बूजियर वेरी फेमस आर्किटेक्ट, कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर नाम आ जाता है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस था. इंक्लूडिंग आज़ादी के बाद एक और आर्किटेक्ट है जिनका नाम है लॉरी बेकर. अब देखो, दिल्ली वाले थे हर्बर्ट बेकर, लॉरी बेकर. लॉरी बेकर को पुअर मैन्स आर्किटेक्ट कहते हैं, इनको गरीबों का बसीया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग बनाया. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजंस ही इज नोन एज अ गांधी ऑफ आर्किटेक्चर. इन्होंने क्या किया, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्रैक्टिस किया. क्या किया, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि ही यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल्स. इन्होंने लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज किया, और लोकली अवेलेबल मटेरियल का यूज करने के बाद आर्किटेक्चर को डेवलप किया. गेटिंग अ पॉइंट. सो बिकॉज ही यूज द लोकली अवेलेबल मटेरियल तो सस्टेनेबल रहा, आपकी क्लाइमेट को या एनवायरमेंट को बहुत इंपैक्ट भी नहीं करता. और केरला के अंदर इनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, लॉरी बेकर का. दूसरे एक आर्किटेक्ट थे बेकर जिनका नाम था हर्बर्ट बेकर. हर्बर्ट बेकर ने तो दिल्ली बनाया था, मैंने आपको बताया, एडविन ल्यूटियन के साथ, ठीक है. तो ये दिल्ली वाले थे. लॉरी बेकर जो थे वो गरीबों के आर्किटेक्ट थे, गरीबों के गांधी ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं. खैर, तीसरे जो फेमस आर्किटेक्ट थे आज़ादी के बाद उनका नाम है चार्ल्स कोरिया. चार्ल्स कोरिया की खासियत ये है कि इन्होंने गांधी मेमोरियल म्यूजियम बनाया है. गांधी जी का जो आश्रम है, जो हम लोग गांधी आश्रम कहते हैं, या उसी को ही बेसिकली साबरमती आश्रम के रूप में भी पहचाना जाता है. इफ़ यू आर अवेयर, अभी मोदी साहब और ट्रंप भी यहाँ पे मिल के आए थे. इनफैक्ट ट्रंप यहाँ पे विजिट करेंगे पर्टिकुलर साबरमती आश्रम के अंदर. एंड ऑल दिस थिंग सिग्निफाइज पर्टिकुलरली कि उसका जो डिजाइनिंग है, जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे पूरे आश्रम का, वो इन्होंने बनाया था. तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आने की शुरुआत हो सकती है. उसके बाद पर्टिकुलरली अभी प्रोमिनेंट टाइम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है बी वी दोषी, बालकृष्ण वी दोषी. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आई वुड से. IIM बैंगलोर की डिज़ाइन उन्होंने की है. हुसैन दोषी की गुफा. अब हुसैन दोषी की गुफा की खासियत क्या है, अगर आप पेंटिंग, हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं, MF हुसैन का नाम सुना होगा आपने, तो MF हुसैन जो पेंटिंग करते हैं उनके साथ इन्होंने केव बनाया था, इसके लिए हुसैन दोषी गुफा कहते हैं पर्टिकुलरली. इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, इनको पद्म भूषण भी मिला है.
पद्म भूषण सबसे लेटेस्ट मिला हुआ है, ये जो अभी अवार्ड्स डिक्लेयर हुए हैं पर्टिकुलरली उसी में ही इनको पद्म भूषण मिला है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फैक्चुअली कभी कभी नाम आ सकता है. इनफैक्ट ही इज अवार्डेड विद द प्लिट्जकर प्राइज. प्लिट्जकर प्राइज इज नोन एज ए नोबल ऑफ आर्किटेक्चर. उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है. तो कभी कभी आपको पूछता है कि प्लिट्जकर प्राइज का इंपॉर्टेंस क्या है, इट्स ए नोबल ऑफ आर्किटेक्चर. इनको पिछले साल मिला था. और आज की जो नालंदा यूनिवर्सिटी, इफ यू आर अवेयर, नालंदा यूनिवर्सिटी 1192 से लेकर 1195 के बीच में डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बाय बख्तियार खिलजी. बख्तियार खिलजी करके एक इन्वेडर था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कंटेम्प्ररी था और उसको मोहम्मद गोरी ने भेजा था, वो नालंदा को तोड़ देगा. आजकल भारत सरकार उसको फिर से पुनर्स्थापित कर रही है, दे आर ट्राइंग टू रिवाइव रीएस्टेब्लिश, और बीवी दोषी साहब उसको बना रहे हैं. ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. उसके बाद लास्ट जो है वो है बिमल पटेल साहब. बिमल पटेल साहब और बीवी दोषी, ये दोनों अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं. इनफैक्ट बिमल पटेल को भी पद्मश्री मिला था 2 साल पहले. आज की तारीख में जो न्यू दिल्ली का रीडेवलपमेंट चल रहा है, न्यू दिल्ली का रीडेवलपमेंट, अगर आपने देखा होगा नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक को रीडेवलप करना है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट के बिल्डिंग को फिर से रीडेवलप करना है, फिर राष्ट्रपति भवन का जो है वो थोड़ा बहुत डिजाइन अभी ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये पूरा का पूरा न्यू दिल्ली का रीडेवलपमेंट है, ल्यूटियंस दिल्ली का, वो बिमल पटेल साहब कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मेन्स का क्वेश्चन है कि क्यों रीडेवलपमेंट जरूरी है, क्यों नहीं है, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे. बट इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए बिमल पटेल के बारे में. ठीक है, तो ये मॉडर्न आर्किटेक्ट्स थे जो जो आर्किटेक्चर के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा. इस तरह से अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें विजुअल आर्ट को लेके हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं. तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है पर्टिकुलरली, लेट अस सी फ्रॉम द विजुअल आर्ट पर्सपेक्टिव. फ्रॉम द विजुअल आर्ट वी हैव कवर्ड अप द आर्किटेक्चर. From the visual art, we have covered up the sculpture. From the visual art, we have covered up the cave architecture, including the temple architecture. ठीक है, और architecture में हमने 3 parts पढ़े हैं, ancient India के अंदर, ancient के साथ साथ medieval India के अंदर, और medieval के साथ साथ मैंने जो तीसरा पढ़ा है कौन सा पढ़ा है, मॉडर्न इंडिया के अंदर. ये तीनों के तीनों पार्ट्स को आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये तो खाली ट्रेलर था दोस्त, अभी इसको लेके मैं, आप चाहोगे तो मैं डिटेल में भी करा सकता हूँ. मैं जो प्लस का कोर्स पढ़ाता हूँ वहाँ स्टूडेंट्स को पूछिएगा कि प्रतीक नायक क्या कराता है और किस तरह से कराता है. आपके दिमाग में इम्प्रिंट ना हो जाए तो आप इनफैक्ट है ना, जो भी कन्फ्यूजन है वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी. तो मेरी मेथडोलॉजी वैसी है कि मैं आपको इम्प्रिंट करा दूंगा कि किसने क्या चीज़ बनाई थी और उसके पीछे की हिस्ट्री बताऊंगा. सो जितना आपको उसका हिस्ट्री पता होगा उतना ही आपको मॉन्यूमेंट है, उसकी जो डिज़ाइन है उसको लेके इंटरेस्ट डेवलप होगा. ठीक है, विजुअल आर्ट मैंने आपको ऑलरेडी आर्किटेक्चर के रूप में पढ़ा दिया है. विजुअल आर्ट में 3-4 चीज़ें आती है. एक तो आर्किटेक्चर आता है, आर्किटेक्चर के साथ साथ दूसरा आता है स्कल्पचर. ये दोनों हमने पढ़ लिया है. और विजुअल आर्ट का जो थर्ड पर्सपेक्टिव बाकी है वो है पेंटिंग्स. और अब हम लोग जो शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक को, वो है पेंटिंग्स को. ठीक है, तो विजुअल आर्ट के ऊपर ही हम लोग चलते हैं आगे. एंड लेट अस सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पेंटिंग्स. भारत में पेंटिंग्स कैसे बने उसको अब समझने की कोशिश करते हैं. और एक एक करके अलग अलग डायनेस्टीज किस तरह के पेंटिंग्स से शुरुआत करेंगी उसको भी हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया. पेंटिंग्स की किस तरह से डेवलपमेंट होती है भारत के अंदर उसको एक एक करके समझते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं और पेंटिंग्स डेवलपमेंट के ऊपर चलेंगे और देखते हैं कि इंडिया में पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सी डायनेस्टीज क्या करती है उसके ऊपर चले जाते हैं. अब देखो पेंटिंग्स को फिर से आपको क्रोनोलॉजिकली समझाता हूँ. पेंटिंग्स में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं पहले वो समझ जाइए. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेंटिंग. एक तो पहला आपको टाइम्स ऑफ पेंटिंग पूछता है कि कैसे पेंटिंग के प्रकार होते हैं. दूसरा पेंटिंग में डिजाइन, क्योंकि पेंटिंग की थीम पता होनी चाहिए आपको. ठीक है, कि कैसे पेंटिंग किए जाते थे. तीसरा आपको कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कैसा बना है. चौथा आपको पूछता है कि लोकेशन क्या था. और पांचवा प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग. अब पेंटिंग का प्रिंसिपल क्या है तो याद रखेंगे, उसे हम लोग कहते हैं षडंग. षडंग बेसिकली दे आर नोन एज सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग्स. ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स बेसिकली देने वाला जो इंसान था उनका नाम था वात्स्यायन. क्या नाम था? वात्स्यायन. वात्स्यायन करके अगर आपको जानकारी होगी, वात्स्यायन करके आपका बेसिकली एक मैं कहूँगा स्कॉलर था हु यूज टू स्टे इन द गुप्ता कोर्ट. वो गुप्ता कोर्ट के अंदर रहता करता था और इसके दौरान बेसिकली पेंटिंग्स ने उसने प्रिंसिपल्स दिए थे. ये 6 limbs है पर्टिकुलरली. यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं. खैर, अब पेंटिंग्स को कैसे पढ़ा जाएगा तो पेंटिंग्स को उसकी टेक्निक के ऊपर हम लोग पहले पढ़ेंगे. अब पेंटिंग्स को 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं पर्टिकुलरली. टेक्निक का मतलब है ये कैसे करते हैं, हाउ द पेंटिंग्स वर डन.
अब पेंटिंग्स में जनरली अगर आप देखोगे तो दो टाइप्स के पेंटिंग मिलेंगे, एक तो फ्रेस्को आर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्रेस्को आर्ट, और दूसरा मिलेगा आपको टेम्पेरा, क्या मिलता है, टेम्पेरा। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्को एंड टेम्पेरा, याद रखेगा, तो मॉइस्ट सरफेस के ऊपर, मॉइस्ट सरफेस के ऊपर जो आर्ट फॉर्म बनेगा वो फ्रेस्को आर्ट की खासियत है। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए, एकदम गीले सरफेस के ऊपर जो पेंटिंग बनता है, एकदम गीले सरफेस के ऊपर जो पेंटिंग बनता है दैट इज नोन एज द फ्रेस्को आर्ट, द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ट दैट इज अ फ्रेस्को। टेम्पेरा जो है वो ड्राई सरफेस के ऊपर बनता है, टेम्पेरा जो आर्ट फॉर्म है वो ड्राई सरफेस के ऊपर बनेगा, और ये एक अलग प्रकार की डिजाइन के रूप में भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो जब हम लोग पेंटिंग्स की टाइप में देखते हैं और जब पेंटिंग्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो दो प्रकार के पेंटिंग्स के टाइप हमको मिले, एक तो फ्रेस्को और दूसरा क्या मिला, टेम्पेरा। इन दोनों के बारे में पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि कैसे किस किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ पेंटिंग्स का अलग अलग टाइप्स में और किन किन लोगों ने पेंटिंग्स बनाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बने। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंटिंग्स, और पेंटिंग को क्लासीफाई कैसे करते हैं, याद रखिएगा, पेंटिंग को क्लासीफाई करते हैं दो प्रकार से, एक को कहते हैं म्यूरल्स, म्यूरल्स का मतलब है MURALS, म्यूरल्स, और दूसरे का नाम है बेसिकली मिनिएचर, क्या नाम है, मिनिएचर। अब व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द टू पर्टिकुलरली, तो पेंटिंग्स की जब हम लोग खासियत देखते हैं, पेंटिंग की जो खासियत करते हैं, म्यूरल्स होते हैं वो वॉल पेंटिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, वॉल पेंटिंग्स। वॉल पेंटिंग्स का मतलब है दीवारों के ऊपर किए जाते हैं, और ये जो पेंटिंग्स होते थे, ये जो पेंटिंग्स होते थे, इसकी खासियत क्या है, याद रखेगा कि ये पेंटिंग्स बेसिकली टेम्पल की वॉल्स के ऊपर बनते थे, गुफाओं की वॉल्स के ऊपर बनेंगे, आपको राजा का कोई पैलेस हो गया होगा, कोई महल बन गया होगा, उसके ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के आपको इस प्रकार के मिलेंगे। दूसरे आपको मिनिएचर्स मिलते हैं, मिनिएचर्स मतलब छोटे, बेसिकली ये पेंटिंग्स बेसिकली आप देखेगा तो एक क्लॉथ के ऊपर बन गए, एक पाम लीव के ऊपर बन गए, ठीक है, आपको एक एक एक, एक पत्ता है बेसिकली उसके ऊपर बना दिए गए, पेपर के ऊपर बना दिए गएंगे, ठीक है। और मिनिएचर बहुत ही माइन्यूट पेंटिंग्स होते हैं, बहुत ही डिटेलिंग के साथ बनाए जाते थे, ठीक है। अब इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग कब शुरू हुए, तो याद रखेगा अर्ली मिडिवल इंडिया में आपको मिलेंगे। जो पेंटिंग्स की क्रोनोलॉजी है, जो पेंटिंग्स की क्रोनोलॉजी है उसको भी हम लोग तीन पार्ट के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली हम आपको जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ाते हैं पेंटिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि पेंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के अंदर हम लोग चलेंगे, और एंशिएंट इंडिया में कैसे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे मिडिवल इंडिया के अंदर, और मिडिवल इंडिया में कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, और मॉडर्न के साथ साथ आपका जो फोक पेंटिंग्स है उसके बारे में भी पॉइंट पता होना चाहिए। मिडिवल इंडिया की, या सबसे पहले एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, तो पेंटिंग्स कब कब बने, तो सबसे पहले स्टोन एज के अंदर हमको पेंटिंग्स मिलता है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगा, फिर वेदिक एज के अंदर हमको पता चलता है, वेदिक एज के साथ साथ अगर आप देखोगे महाजनपद के दौरान पता चलेगा। उसके बाद आपको जो पेंटिंग्स मिलते हैं वो बेसिकली मौर्यन पीरियड, और मौर्यन के साथ साथ पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर मिलेंगे, और पोस्ट मौर्यन के बाद पर्टिकुलरली आप देखोगे तो गुप्ता पीरियड तक मिलेंगे, ठीक है, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। ये जितने भी पीरियड थे आपको जो भी पेंटिंग्स मिले हैं, दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, म्यूरल पेंटिंग्स। ये कैसे है भाई साहब, ये म्यूरल पेंटिंग्स की खासियत है, ये दीवारों के ऊपर होते थे। पोस्ट गुप्ता के बाद हम लोग जो अर्ली मिडिवल एरा में चले जाते हैं, जब हम लोग अर्ली मिडिवल एरा में चले जाते हैं, तो इन द अर्ली मिडिवल एरा वी फाइंड द मिनिएचर एंड द म्यूरल्स, मिनिएचर एंड द म्यूरल्स, ये दोनों प्रकार के मिक्स टाइप ऑफ पेंटिंग्स आपको अर्ली मिडिवल एरा के अंदर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पेंटिंग्स के अंदर पता होने चाहिए कि कैसे पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से अलग अलग जो डायनेस्टीज थी उन्होंने अपने अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स बनाए, और उसके बाद मिडिवल इंडिया में फिर से हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे पेंटिंग्स बनते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पॉइंट पता चल गया, तो हमने पेंटिंग्स के अंदर तीन पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले प्रिंसिपल्स पढ़ा, प्रिंसिपल्स बेसिकली उसको षडंग कहते हैं, षड अंग याद रखेगा, SHADANGA। ये छः के छः अंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर वात्स्यायन ने इसके बारे में हमको बताया था, वात्स्यायन ने कामसूत्र भी लिखा था। इनफैक्ट वात्स्यायन ने 64 टाइप ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में बताया है, कितने, 64 टाइप्स ऑफ फाइन आर्ट्स, उसमें उसने पेंटिंग्स को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और इसने ये षडंग के अंदर लिखा है हाउ टू बी अ गुड पेंटर, और आप अच्छे पेंटिंग कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जब हम लोग पेंटिंग्स की बात करेंगे तो पेंटिंग्स के पर्सपेक्टिव में
इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ पेंटिंग का। सबसे पहले हम लोग स्टोन एज में शुरू करते हैं, और स्टोन एज जो इंडिया था वो प्री हिस्ट्रिक था। प्री हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब। अब मेनली स्टोन एज के अंदर अगर आपको जानकारी होगी, भीमबेटका करके जगह है विच इज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, भीमबेटका के अंदर आपको मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स मिले। ये पेट्रोग्लिप्स के रूप में पहचाने जाते थे। क्या कहते थे? पेट्रोग्लिप्स। मतलब क्या है कि ये जो वॉल है ये सबके सब म्यूरल्स थे, और वॉल के ऊपर इन्होंने जो पेंटिंग किया था उसमें पहले है ना कार्विंग की थी, छोटा छोटा एंग्रेविंग किया था। एंग्रेविंग करने के बाद इन्होंने पेट्रोग्लिप्स के रूप में वहां पे बनाए थे, ठीक है। ज्यादातर पेंटिंग्स के अंदर आपको हंटिंग सीन्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? हंटिंग सीन्स मिलेंगे। एंड इन मेजोरिटी ऑफ द पेंटिंग वी फाइंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हंटिंग सीन्स। तो खचा खची करने वाले आपको सीन्स मिल जाते हैं जहां पे फाइट चलती रहेगी पर्टिकुलरली। इसके लिए आपको जू रॉक शेल्टर भी मिलते रहेंगे, ठीक है। ज्यादातर पेंटिंग्स में आपको एनिमल्स मिलते हैं। कौन से एनिमल्स मिलते हैं याद रखेगा? तो एलिफेंट मिलता है, राइनोसेरस मिलता है, कैटल मिलता है, स्नेक मिलता है, डियर मिलता है, और बड़ा सिंगा। बड़ा सिंगा, डियर, बेसिकली ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ जो है ना हंगूल, ये अलग अलग टाइप ऑफ बेसिकली मैं कहूंगा कि डियर फैमिली के जो स्पीसीज है वो भी हमको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हंटिंग सीन्स मिलेंगे। दूसरा आपको कम्युनिटी सीन्स मिल जाते हैं। कम्युनिटी सीन्स का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ लोग मिलेंगे जो 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 है ना बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कोई टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं। ये भी पॉइंट आपको पेंटिंग्स के अंदर पता होना चाहिए। खैर, ये तीन अलग अलग टाइप्स आपको प्री हिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। प्री हिस्ट्री स्टोन एज का पीरियड है। स्टोन एज को तीन पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द चालकोलिथिक पीरियड। ज्यादातर आपको जो पेंटिंग्स मिले हैं, मैक्सिमम पेंटिंग हमको कौन से पीरियड से मिले याद रखेगा, मैक्सिमम पेंटिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैलियोलिथिक पीरियड में भी पेंटिंग बने थे, चालकोलिथिक में पड़े थे, इनफैक्ट नियोलिथिक एज में भी पेंटिंग्स बने थे। ऐसा नहीं था इन द न्यूलिथिक एज द पेंटिंग्स डिड नॉट डेवलप, इवन इन द न्यूलिथिक पीरियड वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। अब देखो अपर पैलियोलिथिक में अराउंड 10,000 BC तक आते हैं जो भी पेंटिंग्स बने, उसमें आपके कलर्स कौन से यूज हुए थे याद रखेगा। तो कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर आपका जो भी पेंटिंग बना था वो रेड एंड व्हाइट पेंटिंग मिलेगा। कौन सा मिलेगा? रेड एंड व्हाइट। अब रेड कलर का इन्होंने बेस बनाया, इफ यू कैन सी ये रेड कलर का बेस है, बीच में व्हाइट लाइमस्टोन है, चूना जो हम लोग कहते हैं, वो लाइमस्टोन का यूज करके एलिफेंट की इमेजेस बनाई है। हंटिंग इमेजेस आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी। ये गेरुआ कलर है, बेसिकली जो राल कलर है, रंग दे तुम मोहे गेरुआ हम लोग कहते हैं कभी कभी, ये गेरुआ कलर है जिसका यूज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द हंटिंग सीन्स, ठीक है। तो ज्यादातर आपको ह्यूमन फिगर्स मिलेंगे, स्टिक लाइक इमेजेस मिलते हैं। उसके बाद आपको मेसोलिथिक पीरियड मिलेगा। मेसोलिथिक पीरियड में आपको इन्वर्टेड पेंटिंग्स मिलेंगे। इन्वर्टेड कलर समझ में आता है? इन्वर्टेड कलर्स का मतलब क्या होता है दोस्त, ठीक है। इन द पैलियोलिथिक पीरियड व्हाट वी सी, द रेड वाज डोमिनेंट एंड द व्हाइट वाज बेसिकली द मेन ऑब्जेक्ट। हियर इन द केस ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड द रेड बिकेम द ऑब्जेक्ट। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लाल कलर के ऑब्जेक्ट को दर्शाया गया है, वेरस इन द पैलियोलिथिक पीरियड वी फाइंड कि आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलरली, उसको व्हाइट कलर से दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको एक डिफ्रेंसिएशन का पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस इस प्रकार से हुआ करते थे। इसमें भी हंटिंग सीन्स मिलेंगे मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका, अगर आपको जानकारी होगी, इट्स ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमको 500 से ज्यादा अलग अलग पेंटिंग्स मिले हैं, और ये सब के सब है ना एक के ऊपर एक ओवरलैप किए गए थे, ठीक है। तो काफी लंबी कहानी है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद चेल्कोलिथिक पीरियड आया। चेल्कोलिथिक पीरियड के आते आते हमको ग्रीन एंड येलो कलर का भी यूज मिल जाता है, ठीक है। तो वी सी पर्टिकुलरली कि ग्रीन एंड येलो कलर वाज यूज। तो आपको पहले रेड एंड व्हाइट का यूज ज्यादा हुआ, उसके बाद आपको ग्रीन और येलो कलर का भी यूज मिल जाएगा, ग्रीन और येलो कलर का भी यूज मिलेगा। ये चीज दर्शाता है कि न्यू कलर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग्स। अब कलर्स में याद रखिएगा, कभी भी ब्लू कलर का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर इज नॉट नेचुरली अवेलेबल, प्राकृतिक रूप से आपको कभी भी ब्लू कलर नहीं मिलता है, इसके लिए इन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है। तो ये भी एक आपको खासियत मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नरसिंहगढ़ करके एक जगह है एमपी के अंदर, वहां पे भी आपको इस प्रकार के पेंटिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको स्टोन एज के पेंटिंग्स के अंदर पता होना चाहिए। स्टोन एज के बाद आपको जो 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 पेंटिंग मिले हैं इस प्रकार के पेंटिंग्स मिलते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक एक इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। यहाँ पे आपको कम्युनिटी सीन्स मिलते हैं। कम्युनिटी सीन्स में उस टाइम पे कोरोना वोरोना नहीं था,
इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ करता था, तो वी फाइंड द डांसिंग इमेजेस एज वेल, आपको डांसिंग इमेजेस भी मिल जाएगी. मुझे लगता है कि ये इमेज के अंदर कोई सालसा कर रहा है, समवन इज डूइंग सम काइंड ऑफ सालसा. अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा. यहाँ पे आपको कुछ लोग दिखेंगे, यहाँ पे एक इंसान है ढोल बजा रहा है, काइंड ऑफ डम 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 ढोली तरह ढोल बाजे. एंड हियर वी फाइंड पर्टिकुलरली जो लोग है यूं हाथ पकड़ के ऐसे है ना नाच रहे झूल रहे हैं, तो वो है ना कि कुछ गरबा वरबा कर रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, तो इस प्रकार का डांस फॉर्म भी मिलता रहेगा. खैर, तो ये भी एक आपको खासियत पता होनी चाहिए डांसिंग सीन्स के अंदर. उसके बाद ये नरसिंहपुरा के अंदर मैंने आपको बताया कि जो जो पेंटिंग्स बने दूसरे जोगीवाड़ा केव्स के अंदर मिलेंगे, ये भी एमपी वाले रीजन के अंदर मिलेगी सेंट्रल इंडिया में, ठीक है. तो ये पेंटिंग्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटिंग्स बने. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटिंग्स बने थे, यस बने थे, याद रखेगा. कहाँ पे बने थे? पॉटरी के ऊपर. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने आर्ट एंड कल्चर में जब पॉटरी पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, तो याद रखेगा कि आपको पॉटरी के ऊपर अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं. Mainly we find certain animals like bull which are depicted on the pottery. कभी कभी आपको fish भी मिल जाएगा. और हरप्पन्स ने जो geometrical designs बनाई थी, all the geometrical designs were also made in the form of pottery. ये pottery के ऊपर भी आपको red and black color के paintings मिलेंगे. Red color का base होगा और black color की pottery मिलेगी. ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के पेंटिंग्स की खासियत थी, ठीक है. तो द सेकंड पेंटिंग्स दैट वी सी एज अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग डेवलपमेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी भी एक आपको अलग ही प्रकार की स्टाइल मिलती रहेगी. इंडस वैली के बाद आपको वेदिक एज मिलेगा. वेदिक एज बेसिकली पेंटिंग्स के लिए काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको पॉटरी मिलती है, यहाँ पे भी हमको पॉटरी मिलती है. ये जो पॉटरी है इसे हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली पेंटेड ग्रेवेयर. क्या कहते हैं? पेंटेड ग्रेवेयर. और ये जो पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी मिली, ये जो पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी मिली है, ये पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी के ऊपर भी हमको अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स मिलते हैं. हियर इन दिस ऑल्सो वी फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, ये भी पता होना चाहिए. ये वेदिक एज के बाद बेसिकली जो पोस्ट वेदिक एज का पीरियड है, पोस्ट वेदिक एज का मतलब ये है 600 BC तक का पीरियड है. 600 BC तक आते आते आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर करके एक पॉटरी मिलती है. कौन सी है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर. ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर करके जो पॉटरी है, यहाँ पे भी आपको पेंटिंग्स मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको एक पेंटिंग्स मिलेंगे. और ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है पर्टिकुलरली, इसके अंदर भी आपको पेंटिंग्स एक प्रकार की डिज़ाइन मिलेगी. ये भी एक इसकी खासियत हुआ करती थी 600 BC ऑनवर्ड से. उसके बाद महाजनपद का डेवलपमेंट चला, बुद्धिज्म जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ. और कहते हैं कि जो बुद्ध को लेकर जो केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई, वो केव आर्किटेक्चर में आपकी बहुत सारी जो जातक स्टोरीज है, जो बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई कथाएं हैं, उन सब के अंदर भी हमको पेंटिंग्स मिलते हैं. इनफैक्ट पेंटिंग को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो त्रिपिटाक है ना, त्रिपिटाक, अगर आपको जानकारी होगी, बुद्धिज्म में तीन किताबें लिखी गई है, विनय पिटाक, सुत पिटाक एंड अभिधम पिटाक. ये त्रिपिटाक में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पेंटिंग्स के बारे में भी मैंशन किया गया है, ठीक है. तो पेंटिंग्स का पता होना चाहिए. उसके बाद मौर्यन एज आया. मौर्यन एज में पेंटिंग्स बने थे, बट हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, और एविडेंसेस नहीं होने के कारण हम लोग इसके पेंटिंग्स के ऊपर नहीं जाएंगे. पोस्ट मौर्यन एज में बहुत सारा केव आर्किटेक्चर बना, और जो सातवाहन पीरियड था, वो सातवाहन पीरियड में अजंता केव्स की शुरुआत हो गई थी. अब अगर आपको याद होगा तो अजंता में केव नंबर 9 एंड केव नंबर 10 बिलोंग्स टू द सातवाहन पीरियड. अजंता में केव नंबर 9 एंड केव नंबर 10 बिलोंग्स टू द सातवाहन पीरियड. और ये जो सातवाहन पीरियड के अंदर जो केव आर्किटेक्चर बनता है, उस दौरान भी हमको बेसिकली पेंटिंग्स मिले हैं. केव नंबर 9-10 में आपको अलग ही प्रकार के पेंटिंग्स मिलेंगे. और उसके बाद जो भी अलग अलग डायनेस्टीज आई, उन्होंने अजंता की केव्स बनाई, वहाँ पे आपको अजंता के पेंटिंग्स बहुत मिलते हैं. अब देखिए अजंता के पेंटिंग्स में किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, याद रखेगा. अजंता केव्स में चार डायनेस्टी ने अजंता को बनाया है. एक तो बेसिकली सातवाहन ने उसको बनाया है. सातवाहन के साथ साथ कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको लिखा देता हूँ. दूसरा आपको मिलेगा गुप्ता एंड वाकाटका. कौन मिलेंगे? गुप्ता एंड वाकाटका. एक्चुअली वाकाटका वर द पेट्रोनाइजर्स, ये गुप्त के सामंत हुआ करते थे, उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे. उसके साथ साथ आपको राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी मिल जाएगी. सॉरी, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको चालुक्यज मिलेंगे. चालुक्यज ने भी कहीं ना कहीं, अगर आपको जानकारी होगी, पुलकेशिन टू करके एक राजा है, पुलकेशिन टू करके एक राजा है चालुक्यज का, यूज्ड टू रूल फ्रॉम बदामी. उसने भी अजंता का केव का पेंटिंग बनाया है. एंड ऑल्सो वी फाइंड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी. ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, इनके दौरान भी आपको केव आर्किटेक्चर की शुरुआत मिलेगी, ठीक है. सो वी फाइंड द केव आर्किटेक्चर एंड इन द पेंटिंग्स डेवलप ड्यूरिंग मल्टीपल किंग्स. बहुत सारे किंग्स जो थे,
इनके पेंटिंग्स बनते हैं। अब अजंता में कौन से पेंटिंग्स बने और अजंता में कौन से स्टाइल के पेंटिंग्स बने आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अजंता के टोटल कितने केव्स है, 29। मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि अजंता में 25 विहार है और 4 चैत्य है। इन अजंता वी फाइंड 25 विहार एंड 4 चैत्य। पर्टिकुलरली सातवाहन पीरियड में ही आपके केव्स बनने शुरुआत हो जाती है, और कहते हैं कि बाकी सारे गुप्त पीरियड ने भी बनाया। गुप्त के साथ साथ मैंने आपको पुलकेशिन के दौरान भी बताया था, और इन सब ने बेसिकली केव्स बनाए थे। आपको पता होना चाहिए कि अजंता में कैसे पेंटिंग्स बने। एक तो पहले फ्रेस्को और टेम्पेरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? फ्रेस्को एंड टेम्पेरा स्टाइल, फ्रेस्को मतलब वेट, टेम्पेरा मतलब ड्राई, इन दोनों का मिक्सचर करके बेसिकली पेंटिंग्स बनाए जाते थे। बहुत ही अद्भुत प्रकार के पेंटिंग्स मिलेंगे, ये आपको अजंता पेंटिंग्स की खासियत के अंदर पता होना चाहिए। अदर देन दिस, जब हम लोग अजंता के केव्स की बात करते हैं, तो अजंता में कौन से पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही फेमस है पर्टिकुलरली, तो उनकी स्टोरीज मैं आपको लिखवा देता हूँ। लेट मी गिव यू इन राइटिंग विच केव्स वर नोन फॉर द पेंटिंग आर्ट इन अजंता। आपको कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अजंता में केव नंबर 9-10 में जो पेंटिंग बने थे उसका कोई रिलेवेंस उतना नहीं है। आपको केव नंबर 16, केव नंबर 17 के अंदर बहुत फेमस पेंटिंग्स आए हुए हैं। एक तो केव नंबर 16-17 में जो फेमस पेंटिंग आया है, एक है पर्टिकुलरली द डाइंग अप्सरा, ठीक है, सॉरी द डाइंग प्रिंसेस। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी फेमस पेंटिंग विच इज रिलेटेड टू अ जातक स्टोरी, आपको इस प्रकार की मिलेगी। इसके साथ साथ आपको एक और पेंटिंग मिलता है जिसका नाम है फ्लाइंग अप्सरा। क्या नाम है? फ्लाइंग अप्सरा, याद रखेगा। फ्लाइंग अप्सरा इट्स अ काइंड ऑफ पेंटिंग ओनली जो अजंता के अंदर मिलेगा आपको 1617 में। एक और पेंटिंग मिलता है, वो है बुद्ध इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सन। बुद्ध इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सन, अब ये बहुत फेमस पेंटिंग है पर्टिकुलरली। ये भी जातक कथा का पेंटिंग है जहाँ पे बुद्ध पहली बार अपनी बीवी के सामने आते हैं, अपने बच्चे के सामने आते हैं आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट। बुद्ध के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वो राजा थे, ही लेफ्ट हिज हाउस, उन्होंने संसार छोड़ दिया था, एंड व्हेन ही अटेंड एनलाइटनमेंट वो अपने घर पे वापस जाते हैं, ऐसा ये पेंटिंग में दिखाया गया है। तो अपने घर पे जाते हैं, तो अपने घर पे जाने के बाद वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को मिलते हैं। इनफैक्ट जिस दिन उनके बेटे का जन्म हुआ था उसी दिन बुद्ध ने जो मटेरियलिस्टिक लाइफ थी, जो वर्ल्डली लाइफ थी, वो छोड़ दी थी, और उसी के बाद बेसिकली जो बुद्ध को भगवान के रूप में ये महायान के अंदर गिना गया, इसके कारण ये पेंटिंग बना है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये तीन पेंटिंग आपको पता होना चाहिए अजंता के अंदर है, फ्लाइंग अप्सरा, डाइंग प्रिंसेस, बुद्ध इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सन। ये तीनों के तीनों याद रखेगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आएंगे, अजंता के अंदर ही लोकेटेड है, ठीक है। उसके साथ साथ अजंता में एक और पेंटिंग मिलेगा, वो है पद्मपाणि का पेंटिंग। किसका पेंटिंग है? पद्मपाणि का, वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ पद्मपाणि पर्टिकुलरली। ये चालुक्यन पीरियड से रूल करता है, दिस पेंटिंग बिलोंग्स टू चालुक्यन पीरियड, और कहते हैं कि पुलकेशिन 2 के दौरान शायद बना होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ये केव नंबर 1 के अंदर है, दिस इज द केव नंबर 1। यहाँ पे पुलकेशिन 2 का आपको पेंटिंग मिलेगा, आपको केव नंबर 1 के अंदर पुलकेशिन 2 का भी पेंटिंग मिलता है अजंता के अंदर। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अजंता में क्या क्या किस किस प्रकार के पेंटिंग्स बने, ठीक है। और भी पेंटिंग्स थे, देयर वर मल्टीपल पेंटिंग्स दैट वर बिल्ट इन द अजंता, बट एटलीस्ट आपको अजंता के जो दूसरे पेंटिंग्स है वो याद ना रहे तो चलेगा, बट यू शुड नो द पेंटिंग्स विच वर बिलोंग टू दी डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम। अलग अलग राजाओं ने जो अजंता में पेंटिंग्स बनाए थे उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अजंता के पेंटिंग्स की खासियत आपको याद रहेगी दोस्त आपको, ठीक है। तो वी सी द अजंता पेंटिंग्स जो अलग अलग लोगों ने बनाई थी, ठीक है। अब मेनली यू सी कि अजंता के बाद फिर और भी आपको केव्स मिलेंगे। मैं आपको मेनली पोस्ट गुप्ता या गुप्ता एरा के जो केव्स थे उसमें पेंटिंग कहाँ कहाँ बने हैं वो समझा देता हूँ। अब देखिए गुप्ता एज के अंदर पेंटिंग्स कहाँ कहाँ बने, तो मैंने आपको बताया गुप्ता एज में केव आर्किटेक्चर में एक तो अजंता के अंदर केव पेंटिंग्स मिलेंगे। अजंता के अंदर मैंने आपको बताया कि केव नंबर 16, केव नंबर 17 के अंदर आपको बहुत फेमस पेंटिंग्स मिलेंगे, उसमें फ्लाइंग अप्सरा, फिर से लिख देता हूँ पर्टिकुलरली फ्लाइंग अप्सरा के साथ साथ हमने क्या पढ़ा अभी, दी डाइंग प्रिंसेस, डाइंग प्रिंसेस के साथ साथ मैंने आपको बताया बुद्ध इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सन, बेसिकली बुद्ध इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड सन, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, ये यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा गुप्ता के अंदर आपको बाघ पेंटिंग्स मिलेंगे, कौन मिलेंगे? बाघ पेंटिंग्स। अब देखो बाघ की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाघ। बाघ पर्टिकुलरली ये इन्होंने गुप्ता ने ही केव्स बनाई थी, इफ यू आर अवेयर गुप्ता ने ही केव्स बनाई थी, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। ये बाघ के पेंटिंग्स के अंदर आपको बुद्धिज्म
प्लस हिंदुइज्म, इन दोनों के आपको पेंटिंग्स मिलते हैं, आर्किटेक्चर मिलेगा। इसमें खासियत यह है कि आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी मिल जाती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ का मतलब क्या है कि वी फाइंड द पेंटिंग्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब जो रिलीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, नॉन रिलीजियस पेंटिंग्स भी मिल जाते हैं। तो वी फाइंड द नॉन रिलीजियस पेंटिंग्स इन द बाग पेंटिंग्स, उसमें ना केव नंबर 4 है, याद रखेगा बाग के अंदर। केव नंबर 4 इज नोन एज रंग महल, क्या कहते हैं उसको, रंग महल कहते हैं, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन निकल जाता है, आपको पता होना चाहिए कि बाघ के अंदर क्या बना था। ठीक है, गुप्ता के बाद जो बना था अजंता में वो पोस्ट गुप्ता बनेगा, और पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर जो अजंता के पेंटिंग्स है, अजंता के पेंटिंग्स चालू रहते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ पुलकेशिन, और पुलकेशिन 2 के दौरान मैंने आपको बता दिया अजंता के पेंटिंग्स बनते रहेंगे। केव नंबर 1 के अंदर उसके पेंटिंग्स आए हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको जो और पेंटिंग्स मिलेंगे वो पल्लव पीरियड के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो पल्लव पीरियड के अंदर जो पेंटिंग्स बनते हैं उनका नाम है सीता नवसल पेंटिंग्स। क्या नाम है? सीता नवसल पेंटिंग्स। सीता नवसल पेंटिंग्स आर जैन पेंटिंग्स, याद रखेगा, सीता नवसल पेंटिंग्स आर जैन पेंटिंग्स। अजंता के जो पेंटिंग है वो कैसे है? दे आर ऑल बुद्धिस्ट पेंटिंग्स। क्यों? क्योंकि अजंता केव्स जो है दे आर डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म ओनली। ठीक है, तो जो आर्किटेक्चर बनेगा वो भी बुद्धिज्म के रिलेटेड होगा, पेंटिंग जो भी बनेगा वो भी बुद्धिज्म के रिलेटेड होगा। ठीक है, सो वी सी द जैन पेंटिंग्स विच वर डेवलपिंग द सीता नवसल। ये भी पेंटिंग्स आपको पता होने चाहिए। पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर आपको और कोई पेंटिंग मिलेंगे, वो आपको एक तो रावण छाया और एक मिलेंगे अरमामलाई केव्स के अंदर। ठीक है, अरमामलाई केव्स की खासियत ये है, अरमामलाई केव्स की खासियत ये है कि आपको वेल्लोर के पास मिलते हैं, वेल्लोर मतलब आज का तमिलनाडु के अंदर है, वो भी एक पेंटिंग की खासियत है केव पेंटिंग्स के अंदर। सीता नवसल मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है, और वहाँ पे आपको जैन पेंटिंग्स मिलेंगे, दिस इज एग्जाम्पल। ये रावण छाया पेंटिंग्स है जो उड़ीसा के अंदर आपको मिलेंगे, और अरमामलाई पेंटिंग्स है जो बेसिकली आपको वेल्लोर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे। बाघ के जो केव पेंटिंग है जहाँ पे मैंने आपको बताया कौन सा है, गुफा का नाम याद रखेगा रंग महल, रंग महल नाम ही है, तो यहाँ रंग बिरंगी कलर का यूज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ पेंटिंग्स। तो वी फाइंड रंग बिरंगी कलर, मल्टीपल कलर्स एंड शेड्स वर यूज एज अ पार्ट ऑफ पेंटिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी पेंटिंग्स आपको बाग के अंदर मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमने पेंटिंग्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो एंशियंट एरा में आपके इतने पेंटिंग्स बने। अब एंशियंट एरा के बाद अब थोड़े आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मिडिवल या अर्ली मिडिवल पेंटिंग्स को। अब देखिए, मैंने अभी तक आपको जो पेंटिंग्स का टाइप बताया है वो पेंटिंग्स के टाइप के अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर समझाने की कोशिश की कि पहले जो पेंटिंग्स बने हैं, पहले जो पेंटिंग्स बने हैं वो बेसिकली आपके जो भी बनते हैं वो म्यूरल्स बनते हैं। तो लेट मी हाईलाइट, हमने जो भी अभी पढ़ा है वो म्यूरल्स पेंटिंग्स पढ़े हैं, और ये जो म्यूरल पेंटिंग्स पढ़े हैं वो इतने एज के अंदर पढ़ ली है, वी हैव कवर्ड द पेंटिंग्स ऑफ दिस मच एज। ये जो भी म्यूरल्स थे ज्यादातर देवर पार्ट ऑफ द नेरेटिव आर्ट फॉर्म। नेरेटिव आर्ट का मतलब ये है कि कुछ बातें लिखी जाती थी उसके ऊपर से पेंटिंग होते थे। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्ली मिडिवल एरा की शुरुआत हो गई। कब होगी अर्ली मिडिवल एरा? 750 CE onwards से अगर आप देखोगे तो अर्ली मिडिवल एरा की शुरुआत होती है, और इस दौरान आपके अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स बनेंगे। इस दौरान आपके मिनिएचर पेंटिंग की भी शुरुआत होगी, और इंक्लूडिंग आपको म्यूरल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके दोनों प्रकार के पेंटिंग्स बनेंगे, मिनिएचर मतलब छोटे वाले पेंटिंग्स। अब ये जो मिनिएचर शब्द है ये कहाँ से आया वो पहले समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। और अब देखिएगा द वर्ड मिनिएचर, व्हेन वी सी द वर्ड मिनिएचर, ये मिनिएचर शब्द कहाँ से आया हुआ है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यू शुड नो कि फ्रॉम वेयर डज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मिनिएचर टुक प्लेस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मिनिएचर आर्किटेक्चर या मिनिएचर पेंटिंग जो है कैसे बना। अब याद रखेगा मिनिएचर जो शब्द है, मिनिएचर जो शब्द है ये मिनियम नाम के शब्द से आया है। कहाँ से आया है? द वर्ड मिनिएचर इज ओरिजिन फ्रॉम द मिनियम, एंड इट इज सेड कि ये लाल कलर का पेंट हुआ करता था, लेड बेस्ड था, लीड इसके अंदर यूज होता था, और जनरली रेनेसो का पीरियड अगर आपको जानकारी होगी जो इटली के अंदर था, रेनेसो पीरियड इन इटली, वहाँ पे ये पेंटिंग्स बनते थे, छोटे छोटे पेंटिंग थे, इसके लिए उसको मिनिएचर कहा गया था, ऐसा नहीं था, याद रखेगा। ये मिनियम से मिनिएचर आया है, एक्चुअली ये मैन्यूस्क्रिप्ट बेस्ड पेंटिंग हुआ करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है कि कुछ एक्स वाई जेड ए बी सी लिख दिया, फिर बीच में आपका पेंटिंग बना दिया किसी ने, कुछ वार्ता बना के फिर एक्स वाई जेड ए बी सी लिख दिया। तो इस प्रकार के पेंटिंग्स बनेंगे बेसिकली छोटे एक पेज के अंदर या क्लॉथ के ऊपर, इस प्रकार के पेंटिंग्स आपको मिनिएचर के अंदर बनने की शुरुआत होगी इटली के अंदर। कुछ उसी प्रकार के पेंटिंग्स अर्ली मिडिवल इंडिया में होते हैं,
आज जो भी बेसिकली पेंटिंग को हम लोग मिनिएचर कहते हैं, प्रेजेंट डे में जो कोई भी पेंटिंग होगा उसको मिनिएचर तभी कहा जाएगा जब उसने उसके रूल्स फॉलो किए हैं, उसको लेके अब रूल्स बन गए हैं, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है। ये स्टैंडर्डाइजेशन में उसका एक एरिया फिक्स होता है, उसका स्केल फिक्स हो जाता है, पेंटिंग का जो प्रपोर्शन है वो फिक्स हो जाता है। लंबी कहानी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स अबाउट ये किस प्रकार से होगा, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये कैसे डेवलपमेंट हुआ पर्टिकुलरली पेंटिंग के स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग है, स्मॉल है, डिटेल है, अर्ली मिडिवल इंडिया में शुरू होगा, फिर उसके बाद मिडिवल इंडिया में भी ये चालू रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ पर्टिकुलरली, तो मैंने आपको उसके रूल्स बता दिए। एरिया होता है 25 स्क्वायर इंच और जो ओरिजिनल साइज है उससे 1/6 ऑफ दी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी बिल्डिंग होगा या कोई भी मॉन्यूमेंट आप बना रहे हो वो 1/6 ऑफ दी एक्चुअल साइज बनाओगे तभी आपको उसको मिनिएचर आज की तारीख में कहलाया जाएगा। पहले तो ऐसा नियम नहीं था। अर्ली मिडिवल इंडिया में बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स बने, मेनली ये अर्ली मिडिवल इंडिया में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बने वो 8th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में बनेंगे। कौन से मिलेंगे? 8th से लेके 12th सेंचुरी। तो हमने अभी तक जो पेंटिंग्स पढ़े हैं उसमें हमने एंशियंट इंडिया के पेंटिंग्स को पढ़ लिया है। वी हैव कवर्ड द एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स इन डिटेल, हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली मिडिवल इंडिया में, इन द अर्ली मिडिवल इंडिया व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग्स वर डेवलप्ड। ठीक है, अब अर्ली मिडिवल इंडिया में आपको दो प्रकार के पेंटिंग्स मिलेंगे। एक तो म्यूरल्स, वो बनने शुरू हो रहे हैं, म्यूरल्स कंटिन्यू टू बिल्ड इन दिस अर्ली मिडिवल इंडिया, इनफैक्ट आपको मिनिएचर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे कैसे बने वो भी समझा देता हूँ। पहले अगर आप देखोगे तो मिनिएचर पेंटिंग्स आपको बनते हैं पाल रूलर्स के दौरान। अब देखो, पाल का मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर आर्किटेक्चर पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि पाल वर बुद्धिस्ट किंग्स, याद आया आपको? ठीक है, इन्होंने 5 विहार बनाया था, द 5 महाविहार, हमने इसको आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। जो जो स्टूडेंट्स अभी तक ये क्लास के अंदर मिड में ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको रेकमेंड करूंगा, प्लीज वॉच द आर्किटेक्चर वाला मैराथन वीडियो, 3.5-4 घंटे के बीच का वीडियो है, उसको लेक्चर को आप अटेंड करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको ज्यादा कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, पाल ने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के रूप में बनाया, तो उनके जो पेंटिंग्स है वो भी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स है। ठीक है, देवर इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ये मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आपको वेस्ट इंडिया के अंदर अब्रम्स पेंटिंग मिलेंगे। अब्रम्स पेंटिंग्स अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली तो आपको जैन पेंटिंग्स मिलेंगे, और ये जो जैन टेक्स्ट हुआ करती थी, जो जैन धर्म की जो किताबें थी, ये जैन धर्म की किताबों के अंदर से पेंटिंग बनाए जाते थे। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन इट इज नोन एज द अब्रम्स स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, सॉरी, द अब्रम्स स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपका जो अर्ली मिडिवल इंडिया में मिनिएचर बना 8th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, वो कश्मीर के अंदर बनेगा, और कश्मीर में भी आपके मैन्यूस्क्रिप्ट बेस्ड पेंटिंग होंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब यही है कि आपने कुछ एक्स वाई जेड एबीसी लिखा हुआ है, उसके बाद आपने कुछ पेंटिंग बना दिया, फिर एक्स वाई जेड लिख दिया, फिर उसके बाद हमारा पेंटिंग नाराज हो गया, फिर एक्स वाई जेड कर दिया, फिर हमारा पेंटिंग खुश हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के पेंटिंग्स मिलेंगे आपको, ये पता होने चाहिए। अब उस दौरान तो कपड़ा था नहीं, उस दौरान पेपर तो था नहीं पर्टिकुलरली, तो इनिशियली जो मिडिवल अर्ली मिडिवल एरा में जो पेंटिंग्स बने वो पाम लीव्स के ऊपर बनेंगे। किसके ऊपर बनेंगे? पत्तों के ऊपर। फिर आपको वुड के ऊपर मिलेंगे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्लॉथ के अंदर मिलते हैं, फिर आपको मार्बल के अंदर मिलेंगे। किसके ऊपर? मार्बल होता है ना बेसिकली, आपका पत्थर जो होता है, और उसके बाद पर्टिकुलरली आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। पेपर में तो काफी लेट बनते हैं, मतलब जब मुगल्स आ जाएंगे तब बनेंगे, उसके पहले आपको क्लॉथ, मार्बल, पेपर के ऊपर से पहले वुड और उसके ऊपर बनेंगे। जनरली जैन टेक्स्ट, जो जैन की किताबें थी, जैन रिलीजन की, वो सब मिलती रहेगी। ठीक है, अब पाल पेंटिंग्स कैसे हुआ करते थे, याद रखेगा कि ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बने थे। दे वर बिल्ट बिटवीन द 8th to 12th सेंचुरीज, एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, और बीच में आपको एक पेंटिंग मिलेगा, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स थे पर्टिकुलरली, यू विल फाइंड आपको पाम लीफ के ऊपर, लेटर ऑन फिर पेपर का भी यूज किया गया था पत्तों का बना के। ये बुद्धिज्म की जो लिटरेचर थी ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये लिटरेचर की जो किताबें थी उसको पेंटिंग्स के रूप में आपका दिखाया जाता था। ठीक है, तो एक बुक थी अष्ट सहस्त्री का प्रजनम परिता, अष्ट सहस्त्री का पजरम परिता वो था बुद्धिस्ट बुक, जिसको पेंटिंग्स के अंदर आपका पूरा का पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर दर्शाया गया था। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जो लिखा जाता था उसके बीच में आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पाल के पेंटिंग्स कुछ ऐसे थे, एक्स वाई जेड ए बी सी लिख दिया, उसके बाद आपने एक पेंटिंग बना दिया इस प्रकार का, ठीक है, बुद्धिज्म के रिलेटेड, फिर एक्स वाई जेड ए बी सी लिख दिया, फिर हमने एक पेंटिंग बना दिया, ठीक है, इस प्रकार का, फिर एक्स वाई जेड ए बी सी लिख दिया,
फिर एक और पेंटिंग मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार के पेंटिंग्स आपको पाल के अंदर मिलेंगे दोस्त, याद रहेगा आपको। ठीक है, पाल पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद गुजरात के अंदर जो पेंटिंग बने, गुजरात के अंदर जो पेंटिंग बने जो बेसिकली 10th 11th सेंचुरी के बीच में बने, 11th से लेके 15th सेंचुरी के बीच में, जो अर्ली मिडिवल और मिडिवल एरा के बीच में बनते हैं, गुजरात राजस्थान में बनेंगे, उसके अभ्रंश कहते हैं। अब देखो अभ्रंश क्यों कहते हैं, अभ्रंश इज अ पार्ट ऑफ द जैन लिटरेचर। ठीक है, तो जैनिज्म के अंदर जो साहित्य लिखा गया है वो तीर्थंकर की जो कथा है, तीर्थंकर की जो 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 वार्ता है, उन सबको पेंटिंग्स के अंदर आपको कन्वर्ट किया जाएगा। जनरली जैनिज्म में एक किताब है कल्पसूत्र, इफ यू आर अवेयर अबाउट कल्पसूत्र, इट वाज रिटन बाय भद्रबाहु, भद्रबाहु करके एक जैन सेंट हुआ करते थे, इन्होंने जो किताब लिखी थी पर्टिकुलरली उसके ऊपर से पेंटिंग्स बने थे। ठीक है, दूसरी एक और किताब है कल्काचार्य कथा, ये भी एक जैन स्कॉलर हुआ करते थे, इनके भी ऊपर से बेसिकली पेंटिंग्स बनते हैं, पत्थर के ऊपर लिखे जाते थे, पाम लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर बनाए जाते थे। ठीक है, इनकी खासियत क्या है कि इनकी जो आईज थी ना, आईज अगर आप देख पा रहे हो हियर इन दिस केस, तो तीर्थंकर को दर्शाया जाता था विथ अ फिश आईज, फिश आईज समझ में आता है। ठीक है, तो मछली की आंख होती है ना बेसिकली इस प्रकार की। ठीक है, तो आपने कोई इंसान को बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से आंखें दिखेगी, ये आप वर्बली मत देखेगा पर्टिकुलरली, बट आपको समझा रहा हूँ कि आपको इस प्रकार की फिश बल्जिंग आइज मिलेगी, समझे आप लोग। ठीक है, तो ये इस प्रकार की आइज मिलेगी। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो ये अभ्रंश आर्किटेक्चर, ये अभ्रंश पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा पेंटिंग्स आपका था कश्मीर का, कश्मीर में बेसिकली बिलहान करके एक स्कॉलर थे, बेसिकली बिलहान लेटर ऑन केम इन द कोर्ट ऑफ द चालुक्यस इन द 11th सेंचुरी, मतलब ये 12th सेंचुरी की बात है, 11th 12th सेंचुरी के बीच की बात है, और कहते हैं कि इन्होंने एक किताब लिखी थी चारू पंचसिका, चारू पंचसिका एक चित्र वार्ता थी, इट वॉज अ काइंड ऑफ लव पोएट्री विच वॉज हैविंग पेंटिंग्स एंड द स्टोरी। ठीक है, तो पेंटिंग्स प्लस स्टोरी का मिक्सचर था, लंबी कहानी है, बट आपको ये पता होनी चाहिए चारुपंचिका किसने लिखी थी, कश्मीर के दौरान लिखी थी। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मिडिवल इंडिया में चले जाते हैं। मिडिवल इंडिया मैंने आपको बताया कैसे शुरू हुआ, 1192 में जब घोरी आया, घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 के अंदर इन द ईयर 1206 ही एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत, और इस तरह से दिल्ली सुल्तान जो भी थे उनके दौरान पेंटिंग बनते हैं। 1506 से लेके 1526 तक दिल्ली के सुल्तान के दौरान पेंटिंग्स बने। उसके बाद पर्टिकुलरली यू फाइंड कि मुगल्स आए 1526 से लेके 1707 तक, उसके दौरान पेंटिंग्स बने। अब जब मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ 1707 ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद राजस्थान के अंदर पेंटिंग्स बनेंगे इन द 18th सेंचुरी तक आते आते राजस्थान और पहाड़, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे दिल्ली के बाद आपको पहाड़ी विस्तार के अंदर पेंटिंग मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ राजस्थान वाले रीजन में पेंटिंग मिलेंगे जो 18 सेंचुरी में बने, और उसके साथ साथ आपको नीचे डेक्कन के अंदर पेंटिंग्स मिल जाएंगे, खास करके दक्कनी सुल्तान जो हमने आर्किटेक्चर के अंदर भी अभी पढ़ा, और इंक्लूडिंग विजयनगर जो है, जो एक डायनेस्टी के रूप में उभर के आया था, उनके दौरान भी पेंटिंग्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिडिवल इंडिया के पेंटिंग्स पता होने चाहिए, इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके पहले समझाता हूँ कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनके दौरान दो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स मिलेंगे। दिल्ली के सुल्तान जब रूल करते थे उनके दौरान दो प्रकार के पेंटिंग्स बने, यहाँ दक्कन के सुल्तान्स ने बनाए, दक्कनी सुल्तान्स जो आदिलशाही कुतुबशाही जो वंश था उन्होंने बनाए, और दूसरा यहाँ पे विजयनगर ने पेंटिंग्स बनाए। ठीक है, ये सबके सब बेसिकली मिडिवल इंडिया में सबसे फर्स्ट पार्ट में पेंटिंग बनते हैं। ठीक है, तो विजयनगर और दिल्ली के सुल्तान्स के पेंटिंग दोनों कंटेम्प्रेरी होंगे, मतलब आगे पीछे का दौरान आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मुगल्स, और मुगल्स के बाद राजस्थानी पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये और ये दोनों साथ में थे। उसके बाद तीसरा मुगल्स था और चौथा राजस्थानी और पहाड़ी आर्ट था। ये पेंटिंग्स का फर्दर डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से पेंटिंग्स का आगे डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स दोस्त, 5 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। मुझे आज पेंटिंग कंप्लीट करना है, तो हम लोग पूरा पेंटिंग के टॉपिक को कंप्लीट करके ही उठेंगे। एक छोटा सा 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक ले लेते हैं, पानी भर के आ जाता हूँ मैं, और वापस आपको मिलता हूँ पर्टिकुलर टू डिस्कस ऑन द वेरियस टॉपिक्स ऑफ मिडिवल पेंटिंग्स, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न पेंटिंग्स को भी डिस्कस करेंगे, और हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ऑफ द वेरियस टॉपिक्स अदर देन द फोक पेंटिंग्स एंड द अदर टाइप्स ऑफ पेंटिंग एज वेल। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं,
लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड लेट अस वंस अगेन मीट आफ्टर 5 मिनट्स. हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेके मिलते हैं. लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड लेट अस वंस अगेन मीट. ठीक है, तो एक वाटर ब्रेक के बाद हम लोग वापस मिलते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वापस मिल गए हैं और लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम. हम लोग बात कर रहे थे आर्किटेक्चर के बारे में एंड सॉरी पेंटिंग्स के बारे में, और पेंटिंग्स के अंदर मैंने आपको मिडिवल एरा के पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था. अब लेट अस प्रोसीड फर्दर. मिडिवल एरा में पेंटिंग्स दिल्ली के सुल्तान और ये विजयनगर और दक्कनी स्टाइल्स में क्या बने. ठीक है, अब दिल्ली के सुल्तान के अंदर जो जो खासियत थी पर्टिकुलरली, उसमें आपको मिनिएचर पेंटिंग्स मिलेंगे. याद रखिएगा, मिनिएचर पेंटिंग्स मिलेंगे. और ये मिनिएचर पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि ये सब इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स थे. इलस्ट्रेटेड पेंटिंग का मतलब ये होता है पर्टिकुलरली कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्टोरीज हुआ करती थी, ये स्टोरीज के साथ साथ आपको पेंटिंग मिलेगा. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ वार्ताएं लिखी गई है पर्शियन में, और बीच में आपको छोटे छोटे पेंटिंग मिल जाएंगे. दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर आर्ट फॉर्म. ये मिनिएचर आर्ट फॉर्म में मिलेंगे. जैसे एक पेंटिंग का किताब का नाम है जिसका नाम है नियमतनामा, दिख रहा है आपको? ठीक है, नियमतनामा करके जो किताब है वो बुक ऑफ कुकरी है.
एंड इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग दी नासिर शाह हू वाज़ टू रूल ओवर मंडू. मंडू के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अशरफी महल हुआ करता था बेसिकली. फिर अभी हमने पेवेलियन भी एक देखा, रूपमती पेवेलियन, ये बेसिकली मंडू के रूलर्स हुआ करते थे जिन्होंने आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया. इनका ही कंट्रीब्यूशन आपको पेंटिंग्स के अंदर भी मिलेगा, ठीक है. तो नीमत नमा करके किताब है, इट्स इज अ बुक ऑन कुकरी विच वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ नासिर शाह. ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग के स्टाइल के रूप में पता होनी चाहिए. दिस इज हाउ द पेंटिंग डेवलप्ड इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड, पर्टिकुलरली जो मंडू के अंदर बनता है, ठीक है. दूसरा, दिल्ली के जो बड़े सुल्तान थे ना, पर्टिकुलरली ये वाले सुल्तान अपने, ये दिल्ली के सुल्तान में हमने पांच डायनेस्टी पढ़ी थी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव के बाद आपने खिलजी डायनेस्टी पढ़ी थी, खिलजी के बाद हमने पढ़ी थी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद जो लोधी डायनेस्टी थी. इनका कहीं पे पेंटिंग में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, इनका कोई पेंटिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, एंड बिकॉज दे डिड नॉट हैड मच ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द पेंटिंग्स, तो उनको हम लोग ज्यादा याद नहीं रखते हैं, ठीक है. तो वो टाइम पास वाला है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विजयनगर और दखनी सुल्तान में क्या पेंटिंग बने. और विजयनगर में जो राजा थे, पर्टिकुलरली विजयनगर के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार डायनेस्टी रूल करेगी. सबसे पहले संगम डायनेस्टी, संगम के बाद सुलवा डायनेस्टी, सुलवा के बाद तुलवा डायनेस्टी, और तुलवा डायनेस्टी के बाद अराईवेडू डायनेस्टी, अराईवेडू डायनेस्टी पर्टिकुलरली. ये बेसिकली जो चारों के चारों डायनेस्टी रूल करती है, इनके दौरान जो तुलवा डायनेस्टी थी उसमें कृष्णदेव राय करके बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे. उस दौरान बेसिकली बहुत सारे आपके हम्पी और इन सब के मॉन्यूमेंट्स बने. तो उसमें बेसिकली आपको एक टेम्पल मिलेगा जिसका नाम है लेपाक्षी टेम्पल, ठीक है. ये लेपाक्षी के टेम्पल के ऊपर आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगे, जिसे हम लोग लेपाक्षी वॉल पेंटिंग्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लेपाक्षी वॉल पेंटिंग्स आर नोन फॉर दी विजयनगर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, जो मंदिरों की दीवार के ऊपर बनाया जाता था, पर्टिकुलरली इन द विजयनगर पीरियड ओनली, ठीक है. सो वी सी इन द विजयनगर पीरियड द पेंटिंग्स वर डेवलप्ड ऑन द वॉल्स, और वो वॉल्स के ऊपर बेसिकली पेंटिंग करते थे. और ये सेक्युलर पेंटिंग की खासियत थी, याद रखिएगा, दे वर द एग्जाम्पल ऑफ द सेक्युलर पेंटिंग्स विच वर बेसिकली बिल्ट इन द विजयनगर पीरियड ओनली, ठीक है. तो इसकी भी एक खासियत आपको पता होनी चाहिए. दूसरा, आपको जो भी मिलेगा वो डेक्कन के अंदर मिलेगा. डेक्कन में मैंने आपको दखनी सल्तनत बताया, मैंने आपको दखनी सल्तनत के बारे में बताया. और ये दखनी सल्तनत जो हुआ करते थे, पर्टिकुलरली इनके दौरान भी बहुत सारे पेंटिंग मिलेंगे, जैसे बीजापुर करके जो किंग हुआ करते थे, आदिलशाही डायनेस्टी, उन्होंने बनाए. अहमदनगर गोलकुंडा के अंदर आपको निजामशाही कुतुबशाही मिलेगा, ठीक है. हैदराबाद के अंदर फिर जो जंग डायनेस्टी आएगी वो बनाएंगे पर्टिकुलर, ठीक है. इन सब के पेंटिंग की खासियत ये थी पर्टिकुलरली कि इन्होंने फ्लैट पेंटिंग्स बनाए थे. इफ़ यू कैन सी, ये 2D पेंटिंग्स आपको मिलेंगे. 2D पेंटिंग्स का मतलब है कि थर्ड डायमेंशन तो आपको नहीं मिलेगा. ये भी बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट बेस्ड है. मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब ये होगा कि कभी कभी आप देखोगे तो कोई बुक में स्टोरी लिखी होगी और बुक की स्टोरी को पेंटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है. तो बहुत सारे किंग्स मिलेंगे जो बुक की स्टोरी को पेंटिंग्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो ये डेक्कन के अंदर पेंटिंग्स मिलेंगे इन द दखनी सल्तनत, जो पांच शाही डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर के साथ फाइट किया था, ठीक है. उसके बाद जो फर्दर पेंटिंग बना वो किसके दौरान बनता है? मुगल्स के दौरान. अब देखो, मुगल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल्स की पेंटिंग की खासियत क्या है याद रखेगा. इन द मुगल्स वी फाइंड द मेन पेंटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ मिनिएचर्स, और मिनिएचर सबसे पीक के ऊपर चला गया. पीक का मतलब है क्लाइमेक्स के ऊपर, ठीक है. सो इन द मिनिएचर पेंटिंग्स द मुगल आर्किटेक्ट, मुगल पेंटिंग्स रीच टू द पीक. और इन्होंने ना अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स की स्टाइल को दर्शाया. जैसे मुगल्स में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस मिलेगा, फिर आपको इंडियन इन्फ्लुएंस मिलेगा, फिर आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस मिलेगा. तो पेंटिंग में ना रीजनल वेरिएशन भी आएंगे, अलग अलग प्रकार के पर्शियन, इंडियन, यूरोपियन, अलग अलग जो भी इन्फ्लुएंस हुए पेंटिंग्स में, इसके लिए छोटे मोटे आपको पॉइंट मिलेंगे. ह्यूमन वर्शिप या आइडल वर्शिप थी नहीं, तो ज़्यादातर इन्होंने ना राजा के पेंटिंग्स बनाए, हंटिंग सीन्स दिखाए, राजा के जीवन में कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, जैसे वॉर हो गया, ठीक है, उन सबको दर्शाएंगे. और ज़्यादातर अगर आप देखोगे इलस्ट्रेटेड आर्ट होगा. इलस्ट्रेटेड आर्ट का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया बुक के अंदर कोई भी वार्ता होगी उसको पेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पेंटिंग. इट इज कॉल्ड एज द नैरेटिव आर्ट एज वेल. नैरेटिव आर्ट समझ में आता है कि पहले नरेशन में था, उसके बाद उसको पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है. तो ये पॉइंट आपको मिलेगा. बिकॉज ये बुक में अलग अलग वार्ताएं थी, वेन देर मल्टीपल बुक्स जो उस टाइम पे लिखी गई थी या पुराने टाइम के अंदर थी, इसके कारण आपको डाइवर्सिटी ऑफ थीम्स मिलेगी. बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंटिंग मिल जाएंगे जो अलग अलग किताबों के अंदर से लिए गए थे, ठीक है. तो ये भी पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलता है नैरेटिव आर्ट के अंदर,
ये आपको मुगल्स के पेंटिंग में पता होना चाहिए। अब मुगल्स में हमने आर्किटेक्चर में भी देखा सबसे पहले बेसिकली, तो हम लोग जब बाबर को देखते हैं तो बाबर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था पेंटिंग के अंदर। जो पेंटिंग का शुरुआत हुआ हुमायूं के अंदर हुआ, बाबर 1526 से लेके 1530 तक था, हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक, और उसके बाद 1555 में ये वापिस आता है हुमायूं, ईरान से वापिस आता है पर्टिकुलरली, तब वो पेंटिंग बनाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको मिलेगा अकबर, अकबर के दौरान सबसे क्लाइमेक्स में गया 1556 से लेके 1605 तक का पीरियड में सबसे मैक्सिमम पेंटिंग की स्टाइल बनी। अकबर के बाद मेनली अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा जहांगीर के दौरान, जहांगीर में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ 1605 से लेके 1628 के बीच में। जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के दौरान भी पेंटिंग के ज़्यादा आर्किटेक्चर में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि शाहजहां ने पेंटिंग में कम इंटरेस्ट लिया था, पर आर्किटेक्चर में उसने बहुत बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। और शाहजहां के बाद पर्टिकुलरली हम जब देखते हैं पर्टिकुलरली, तो औरंगजेब तक आते आते आपकी जो मुगल पेंटिंग्स है उसकी डिक्लाइन की शुरुआत होती रही 1658 से लेकर 1707 तक आते आते फाइनली ये लोग पेंटिंग्स के अंदर डिक्लाइन में चले जाते हैं। अब कैसे डिक्लाइन में जाएंगे उसको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। पहले आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे मुगल पेंटिंग्स की शुरुआत होती है और किस तरह से फर्दर डेवलपमेंट इन पेंटिंग चलता है। अब देखिए, मुगल्स ने ज़्यादातर, मैंने आपको बताया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने बहुत सारा पेंटिंग्स बनाया, और जनरली आपके हंटिंग सीन्स थे, सोशल लाइफ के सीन्स थे, उनके कोर्ट के सीन्स थे, इस प्रकार के मिलेंगे। और जैसे अगर आप देख रहे हो तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जो मुगल्स के बिलोंग करता है, पर्टिकुलरली के उनकी सोशल लाइफ को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से पॉइंट आपको मिलता रहेगा। मुगल्स ने काफ़ी पेट्रोनाइज किया पेंटिंग को अलग अलग रूप में, हिस्टोरिकल अकाउंट्स है, पोएट्री है, उन सबको इंक्लूड करके इन्होंने पेंटिंग्स बनाए थे, ठीक है। तो एट टाइम्स ये पेंटिंग्स को बहुत ही कम लोग देख पाते थे, और ये लोग कभी कभी और राजाओं को एक्सचेंज के अंदर, गिफ्ट के अंदर भी दिया करते थे, ठीक है। अब कैसे कैसे बने, याद रखेगा कि बाबर के दौरान तो ज़्यादा कुछ पेंटिंग्स बनते नहीं है। इन द पीरियड ऑफ बाबर वी डू नॉट फाइंड द मच डेवलपमेंट इन पेंटिंग, बट बाबर के बाद पोस्ट बाबर वी फाइंड पेंटिंग की शुरुआत होगी। बाबर में एक पॉइंट याद रखेगा कि एक आर्टिस्ट हुआ करता था उसके कोर्ट के अंदर जिसका नाम था बीजाद, उसके दौरान थोड़े बहुत पेंटिंग्स बनते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हुमायूं। अब देखो हुमायूं की खासियत क्या है, हुमायूं पर्शिया में चला जाता है आफ्टर गॉट डिफिटेड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 में उसको कन्नौज के अंदर हरा देगा। कहाँ पे हराएगा, याद रखेगा कन्नौज के अंदर। सो व्हेन हुमायूं गॉट लॉस्ट इन द शेरशाह सूरी एट द बैटल ऑफ कन्नौज, तो वो भाग जाता है ईरान, तो वो ईरान चला गया। और ईरान के अंदर वो बेसिकली, हम लोग थोड़ा मैपिंग कर देते हैं, हुमायूं बेसिकली यहाँ पे कन्नौज में हार जाता है, ही लॉस्ट एट द कन्नौज। कन्नौज में हारने के बाद वो चला गया ईरान के अंदर, और ईरान में जब रह रहा था तो ईरान का जो राजा था शाह, उससे वो काफ़ी सारा पेंटिंग का सीखा था। तो वो जब इंडिया में वापस आया, हुमायूं 1555 में वापस आता है इंडिया के अंदर, खैर उसका मृत्यु हो गया, उसके बाद वो लाइब्रेरी की सीढ़ी के अंदर गिर जाता है, ठीक है। सो इट इज सेड दैट ही केम टू इंडिया इन द ईयर 1555, और 1555 में जब वापस आता है हुमायूं पर्टिकुलरली, तो उसने पेंटर्स लेके आया था ईरान से। तो इट इज सेड कि व्हेन ही केम बैक टुवर्ड्स दिल्ली, जब वो दिल्ली में वापस आया ईरान से, तो पेंटर्स लेके आया, दो पेंटर्स को लेके आया पर्टिकुलरली, अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली। अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली वर द टू पेंटर्स दैट वर ब्रॉट बाय हुमायूं टू द कोर्ट ऑफ दिल्ली, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स की शुरुआत होता ही है फिर से इन द कोर्ट ऑफ द मुगल्स, ठीक है। इलस्ट्रेटेड पेंटिंग का मतलब है बुक के अंदर से पेंटिंग बनना, बुक से जो भी पेंटिंग्स बनते थे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलस्ट्रेटेड टाइप्स ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के पेंटिंग हुमायूं के दौरान बनने की शुरुआत हुई। हुमायूं के बाद अकबर को सबसे ज़्यादा पेंटिंग मजा आई, क्यों, क्योंकि अकबर का टीचर हुआ करता था मेनली। अगर आप देखोगे मीर सैयद अली टॉट अकबर ऑफ द पेंटिंग स्टाइल्स, और इसके कारण अकबर ने एक पूरा पेंटिंग का डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया, उसका नाम था तस्वीर खाना, ठीक है। वो पूरे इंडिया से पेंटर्स को बुलाता था, तो उसके कोर्ट के अंदर क्या हो गया, इंडियन पेंटर्स भी आए, पर्शियन पेंटर्स तो हुआ ही करते थे, पर्शियन पेंटर्स तो पहले से हुआ करते थे, तो इसके कारण क्या होगा कि पेंटिंग में वैरायटी आई, तो वी फाइंड वैरायटी इन पेंटिंग। अब भारत के लोग क्या थे कि अपने जो मेले थे, अपने जो त्यौहार थे, अपने जो रीति रिवाज थे इंडिया के, उन सबको मुगल कोर्ट के अंदर उन्होंने डिपिक किया, ठीक है। सो व्हेन द इंडियन पेंटर्स वर इन्वाइटेड, न्यू डिजाइन स्टार्टेड इन द मुगल कोर्ट, और उसके कारण एक नया ही पॉइंट मिलेगा। इनफैक्ट मुगल के कोर्ट में बाय दिस पीरियड वी फाइंड द 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट समझ में आता है आपको, ठीक है। तो ये जो 3D इफेक्ट है ना, बॉक्स वाला इमेज हम लोग कहते हैं, ये जो थर्ड डायमेंशन जो है वो शुरुआत हो गई। इसके पहले कैसा हुआ करता था, 2D पेंटिंग्स हुआ करता था, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट ये फेमस पेंटिंग है जो अकबर का है, जिसका नाम है तीतुनामा,
टीचुरामा रामा इज अ फेमस पेंटिंग बेसिकली दैट बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ अकबर ओगली. ये अकबर के दौरान था, ये मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड पेंटिंग था, मतलब किताबों के अंदर से लिखने वाला पेंटिंग आपको मिलेगा, ठीक है, 3D इफेक्ट वाला पेंटिंग भी मिलता रहेगा. इनफैक्ट अकबर के पेंटिंग्स के बारे में अबू फजल हमको बहुत बताता है. अबू फजल कहता है कि हमारे राजा को पेंटिंग का बहुत शौक था, शौक बड़ी चीज़ है, तो हमारे राजा को बहुत बड़ा पेंट था, पेंटिंग का शौक था. अबू फजल ने ऐन अकबरी के अंदर ये सब बातें बताई है, ठीक है, तो अकबर का याद रहेगा साहब आपको, ठीक है. अकबर के बाद फर्दर डेवलपमेंट हुआ जहांगीर का. अब देखो, जहांगीर की शादी आपकी नूर जहां से हुआ था, और कहते हैं कि नूर जहां का पावर ज्यादा था जहांगीर से, और उसके कारण जहांगीर पूरी जीवन में कोहरा ही कोहरा था. तो बिकॉज उसके जीवन में कोहरा ही कोहरा था, तो ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर. वो पेंटिंग करता रहता था, पूरा दिन उसका उसमें निकल जाता था, ठीक है. तो उसने ना बहुत सारे पेंटर्स को पेट्रोनाइज किया. इनफैक्ट एक उस्ताद मंसूर करके पेंटर हुआ करते थे, क्या नाम था, उस्ताद मंसूर करके एक पेंटर हुआ करते थे, ही वॉज वेरी फेमस पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर. उसने ना बहुत सारे नेचुरल पेंटिंग्स बनाए. अब देखो, जहांगीर क्या था, वो लाइव पेंटिंग्स करता था, तो वो बाहर चला गया, उसने अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स बनाए. उसने कहा कि किताबों के पेंटिंग्स बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो उसके दौरान क्या हो गया कि आपके लाइव पेंटिंग्स बनेंगे, मतलब वो बाहर जाएगा, फ्लोरा फौना को, पेड़ पौधे, खेत खलिया, बाग बगीचे को कैप्चर करेगा, जानवरों को कैप्चर करेगा, ठीक है, ट्रीज एंड फ्लावर्स को कैप्चर करेगा. और उसके दौरान आपके पोर्ट्रेट पेंटिंग की शुरुआत हो गई. इफ यू कैन सी ओवर हियर, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग. ये जो है, ये पोर्ट्रेट पेंटिंग का एग्जाम्पल है, जहाँ पे साइड प्रोफाइल के अंदर आपको पेंटिंग्स मिलेंगे, ठीक है. तो इस तरह से मुगल पेंटिंग्स है, उसमें आपको एक नई ही स्टाइल मिलेगी, और इस तरह से मुगल पेंटिंग्स की शुरुआत हुई. जनरली अगर आप देखोगे तो आपको साइड प्रोफाइल मिलेंगे मुगल पेंटिंग्स के अंदर, आंखें जो है वो आपको बल्जिंग आइज मिलेगी, ठीक है. तो मैंने अभी आपको जैन पेंटिंग में बताया. एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल क्लॉथ के अंदर मिलेंगे, और मुगल्स अपने आप को फेयर शेड वाले मानते थे, तो इसके लिए ये जो राजा था, ये राजा को काफी गोरा दिखाते थे, ठीक है. तो काइंड ऑफ आपको इस प्रकार के पेंटिंग्स मिलते रहेंगे, इंक्लूडिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राजा के आजू बाजू में हेलो भी बना दिया गया है, ठीक है. तो ये भी पॉइंट मिलेंगे. जहांगीर के टाइम के अंदर आपको ये जेबरा का पेंटिंग मिलेगा, ठीक है. अब देखो, ये जेबरा मुगल्स के दौरान कब आया, कैसे आया, ये बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि जेबरा ट्रेडिशनली इंडिया में कब पाया जाता था, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है, मुझे जरूर से बताइएगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेंटिंग दैट बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, और कहते हैं कि शायद मुगल्स लेके आए होंगे कहीं से, या कहीं से मंगवाया होगा. एक टर्की मिलता है, बेसिकली कॉक मिलता है, मतलब ये चिकन जैसा ही होता है पर्टिकुलरली. ये भी आपके जहांगीर के बहुत सारे फेमस पेंटिंग्स है, ठीक है. जहांगीर में आपको नेचुरल पेंटिंग मिलेंगे, आपको पॉइंट पता होना चाहिए. जहांगीर के बाद शाहजहां आया. अब देखो, शाहजहां कब आया, तो 1628 से लेकर 1658 तक, 1628 से लेकर 1658 तक, उसके दौरान पर्टिकुलरली उसने गोल्ड का यूज बहुत किया. अब जितना गोल्ड का यूज करेगा, गोल्डन कलर्स का, बिकॉज द यूज ऑफ गोल्डन कलर्स इट रिड्यूस द लाइवलीनेस. पेंटिंग की जो लाइवलीनेस होती है, ये लाइवलीनेस को मार देता है, ठीक है. तो बिकॉज द पेंटिंग लाइवलीनेस गॉट डाउन, तो आपको है ना आर्टिफिशियल पेंटिंग्स मिलेंगे. मेनली यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत मिलता है, और इसने है ना बेसिकली गोल्डन कलर का काफ़ी यूज़ किया. शाहजहां का एक बहुत फेमस पेंटिंग है, जहां वो ग्लोब के ऊपर है. अगर आप देख रहे हो तो पूरा पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, मतलब समवॉट लाइक दिस. ये एक ग्लोब बना दिया, और उसके ऊपर राजा खुद खड़ा है, ऐसा पैर लगा के वो कह रहा है कि भाई देखो, मैंने पूरा दुनिया फतेह कर दी है. और उसके आजू बाजू में अगर आप देखोगे एंजल्स उसको है ना काइंड ऑफ उसके ऊपर वो फूल जड़ी बरसा रहे कि भाई तुम तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो, ठीक है. शाहजहां में एक और पॉइंट याद रखेगा कि उसने पेंसिल स्केच का यूज़ किया था. ही स्टार्टेड यूजिंग द स्केचिंग टेक्निक. और आपका स्कूल का जो बचपन है, काफ़ी लोगों का स्केचिंग के अंदर डर भी लगता होगा जब ड्राइंग का पीरियड आता था, जब क्लास आता था, कि सर हमको स्केचिंग नहीं आता है, क्या करेंगे, ठीक है. ये सब शाहजहां की बदौलत था. खैर, तो शाहजहां के दौरान आपको ये भी पॉइंट मिलेगा, ये भी आपको एक पेंटिंग की टाइप्स के अंदर पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ शाहजहां में. अब देखो, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया. औरंगजेब बहुत ही वो आर्किटेक्चर में भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है. वो 1658 से लेके 1707 तक रूल करता था. उसने ना ही आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया. मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का कोई आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इसके कारण ये पेंटिंग्स में भी नहीं करेगा. उसको लगता था कि पेंटिंग इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, उसको लगता था कि इट इज़ अन इस्लामिक, और इसके कारण उसने पेंटिंग को बंद करा दिया. तो जो तस्वीर खाना करके डिपार्टमेंट था ना, अभी हमने देखा क्या था, तस्वीर खाना विच वॉज अ डिपार्टमेंट ऑफ द पेंटिंग्स ओनली, ये तस्वीर खाना करके जो डिपार्टमेंट है वो बंद कर देता है. वो कहता है कि भाई इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. एंड बिकॉज ये जो तस्वीर खाना करके जो डिपार्टमेंट है उसने बंद कर दिया, तो उसके बाद वो जितने भी पेंटर्स थे उन सबको है ना घर पे भेज दिया. तो ऑल द पेंटर्स पर्टिकुलरली हुज़ टू स्टे इन दिल्ली, जो उस टाइम पे दिल्ली में रहा करते थे,
उनको घर पे भेज दिया, ठीक है। तो वी फाइंड कि कुछ कुछ पेंटर्स माइग्रेट हो गए राजस्थान में, कहाँ पे माइग्रेट हो गए राजस्थान में, कुछ कुछ पेंटर्स कहाँ चले गए साहब पहाड़ी विस्तार के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहते हैं कि उस टाइम पे जो रीजनल पेंटिंग्स की स्टाइल हुआ करती थी, रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, वो रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो आफ्टर द औरंगजेब पीरियड वी फाइंड द राजस्थानी पेंटिंग्स टू बी डेवलप, आपको कौन से मिलेंगे, राजस्थानी पेंटिंग्स टू बी डेवलप एंड वी ऑल्सो फाइंड द पहाड़ी पेंटिंग्स टू बी डेवलप, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स मिलेंगे, एक राजस्थानी आर्ट है एक पहाड़ी आर्ट है, इन दोनों के बारे में भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, इट यूज टू एग्जिस्ट इन द अर्लियर टाइम्स, बट ये प्रोमिनंस कब आए, दे केम इन टू प्रोमिनंस इन द 18th सेंचुरी। क्यों 18th सेंचुरी, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद इनको पेंटिंग के लिए एक अलग ही मौका मिल गया, तो मौके पे चौका मार दिया गया और इस प्रकार के आपको पेंटिंग मिलेंगे, ठीक है। राजस्थानी पहाड़ी दोनों पेंटिंग्स की स्टाइल आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसके कारण आपके नए नए टाइप ऑफ पेंटिंग बनेंगे। अब देखो मिडिवल पेंटिंग्स में हमने देख लिया कि साइड प्रोफाइल में पेंटिंग थे, ज्यादातर पेंटिंग थे वो इस प्रकार से मिलेंगे, ये भी साइड प्रोफाइल ही है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ये भी साइड प्रोफाइल का पेंटिंग है, ये फ्रंट फेसिंग नहीं है साइड फेसिंग है, जैसे मैं यूं खड़ा रहूंगा तो दिस इज नोन एज अ साइड प्रोफाइल, ठीक है। तो ये साइड प्रोफाइल आपको मिलेंगे पेंटिंग्स के अंदर, ये जो साइड प्रोफाइल के पेंटिंग्स है वो राजस्थानी पेंटिंग में भी चालू रहेंगे, इंक्लूडिंग पॉइंटेड नोज मिलेगा बहुत सारे पेंटिंग्स के अंदर। जो भी वुमेन है पर्टिकुलरली वो स्लिम वेस्ट वाली दिखेगी, और कृष्णा आपको बहुत मिलेंगे इन द राजस्थानी पेंटिंग एंड द पहाड़ी पेंटिंग, आपको कृष्णा मिलेंगे, ठीक है। अब कृष्णा जनरली हमेशा देखेगा ब्लू कलर के ही मिलेंगे, सो बेसिकली कृष्णा इज सिम्बोलाइज इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर इन मेजोरिटी ऑफ द पेंटिंग्स, ये भी एक खासियत हुआ करती थी। राजस्थान के जो पेंटिंग्स में थे उसमें ब्राउन कलर यूज किया गया है फॉर द स्किन शेड, जनरली मुगल्स ने जो स्किन शेड के अंदर कलर यूज किया था कैसा यूज किया था, दैट वॉज समवॉट काइंड ऑफ व्हाइट कलर, और मैं कहूंगा जो फेयर शेड था वैसा फेयर एंड लवली वाला शेड था, ठीक है। तो ये पॉइंट से भी हमको समझ में आता है कि जो पेंटिंग्स का वेरिएशन था, ये पेंटिंग्स में जो राजस्थानी पेंटिंग्स बने उसमें आपको अलग प्रकार का वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर कैसे कैसे पेंटिंग्स बने आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब राजस्थान में जो पेंटिंग्स बनते हैं वो सब रीजनल स्टेट्स ने बनाए थे, और ज्यादातर जो रीजनल स्टेट्स थे पर्टिकुलरली दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, राजस्थान के शासक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे, इन्होंने अपने अपने पेंटिंग बनाए, उसके कारण क्या हुआ कि मुगल इन्फ्लुएंस मिलेगा। तो राजस्थानी पेंटिंग में याद रखेगा वी फाइंड द मुगल इन्फ्लुएंस ऑन द पेंटिंग, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आपको जो पोएट्री माइथोलॉजी जो रिलीजन है उसके भी पेंटिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेवाड़ जोधपुर बूंदी कोटा किशनगढ़ ये जितनी भी जगह है पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको राजस्थान के रीजनल पेंटिंग मिलते हैं। यहाँ राजस्थान के पेंटिंग की थीम याद रखेगा, ये थीम के अंदर आपको रिलीजियस पेंटिंग भी मिलेंगे, रिलीजियस के साथ साथ राजस्थान की जो फोक स्टोरीज है ना, फोक स्टोरीज जो भी बेसिकली लोगों की वार्ताएं हैं उनकी जो कहानियां हैं राजा की वो भी मिलेगी, आपको कोर्ट सीन्स भी मिल जाएंगे, और ये पेंटिंग में आपको मिनिएचर भी मिलते हैं राजस्थान के अंदर, और आपको म्यूरल्स भी मिलेंगे। म्यूरल्स क्यों मिलेंगे, क्योंकि इनके जो राजा थे इन्होंने जो महल बनाए हैं उनके महलों की दीवारों के ऊपर भी आपको पेंटिंग मिल जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के पेंटिंग्स के बारे में आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए। अब राजस्थान में कहाँ कहाँ पेंटिंग्स बने, तो मैंने आपको बताया जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ वाला जो रीजन है वहाँ पे बनेंगे, और मेनली खासियत ये है कि इंडिजिनस आर्ट था जिसमें थोड़ा बहुत मुगल इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, तो लोकल इन्फ्लुएंस प्लस मुगल इन्फ्लुएंस ये सबका पॉइंट मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई कहता है कि ये राणा प्रताप का शायद पेंटिंग है, जहाँ पे राणा प्रताप चेतक के साथ है पर्टिकुलरली अपने घोड़े के साथ, इस प्रकार का पेंटिंग भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब मेवाड़ की खासियत क्या है याद रखिएगा, मेवाड़ में उदयपुर के अंदर आपको बहुत पेंटिंग्स मिलेंगे, और वहाँ पे बेसिकली आपकी जो किताबें हैं पर्टिकुलरली हिंदू लिटरेचर की जो किताबें हैं जैसे भगवत पुराण हो गया रामायण हो गया उन सब के आधार के ऊपर पेंटिंग्स बनते थे पर्टिकुलरली। वी ऑल्सो फाइंड द सिटी व्यूज जो उस दौरान बनाए जाते थे जो कोर्ट के अंदर बनते थे, तो आपके जो राजस्थान के अंदर जैसे अगर आपने सिटी पैलेस देखा होगा उदयपुर के अंदर, तो वहाँ पे आपको म्यूरल मिलते हैं बड़े बड़े म्यूरल्स, म्यूरल्स का मतलब है जो वॉल के ऊपर पेंटिंग किए जाते थे, वहाँ पे आपको हल्दी घाटी के पेंटिंग्स भी मिल जाएंगे। हल्दी घाटी क्यों, क्योंकि हल्दी घाटी वॉज द प्लेस जहाँ पे राजस्थान के जो रूलर थे राणा प्रताप
और उनकी लड़ाई होती है पर्टिकुलरली अकबर के साथ, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मिलेंगे और भी आपको रिलीजियस टेक्स्ट से भी किताबें मिलती रहेगी। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर है। दूसरा आपको किशनगढ़ का पेंटिंग मिलेगा, किशनगढ़ पेंटिंग इज वेरी फेमस। इनफैक्ट यहाँ पे एक बनी ठनी करके पेंटिंग है, वेरी फेमस पेंटिंग, ये किशनगढ़ का है, निहाल चंद करके एक पेंटर था, उन्होंने बनाया था। और कहते हैं कि ये राधा को दर्शाने की कोशिश की गई थी। मेनली पेंटिंग्स जो राजस्थान के अंदर बने उसमें राधा कृष्ण का इंपॉर्टेंस बहुत था, तो वी फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ राधा कृष्ण इन द पेंटिंग्स एज वेल। साइड प्रोफाइल में ही है, आपको पॉइंटेड नोज और पॉइंटेड फीचर्स मिलेंगे। इनफैक्ट इनकी जो आंखें हैं वो लोटस पेटल आईज है, अगर आप देख रहे होंगे लोटस पेटल आईज आपको इसके अंदर से मिलती है, ये भी आपको एक अलग पॉइंट दर्शाता है। किशनगढ़ के बाद जो तीसरा बना बूंदी के अंदर, बूंदी इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इसको बेसिकली बूंदी और कोटा के अंदर बनता है और ये रीजन को हदौती रीजन कहते हैं, तो इसके लिए दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है, दैट इज नोन एज हदौती पेंटिंग्स, याद रखेगा। बिकॉज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान तो आपको लोकल वेजिटेशन भी मिलता है, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ह्यूमन फेस जो है कैसा है, राउंड है। मेनली अगर आप देखोगे तो किशनगढ़ के अंदर जो फेस कैसा है वो पॉइंटेड है, अगर आप देखोगे किशनगढ़ में इस प्रकार का आपको पॉइंटेड मिलेगा, ठीक है। तो वी फाइंड पॉइंटेड इमेजेस इन द किशनगढ़, वी फाइंड द पॉइंटेड इमेजेस इन द किशनगढ़, आपको इस प्रकार के पॉइंटेड इमेजेस मिल जाते हैं पर्टिकुलरली इन द किशनगढ़ पेंटिंग्स, तो इस प्रकार के आपको पॉइंटेड मिलेगी। वेर एस बूंदी के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो गोल है, पर्टिकुलर इट इज काइंड ऑफ राउंड, तो इसके कारण आपको एक अलग पॉइंट मिलती रहती है। ग्रीनरी का काफ़ी यूज होता है। उसके बाद अंबर और जयपुर जो आमेड वाला किला है पर्टिकुलरली, अब इनके जो राजा थे वो मुगल्स के काफ़ी मित्र हुआ करते थे और इसी के कारण मेनली यू फाइंड कि यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स बनता है उसमें मुगल इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा। तो इन दिस स्कूल, इन दिस राजस्थानी पेंटिंग्स वी फाइंड द स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस, और मेनली आमेड के अंदर जो ट्रेडिशनल जो कपड़े हुआ करते थे उनके राजा पहनते थे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर, और मुगल किंग्स के जैसा ही आपको थोड़ा बहुत सिमिलर दिखेगा, ठीक है। तो ये भी खासियत आपको इसके अंदर से मिलती है। इसको धुंधार स्कूल भी पहचाना जाता है, याद रखिएगा। धुंधार मतलब जो जयपुर वाला रीजन है वही हम लोग धुंधार स्कूल के रूप में भी पहचानते हैं। सवाई प्रताप सिंह करके बेसिकली एक किंग हुआ करते थे, उन्होंने सूरत खाना करके एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। ये चीज़ दर्शाता है कि अकबर ने जैसे तस्वीर खाना बनाया था वैसा ही पॉइंट इनका बनाने का एक मोटिव था, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि भाई कौन सी स्कूल्स के अंदर डेवलपमेंट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मारवाड़ के अंदर बनता है, मारवाड़ में बेसिकली जोधपुर बीकानेर जहाँ पे राठौड़ जो सिसोदिया जो थे वो रूल किया करते थे, इनकी खासियत में भी यही मिलेगा आपको कि जो मुगल इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी आपको डेवलपमेंट मिलता रहेगा। एंड वी फाइंड द पेंटिंग्स ऑफ द पंचतंत्र और द पुराण जो शिवजी के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये भी आपको मुगल इन्फ्लुएंस के साथ ही मिलता रहेगा। आपको कलरफुल क्लॉथिंग मिलेंगे इसके अंदर, और आपको मेनली अगर आप देखेगा तो ट्रेडिशनल क्लॉथिंग के अंदर साइड प्रोफाइल में ही लोग मिलेंगे, मोर बोर के साथ इमेजेस मिल जाते हैं। वी फाइंड द पिकॉक्स एंड द नेचुरल एनिमल्स विच वर ऑल्सो पोर्ट्रेड एज अ पार्ट ऑफ द मारवाड़ स्कूल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के अंदर जो राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बने और मुगल्स के अंदर जो पेंटिंग्स बना उसके बीच में अंतर क्या है, याद रखेगा, ठीक है। तो थीम्स इनके अंदर रिलीजियस थीम हुआ करती थी, इनके अंदर नॉन रिलीजियस थीम हुआ करती थी, ठीक है। मेन पेंटिंग्स के अंदर रिलीजन का प्रभाव तो था बट लिटल बिट ऑफ आपको नॉन रिलीजियस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये 18th सेंचुरी में प्रोविंशंस के ऊपर आए, मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो आते हैं ये 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में प्रोमिनेंस के ऊपर आएंगे। अकबर के दौरान राजस्थान के जो पेंटिंग्स हैं वो म्यूरल्स के रूप में भी बने और मिनिएचर के रूप में भी बनते हैं, वेरस मुगल्स के जो पेंटिंग्स हैं वो कैसे बनते हैं। मुगल पेंटिंग्स की खासियत ये होती है कि इनके ज़्यादातर पेंटिंग मिनिएचर के रूप में ही बनते हैं। पिक्युलरिटीज़ मैंने आपको बहुत ही डिटेल के अंदर समझा दिया है, प्लीज़ रिफर टू द प्रीवियस स्लाइड्स, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए राजस्थान और मुगल स्टाइल्स के बीच में। अब मैंने आपको बताया कि 18th सेंचुरी में दो रीजनल स्टाइल्स आपकी बन के आई। पहली स्टाइल जो थी वो थी राजस्थानी स्टाइल। कैसे बनी तो मैंने आपको बताया कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जब औरंगजेब ने बंद कर दिया तो उसके बाद एक तो राजस्थान के अंदर स्कूल्स बनी। राजस्थान में हमने अभी देखा कि मेवाड़ स्कूल बनी, मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ स्कूल बना, फिर धुंधार स्कूल बना, ठीक है। ये अलग अलग टाइप ऑफ स्कूल्स बनेंगे। उसके साथ साथ आपको पहाड़ी स्कूल भी मिलेगा।
पहाड़ी स्कूल कहाँ पे बनता है याद रखेगा, तो ये तीन स्टेट्स के अंदर बना। द पहाड़ी स्कूल डेवलप्ड इन द थ्री रीजनल एरियाज, वो मोस्ट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तीन रीजन्स के अंदर आपको पहाड़ी पेंटिंग्स की शुरुआत होती है। ये तीन रीजन्स में कैसे प्रकार के पहाड़ी पेंटिंग्स बने उसको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहाड़ी पेंटिंग्स 18 सेंचुरी के आसपास बने, 17 सेंचुरी से शुरू हो गए थे। छोटे छोटे जो रजवाड़े थे उन्होंने बनाने की शुरुआत की थी। टोटल 22 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जो जम्मू से लेकर अल्मोड़ा तक रूल करते थे। जम्मू से अल्मोड़ा का मतलब ये होता है पर्टिकुलरली दिस आर द हिली एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है पर्टिकुलरली अप टिल दिस रीजन, ये जम्मू से अल्मोड़ा तक का जो रीजन है, ये जो जम्मू से अल्मोड़ा तक का रीजन है, राइट फ्रॉम जम्मू टू अल्मोड़ा, ये जो रीजन के अंदर आपको पेंटिंग मिलेंगे, आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बनाए। ठीक है, जम्मू में जो राजाओं ने बनाए पर्टिकुलरली डोगरा किंग्स लेटर ऑन बनाते हैं 19th सेंचुरी में, वो नॉर्दर्न सीरीज कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जो पेंटिंग्स बनते हैं वो साउदर्न सीरीज ऑफ पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि पुराना कौन सा है, उसके बाद नया कौन सा बना। ठीक है, तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में बनने शुरू हो गए वो है बशोली पेंटिंग्स। कौन से है? बशोली पेंटिंग्स। कहते हैं कि बशोली पेंटिंग्स 17th सेंचुरी में बने थे और रसमंजरी करके किताब है भानुदत्त की, वहां से बोरो करके आपको ये पेंटिंग्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 18th सेंचुरी तक आते आते जब नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया तो बहुत सारे पेंटर्स और पहाड़ों में शिफ्ट हो गए, उसके कारण आपको कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत होगी। ठीक है, तो कांगड़ा और बशोली में से सबसे ओल्ड कौन सा है याद रखेगा कि बशोली इज ओल्ड इन दी पेंटिंग स्टाइल्स और उसके बाद कांगड़ा बना। अब कांगड़ा की खासियत क्या है, यहाँ पे मिनिएचर बनेगा, आपको रिलीजियस पेंटिंग्स मिलेंगे, खास करके वैष्णव पेंटिंग्स। यहाँ पे भी आपको कृष्ण मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, रासलीला के रूप में आपको कृष्ण मिलते रहेंगे। ठीक है, ब्लू आईज ग्रीन कलर आपको मिलता रहेगा, ग्रीन कलर के पेंटिंग्स मिलते रहेंगे। ठीक है, बशोली 17th सेंचुरी, एज आई टोल्ड यू, लोटस पेटल की आईज थी, भानुदत्त की रसमंजरी, गीत गोविंदा ऑफ जयदेव, इस प्रकार से पेंटिंग्स बनते रहेंगे। आपको यहाँ पे भी कृष्ण कैसे मिलते हैं, ब्लू कलर के कृष्ण मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वेन वी सी दी पहाड़ी पेंटिंग्स बशोली, तो बशोली में आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कैसे पेंटिंग्स बने। बशोली के बाद आपको कांगड़ा मिलता है। बेसिकली मैंने आपको बताया कांगड़ा 18th सेंचुरी में बनता है। 18th सेंचुरी में राजा गोवर्धन सिंह के उन्होंने सबसे ज़्यादा पेट्रोनाइज किया। संसार संत करके एक पेंटर हुआ करते थे बहुत फेमस, इन्होंने भी जो किताबें थी हमारी रिलीजियस टेक्स्ट थी वहाँ से पेंटिंग्स बनाए थे। जनरली राधा कृष्ण के पेंटिंग्स आपको मिलेंगे, कुल्लू और मंडी वाले रीजन में भी मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पेंटिंग्स। आपको कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि पहाड़ी पेंटिंग्स कितने रीजन में फैले हुए थे, याद रखेगा यहाँ पे भी आपको कृष्ण साइड प्रोफाइल में ही मिलेंगे। उसके बाद तीसरे जो रीजनल पेंटिंग्स बनते हैं वो है रागमाला पेंटिंग्स। अब देखो रागमाला पेंटिंग्स याद रखेगा पूरे इंडिया के अंदर बनेंगे। पूरी इंडिया का मतलब ये होता है कि रागमाला पेंटिंग्स की खासियत ये है कि दे आर पेंटेड ऑन दी राग। अगर आपको थोड़ा बहुत क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जानकारी होगी तो इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक है मिडिवल इंडिया में काफ़ी बना, और जो हिंदुस्तानी म्यूजिक अगर आपको जानकारी होगी तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में टोटल 6 राग हैं, जो राग हिंडोर, राग भैरव, बेसिकली अगर आप राग मलकौस, ठीक है, राग दीपक, वो जब पेंट जब राग गाया जाता था तब बेसिकली पेंटिंग्स बनाए जाते थे। ठीक है, सो इट इज सेड कि जो राग की स्टोरी है जब राग गाया जाता था उसके ऊपर से पेंटिंग बनते थे पूरे इंडिया के अंदर। तो वी फाइंड रागमाला पेंटिंग्स विच आर बेस्ड ऑन द क्लासिकल म्यूजिक और पूरे इंडिया में मिलते हैं बेसिकली। तो यू फाइंड इन द राजपूत, यू फाइंड इन द पहाड़ी, यू फाइंड इन द डेक्कन, यू फाइंड इन द मुगल एज वेल। मुगल्स के बहुत सारे राजा थे, जैसे अकबर था तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ द ध्रुपद, और ध्रुपद बेसिकली अगर आप देखोगे इट्स अ फाइंड ऑफ अ क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो आपके जो भी राग थे पर्टिकुलरली वो राग के ऊपर पेंटिंग्स बने हैं। उसमें राजस्थान के रागमाला पेंटिंग्स बहुत फेमस है। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि किन किन लोगों को डेडिकेटेड थे, किन 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 राजाओं को डेडिकेटेड थे, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द रागमाला पेंटिंग्स, द टाइप्स एंड हाउ द ओरिजिन ऑफ द रागमाला पेंटिंग्स टुक प्लेस। ठीक है, ये रागमाला के पेंटिंग्स के अलग अलग टाइम है, जैसे ये हिंडोर राग है ये आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको दीपक राग मिलेगा, तो आपको अंधेरे का पेंटिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको तारा दिखता है, वी फाइंड द स्टार्स एज वेल। ठीक है, तो ये भी पेंटिंग की एक खासियत आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो पेंटिंग्स बने वो टूवर्ड्स मॉडर्न एज में बनते हैं। टूवर्ड्स मॉडर्न एज मतलब 18th सेंचुरी के आसपास, 18th सेंचुरी में जो पेंटिंग्स बने पर्टिकुलरली वो बेसिकली आपको मिलेंगे तांजोर पेंटिंग्स।
तांजोर पेंटिंग्स बहुत ही डेकोरेटिव पेंटिंग्स होते हैं, ग्लास के ऊपर करते हैं और विथ गोल्ड का कलर काफी यूज होगा। तो वी फाइंड कि मराठा रूलर्स जो बेसिकली लेटर टाइम्स में 18 सेंचुरी में अपना जब रजवाड़ा चला रहे थे, व्हेन दे वर रूलिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द डेक्कन एंड ऑल्सो इन द पर्टिकुलरली तमिल रीजन, वहां पे बेसिकली आपको ये तांजोर पेंटिंग मिलेंगे, बहुत ही गोल्ड मिलेगा और आपको राधा कृष्ण और कृष्ण की वार्ताएं आपको बहुत मिलती रहेगी, बाल गोपाल मिलते रहेंगे आपको, ठीक है, वी फाइंड कृष्ण, राधा कृष्ण, इन सब का भी आपको डेवलपमेंट मिलता रहेगा तांजोर पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। पता होना चाहिए कि किस प्रकार की कृष्ण स्माइलिंग पर्सपेक्टिव में मिलते रहते हैं। उसके साथ साथ मैसूर पेंटिंग्स बनते हैं, ये भी 18 सेंचुरी के आसपास के पेंटिंग्स है पर्टिकुलरली, और इसमें हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को दर्शाया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है पेंटिंग के अंदर, उसकी जो साइज होती है वो बेसिकली डोमिनेट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो साइज वेरी एज पर द थीम ऑफ द पेंटिंग, मतलब ये होगा कि अगर कोई मेन कैरेक्टर है तो मेन कैरेक्टर की जो साइज होगी वो ह्यूज होगी, उसको लार्ज बनाया जाएगा, एंड द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द पेंटिंग्स आर मेड स्मॉल, समझे आप लोग, ठीक है। ये लोग गैसो पेस्ट का यूज करते थे पेंटिंग के अंदर, तो क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे थोड़ा बहुत मेटल का, जिंक ऑक्साइड का यूज किया, गम का यूज किया और उसके बाद इस प्रकार के पेंटिंग्स बनाए, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई पावर के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी 18 सेंचुरी में आई, कब आई, 18 सेंचुरी के अंदर, एंड व्हेन द कंपनी केम टू पावर इन द 18 सेंचुरी उन्होंने मॉडर्न पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत की। ये कंपनी जो भी पेंटिंग्स आती है वो पेंटिंग की शुरुआत करती है, जिसे हम लोग कहते हैं कंपनी पेंटिंग्स या कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, समझे आप लोग, ठीक है। तो क्या किया कि कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आपको यूरोपियन इन्फ्लुएंस मिलेगा, यूरोपियन के साथ साथ इंडियन इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, क्योंकि भारत के लोकल पेंटर्स को भी इन्होंने हायर किया, इंक्लूडिंग मुगल्स के जो थोड़े बहुत पेंटर्स बाकी थे उन सबको हायर किया और उसके बाद अपने पेंटिंग बनाए, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी फाइंड मल्टीपल यूज ऑफ वाटर कलर्स, इस प्रकार की पॉइंट मिलेगी, और जहां जहां कंपनी उस टाइम पे रूल किया करती थी उन्होंने अपने पेंटिंग्स बनाए थे। 18 सेंचुरी के एंड में बनने की शुरुआत होती है, जैसे ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो कोई कहता है कि वेलेस्ली का है या कॉर्नवलिस का है, दिस इज काइंड ऑफ पेंटिंग विद डेडिकेटेड आइदर लॉर्ड कॉर्नवलिस और वेलेस्ली। इनफैक्ट मार्क वेलेस्ली जो सब्सिडरी अलायंस करता है, अगर आपको जानकारी होगी, उसने बहुत सारे पेंटर्स को पेट्रोनाइज किया था। एक और था लॉर्ड इम्पे वॉज द सुप्रीम कोर्ट जज, दिस सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये लॉर्ड इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है बाय लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने अपने पेंटिंग्स बनाए, कंपनी पेंटिंग्स की स्टाइल है उस दौरान। फिर लोकल पेंटिंग्स बनते हैं, जिसे एक को कहते हैं हम लोग बाजार पेंटिंग। देखो बाजार पेंटिंग की खासियत क्या है, पर्टिकुलरली बाजार पेंटिंग्स जो यूरोपियंस आए थे उनके दौरान इंडिया के अंदर जो डे टू डे लाइफ है उसको बनाया जाता था, खास करके बंगाल और बिहार वाले जो रीजन है वहां पे बनता है, और यूरोपियन आर्ट को डोमिनेट करता था ये जो पेंटिंग था। उसमें इनकी खासियत ये थी कि जो इंडिया के मार्केट्स हुआ करते थे उन सबको इन्होंने बनाया था विद द यूज ऑफ वाटर कलर्स एंड काइंड ऑफ 3D इफेक्ट देने की कोशिश की गई थी। जो डे टू डे बाजार है बंगाल बिहार के अंदर इनका रूल चलता था, वहां पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 19 सेंचुरी तक आते बाय द 19 सेंचुरी वी फाइंड राजा रवि वर्मा जैसे लोग आए। राजा रवि वर्मा ने बेसिकली जो इंडियन आर्ट है वो इंडियन पेंटिंग्स को, इंडियन आर्ट फॉर्म को रिवाइव किया। कहते हैं कि ही वॉज नोन एज द पर्सन हु रिवाइव्ड द इंडियन आर्ट फॉर्म्स, और इसी के कारण ही इज नोन एज द राफाल ऑफ द ईस्ट। अब देखो राफाल कौन था, तो राफाल यूज टू बी द पेंटर बिलोंग टू द रेनेसां पीरियड इन इटली फ्लोरेंस के अंदर, और कहा जाता है कि उन्होंने इंडियन आर्ट फॉर्म को रिवाइव किया और इन्होंने बहुत सारे पेंटर्स बनाए, बेसिकली बहुत सारे इन्होंने पेंटिंग बनाए। आज के हम लोग जो सरस्वती की इमेज देखते हैं वो भी इन्होंने बनाया है, इंक्लूडिंग जटायु का एक पेंटिंग इनका बहुत फेमस है, जटायु का एक स्कल्पचर भी मिलता है अगर आपको जानकारी होगी, इंक्लूडिंग इन्होंने एक और पेंटिंग बनाया था वेरी फेमस पेंटिंग, जिसका नाम है लेडी इन द मूनलाइट। क्या नाम है, लेडी इन द मूनलाइट, ये भी फेमस पेंटिंग है which was built during the period of the Raja Ravi Verma as well, ठीक है। तो we find multiple paintings which were built or I would say painted by Raja Ravi Verma, बहुत ही famous आपको मिलते रहेंगे Raja Ravi Verma का contribution। उसके बाद 20th century में चले जाते हैं, 20th century मतलब Indian National Movement की शुरुआत हो गई है, and it is said Indian National Movement में भारत के लोगों को लग रहा था कि हम भी कुछ तूफानी करते हैं, तो बंगाल के अंदर nationalist painting की शुरुआत होगी। बंगाल में जो nationalist painting की शुरुआत हो गई, ये नेशनलिस्ट पेंटिंग के रूप में अगर आप देखेगा
तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब होता है कि बंगाल के अंदर जो स्थानिक लोग थे, जो स्थानिक थिंकर्स थे हमारे, उन सबको लग रहा था कि भारत के लोगों को नींद से उठाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए, इसके लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत हो गई। ई वी हैवल हुआ करते थे, उन्होंने बेसिकली बंगाल में एक आर्ट स्कूल बनाया था और उनके दौरान उनका परिचय अभिन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से हुआ। अभिन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत माता का पेंटिंग बनाया था। इनफैक्ट ये भारत माता का पेंटिंग स्वदेशी मूवमेंट जब चलता है 1905 से लेके 1908 तक, फ्रॉम 1905 टू 1908, उसमें बहुत ही पॉपुलर होता है। मैं आपने स्वदेशी मूवमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंदलाल बोस थे, वो भी इनके शिष्य थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पेंटिंग्स बनाए। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर इज अ मल्टी डायनामिक पर्सनैलिटी, मतलब वो सुपर पर्सनैलिटी है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंटिंग के अंदर भी है। इन्होंने बेसिकली पेंटिंग जो थे अपने बुक्स के ऊपर से पेंटिंग बनाए थे और बहुत ही डार्क थीम पेंटिंग मिलेंगे। डार्क थीम का मतलब है कि इन्होंने ब्लैक कलर का और उसका काफ़ी यूज़ किया है। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ पोएट। इनफैक्ट इनका लिटरेचर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है बुक्स के अंदर। इनफैक्ट गीतांजलि, अगर आपको जानकारी होगी, गोरा, ये जो उपन्यास उनके बहुत फेमस है। इनफैक्ट नोबल भी मिला था इनको लिटरेचर के अंदर ही, इंक्लूडिंग इनका कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूजिक के अंदर भी है रविन्द्रनाथ टैगोर का, क्योंकि इन्होंने रविंद्र संगीत को पेट्रोनाइज किया था। किसको? रविंद्र संगीत। अब वॉट इज रविंद्र संगीत, याद रखेगा, रविंद्र संगीत इज अ काइंड ऑफ अ म्यूजिक जो रविन्द्रनाथ टैगोर उसको चलाते हैं। काफ़ी फेमस टाइप ऑफ म्यूजिक था बेसिकली, और इंक्लूडिंग इनका डांस फॉर्म में भी कंट्रीब्यूशन था। बेसिकली डांस में अगर आपको जानकारी होगी तो मणिपुरी करके जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म, उसको उन्होंने काफ़ी पेट्रोनाइज किया था। ठीक है, गुरुदेव के नाम से पहचाना जाता है, गुरुदेव इसके लिए क्योंकि गांधी जी ने उनको टाइटल दिया था। इस प्रकार का पॉइंट भी आपको मिलता रहेगा। इंक्लूडिंग इनकी जो संस्था थी शांति निकेतन, यू शुड नो शांति निकेतन, दैट वॉज द बॉडी और दैट वॉज एस्टैब्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर। खैर, तो इनका भी पेंटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, नंदलाल बोस का भी मिलेगा, ही वॉज वेरी फेमस पेंटर। इनफैक्ट नंदलाल बोस के भी पेंटिंग्स आपको बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के पेंटिंग्स याद रखिए, एक भारत माता, दूसरा अरेबियन नाइट्स। रविंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग मैंने आपको बता दिया, नंदलाल बोस के पेंटिंग कौन से थे? नंदलाल बोस का ये बहुत फेमस पेंटिंग है दांडी मार्च का। कौन सा फेमस पेंटिंग है? दांडी मार्च का। अगर आपको जानकारी होगी, गांधी जी दांडी मार्च में चलते हैं, इट वॉज सिक्स और आई वुड से पर्टिकुलरली 12th March 1930, 12 मार्च 1930 के दिन ये साबरमती आश्रम से चल जाते हैं इस तरह से। तो ये जो आउटलाइन वाला पेंटिंग है, ये जो आउटलाइन वाला पेंटिंग है, ओरिजिनली ये नंदलाल बोस ने बनाया था। नंदलाल बोस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पेंटिंग्स है वो भी ये बनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो पेंटिंग था वो बेसिकली आपको ये डार्क पेंटिंग इस प्रकार के बहुत मिलेंगे। नंदलाल बोस के पेंटिंग की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ओरिजिनल कॉपी, उसमें हर एक चैप्टर जब शुरू होगा, कोई भी चैप्टर शुरू होगा, कोई भी पार्ट होगा, पार्ट फोर, वहाँ पे जैसे ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो ये डीपीएससी को पोर्ट्रे करने के लिए इन्होंने ये अर्जुन और कृष्णा का पेंटिंग बनाया है। ठीक है, ये खाली ओरिजिनल कॉपी में मिलेगा, उसके बाद आगे की कॉपी के अंदर ये पेंटिंग्स नहीं मिलते हैं, तो फिर उसके बाद अब यूज़ नहीं होते हैं, बट ये पता होना चाहिए आपको नंदलाल बोस के बारे में। खैर, तो इतने पेंटर्स का नाम आपको याद रहना चाहिए। अदर देन दैट, आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पेंटिंग्स कैसे बने, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पेंटिंग कैसे बनेंगे, तो एक ग्रुप आएगा जिसका नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के तीन लीडर्स हुआ करते थे, या तीन फाउंडर्स हुआ करते थे। इन्होंने अपने अपने पेंटिंग्स बनाए फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स से। ठीक है, तो उसमें एक आपके थे एफएन सौजा। एफएन सौजा का नाम है फ्रांसिस न्यूटन सौजा पर्टिकुलरली। ये एफएन सौजा ने एक पेंटिंग बनाया है जिसका नाम है द लास्ट सफर। याद रखेगा, द लास्ट सफर ऐसे तो यूरोपियन पेंटिंग है, जो यूरोप के अंदर आपको जो कैथेड्रल है उसके अंदर मिलेगा, फ्लोरेंस के अंदर, बट ये जो लास्ट सपर है ये एफ एन सौजा ने, ये इंडियन लास्ट सपर है। ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़ा हुआ पेंटिंग है, ये भी मिलेगा। इनके दौरान इन्होंने काफी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बनाए, इन्होंने काफी सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का भी यूज किया है, ये भी पॉइंट आपको पेंटिंग के अंदर पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एम एफ हुसैन के पेंटिंग्स मिलेंगे। एम एफ हुसैन जो है मकबूल फिदा हुसैन पर्टिकुलरली, इनके पेंटिंग्स के बारे में भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, एस एस राजा है, सैयद हैदर राजा, इनका भी इंडियन इन्फ्लुएंस वाला आर्ट फॉर्म था, इंडिया की ट्रेडिशनल जो थियरी थी उसके साथ भी मिलेंगे। इसमें अदर पेंटर्स भी है, पर इसको अभी नहीं करा रहा हूँ। जो प्रोमिनेंट पेंटर्स है उसको लिखा देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है।
पूरा डिटेल में अगर पढ़ाने जाऊंगा तो पेंटिंग्स विल टेक अराउंड 4 to 5 hours, ठीक है, तो वो ज़्यादा निकाल देगा, हमारा तो मैराथन सेशन है। बट अगर आप चाहते हो कि पूरा आर्ट एंड कल्चर को कॉम्प्रिहेंसिव करना है तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप अनअकैडमी प्लस के कोर्स के ऊपर आइए। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ और वो है ना कि आपके दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगा, उस तरह से हम लोग करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखेंगे। खैर, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के रूप में। उसके बाद फिर लोकल पेंटिंग्स बने। अब देखो, लोकल पेंटिंग में फोक पेंटिंग्स बनेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने पेंटिंग्स के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स पढ़े और पेंटिंग्स में मैंने आपको 3 प्रकार के पेंटिंग्स बनाए। एक तो एंशियंट इंडिया के अंदर, एंशियंट के बाद हमने पढ़ा अर्ली मिडिवल, किसके अंदर, अर्ली मिडिवल के अंदर, अर्ली मिडिवल के बाद हमने पढ़ा मिडिवल के अंदर, ठीक है। मिडिवल के बाद हमने मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स को पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ पेंटिंग हमने कंप्लीट कर दिए है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जो लास्ट टाइप ऑफ पेंटिंग पढ़ रहे हैं वो है फोक पेंटिंग्स, ठीक है। फोक पेंटिंग्स की बेसिकली ओरिजिन कैसी होती है ये हमको पता नहीं होता है कि कितने पुराने हैं। कितने क्यों, क्योंकि कुछ कुछ पेंटिंग्स 200-300 साल पुराने होंगे, कुछ कुछ पेंटिंग्स अगर आप देखोगे 100-125 साल के आसपास भी हो सकते हैं, ठीक है। सो फोक पेंटिंग्स की जो एज है, फोक पेंटिंग्स का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करेगा, ठीक है। सबसे फेमस में फेमस फोक पेंटिंग है वो मधुबनी पेंटिंग है। इफ यू आर अवेयर अबाउट मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है इट बिलोंग्स टू बिहार। कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार, मिथिला रीजन से बिलोंग करता है पर्टिकुलरली। और कहते हैं कि ये मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस फोक पेंटिंग है। ये जनरली म्यूरल्स मतलब वॉल के ऊपर किए जाते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्लॉथ के ऊपर भी किए जाते हैं, आजकल आपको बॉक्सेस के ऊपर भी मिल जाएंगे। इनकी प्रिंट भी आजकल बाजार के अंदर मिलने लग गई है, ठीक है। ये बहुत फेमस पेंटिंग है। जनरली इसमें आपको रिलीजियस सीन भी मिलेंगे, पेंटिंग के अंदर रिलीजियस थीम भी मिलेंगी। और रिलीजियस थीम के साथ साथ हम लोग को पेंटिंग के अंदर जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें और चीज़ें जो मिलती है पर्टिकुलरली, वो जो दूसरी चीज़ें इसके अंदर से हमको मिलेगी वो रिलेटेड है मेनली टू द टॉपिक्स ऑफ दी फोक कल्चर, ठीक है। तो फोक कल्चर के साथ मिलेगी। जनरली राम सीता की स्टोरीज भी इसके अंदर दर्शाई जाती है और इनकी शादी वादी भी इस तरह से आपको दिखती रहेगी, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग की खासियत यह है, याद रखिएगा कि इसमें बॉर्डर यूज की जाती है, डबल बॉर्डर यूज करते हैं ये लोग पेंटिंग के अंदर। दूसरा, पेंटिंग में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ेंगे, मतलब पूरा का पूरा पेंटिंग है ना भर देंगे, ठीक है, खचाखच कर देंगे, कुछ भी जगह नहीं बाकी रखेंगे, ठीक है। तो एकदम डिटेल वे के अंदर मिलेगा। और जनरली वुमेन आर्टिस्ट इसको बनाती है, मधुबनी पेंटिंग की खासियत यह है वुमेन आर्टिस्ट इनको ज़्यादा बनाती है बेसिकली। ये सीता देवी करके एक फेमस आर्टिस्ट है जो मधुबनी पेंटिंग को बनाते हैं, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग याद रहेगा दोस्त आपको, ठीक है, बिहार के अंदर है मिथिला। एक्चुअली अयोध्या से जब बारात आती है राम भगवान की, उसके साथ पूरी की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। अब कहानी बताने जाऊंगा तो हमारा 15-20 मिनट तो मधुबनी के अंदर ही निकल जाएगा, ठीक है। बट प्लीज़ जुड़िएगा आप लोग प्लस के ऊपर, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत ही डेडिकेटेड वे के अंदर हम लोग आर्ट एंड कल्चर को करेंगे। खैर, फोक पेंटिंग्स में एक मधुबनी हुआ। मधुबनी के बाद दूसरे फोक पेंटिंग्स आपको कृष्णा के ऊपर मिलेंगे, लोकल वार्ताओं के रूप में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स मिलते हैं आपको, बहुत ही सिमिलर भी मिलेंगे। मेनली आपको एक मिलेगा यहाँ पे राजस्थान के अंदर, और दूसरा आपको जो फोक पेंटिंग मिलेगा वो है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा एंड राजस्थान, 2 places वेयर वी फाइंड द फोक पेंटिंग्स। राजस्थान के अंदर जो फोक पेंटिंग बने उसे हम लोग कहते हैं पिछवाई। कहाँ पे, पिछवाई, ये नाथद्वारा के अंदर बनते हैं। नाथद्वारा अगर आपको जानकारी होगी, इट्स अ प्लेस जहाँ पे कृष्ण को वर्शिप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ठाकुर जी। कृष्णा को किसके रूप में वर्शिप किया जाता है, ठाकुर जी के रूप में। तो वैष्णवाइट ट्रेडिशन जो है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन, उसके तहत ये पेंटिंग बनते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रकार के पेंटिंग है, बहुत ही डिटेल की जाते हैं, बड़े बड़े फ्रेम्स के अंदर भी आजकल मिल जाते हैं। पटचित्र इज रिलेटेड टू जगन्नाथ, एंड जगन्नाथ एंड दी नाथद्वारा पेंटिंग्स, और आई वुड से जो श्रीनाथ जी के जो पेंटिंग्स है, किसके हैं, श्रीनाथ जी, जो आपको नाथद्वारा के अंदर मिलते हैं, ये दोनों के दोनों बेसिकली अगर आप देखोगे सेम प्रकार के हैं, कृष्ण के ही हैं, पर कृष्ण का जो रीजनल वेरिएशन से उसको दर्शाता है, ठीक है। तो बहुत ही अद्भुत प्रकार के पेंटिंग्स आपको मिलेंगे। पटचित्र, पिछवाई, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अदर देन दैट आपको पटुआ मिलता है। क्या है पटुआ, पटुआ आर्ट इज ए रीजनल आर्ट फॉर्म इन बंगाल। बंगाल के अंदर आपको 2 मिलेंगे पर्टिकुलरली, बहुत ही फेमस फोक पेंटिंग्स है बंगाल के अंदर। बंगाल के 2 फेमस आर्ट फॉर्म्स को बता देता हूँ, एक आपका पटुआ आर्ट फॉर्म है, क्या नाम है, पटुआ। पटुआ के साथ साथ दूसरा आपको जो आर्ट फॉर्म मिलता है इसके अंदर से, उसका नाम याद रखेगा, पटुआ के साथ साथ जो दूसरा आर्ट फॉर्म आपको यहाँ से मिलेगा
वो आपको मिलता है पर्टिकुलरली दी कालीघाट पेंटिंग्स, ठीक है। कालीघाट एंड पटुआ आर्ट फॉर्म दे आर बोथ बिलोंगिंग टू दी बंगाल रीजन, ठीक है। तो ये भी आपको रीजनल जो फोक स्टोरीज है फोक पेंटिंग्स के रूप में आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए पेंटिंग्स के अंदर। अदर देन दैट कालीघाट पेंटिंग्स मैंने आपको बता दिया। कालीघाट पेंटिंग्स जनरली अगर आप देखोगे बंगाल के अंदर जो 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 काली माता का मंदिर है उनके साथ जुड़ी हुई जो वार्ता है उसको दर्शाया जाता है। लोकल फोक स्टोरीज को भी इंक्लूड किया जाता है। ये भी आपको कालीघाट पेंटिंग्स के अंदर पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा कलमकारी। अब देखिए कलमकारी पेंटिंग कहाँ से है, तो कलमकारी पेंटिंग्स बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। ये कहाँ से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखो नाम ही है, इसका नाम याद रखेगा। ये ऑलरेडी 2015 की प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया है, 2015 की प्रीलिम्स में इन्होंने ऑलरेडी पूछ दिया है। दे कैन रिपीट द क्वेश्चन एज वेल, ऐसा भी नहीं रिपीट होता है। इनफैक्ट नाम ही है कलम और कारी, मतलब क्या है कि एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है, बेसिकली क्लॉथ के ऊपर से कलम लिया जाता है। कलम का मतलब क्या होता है, पेन साहब, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये पेन है, पेन को हम लोग क्या कहेंगे, कलम या ब्रश कहेंगे बेसिकली। कारी का मतलब क्या होता है, कारीगरी, समझे कि नहीं समझे। तो इट इज सेड कि कारीगर जो है आपका जो आर्टिस्ट है वो कुछ पेंटिंग बनाएगा, गेटिंग अ पॉइंट। तो वो जो पेंटिंग बनते हैं वो कलमकारी के रूप में होते हैं। ये कलमकारी की दो रीजनल वेरिएशन मिलेगी, क्या मिलेगा, कलमकारी का आपको दो रीजनल वेरिएशन मिलेगा। पहला जो रीजनल वेरिएशन है वो मसूलीपट्टनम के अंदर मिलता है, किसके अंदर, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इज अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। इनफैक्ट जो जितने भी ब्रिटिश थे उन सब ने अपनी दुकानें वहां पे खोली थी, फैक्ट्रीज के रूप में, आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री के अंदर। मसूलीपट्टनम के साथ साथ दूसरी जगह है श्रीकलाहस्तम, कौन सी नाम है, श्रीकलाहस्तम, याद रखेगा दोस्त। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कलमकारी के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। इनफैक्ट 2015 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि बोले कलमकारी क्या है, व्हाट इज कलमकारी। इतना सिंपल सा फैक्चुअल सा क्वेश्चन था तो भी काफी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी है ना ऐसा धोखा हो जाए। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि कलमकारी क्या है, उसका प्रकार कैसा है। खैर, सो वी सी कलमकारी पेंटिंग्स जो है, ये कलमकारी पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये मसूलीपट्टनम और श्रीकलाहस्तम में होंगे। श्रीकलाहस्तम में जो पेंटिंग्स बनते हैं वो हिंदू थीम वाले पेंटिंग्स थे। हिंदू थीम का मतलब ये है कि हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं दे वर बेसिकली पोर्ट्रेड एज अ पार्ट ऑफ पेंटिंग्स। मसूलीपट्टनम के अंदर आपको मुस्लिम इन्फ्लुएंस वाले पेंटिंग मिलेंगे। मुस्लिम थीम का मतलब ये है कि जो इस्लाम की जो वार्ताएं हैं, या मैं कहूँगा पर्टिकुलरली जो जो डिजाइन है, कैलीग्राफी है, वो सब बनती है, ठीक है। कलमकारी आंध्र प्रदेश दोनों याद रखेगा, जनरली क्लॉथ के ऊपर होते हैं। अदर देन दैट गुजरात में दो पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है। गुजरात के अंदर आपको दो पेंटिंग्स मिलेंगे। गुजरात में आपको जो पेंटिंग्स मिलते हैं, यहाँ सॉरी माय बैड, ठीक है फिर से बना देते हैं, चलो। गुजरात में आपको जो पेंटिंग्स मिलते हैं, एक का नाम है वारली, वर्ली आर्ट फॉर्म, और वर्ली के साथ साथ दूसरा है पिठोरा। क्या नाम है, पिठोरा, ठीक है। ये वर्ली आर्ट फॉर्म जो है इट इज डन ऑन द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। गुजरात महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वहां पे आपको ये पेंटिंग मिलेंगे। दे आर सिमिलर टू स्टोन एज पेंटिंग्स। अगर आपने स्टोन एज के पेंटिंग्स देखे होंगे उनके जैसे ही आपको दिखेंगे, स्टिक लाइक इमेजेस मिलती है। जनरल डांसिंग कम्युनिटी या डांसिंग इमेजेस आपको इसके अंदर से मिलेगी। इसमें फिक्स है बेसिकली गेरुआ और वाइट का मिक्सचर ही आपको मिलेगा। तो रेड कलर का बैकग्राउंड है और वाइट कलर के पेंटिंग्स आपको मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत प्रकार के पेंटिंग्स आपको वर्ली के अंदर मिलेंगे। आजकल इनकी फैब्रिक के अंदर, आपको कपड़े वपड़े के अंदर भी ये वर्ली आर्ट फॉर्म मिल जाएगा। इसकी भी एक खासियत आपको पता होनी चाहिए। वर्ली के बाद पिठोरा, मैंने आपको बता दिया। पिठोरा आर्ट फॉर्म की खासियत ये है कि ये राठवा ट्राइब है। ये भी बेसिकली गुजरात के अंदर ही बनते हैं। और ये भी जो पेंटिंग है बेसिकली जो गुजरात में ट्राइबल कम्युनिटी है वो बनाती है। ये वॉल पेंटिंग्स होते हैं बेसिकली, दे आर इन द फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग्स। और इनकी खासियत क्या है, याद रखेगा कि घर की जो तीन दीवारें होती है ना, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर का एंट्रेंस हो गया, ठीक है। तो इफ़ यू आर एंटरिंग द हाउस, तो उसकी एक दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, वॉल नंबर 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों वॉल्स के ऊपर आपको ये पिठोरा पेंटिंग मिलेंगे। जनरली हॉर्स का मोटिव बहुत मिलता है। वी फाइंड हॉर्स मोटिव वेरी कॉमन इन टू द पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये भी खासियत आपको पिठोरा पेंटिंग्स के अंदर पता होनी चाहिए। अदर देन दैट आपको पहाड़ी विस्तारों के अंदर पेंटिंग मिलेंगे जो फोक पेंटिंग्स के अंदर बने हैं। खास करके कौन से है, तो तिब्बत के अंदर और लद्दाख के अंदर मिलेंगे। इन द लद्दाख रीजन वी फाइंड द पेंटिंग्स कॉल्ड थांगका पेंटिंग्स। थांगका पेंटिंग्स है ना, ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स है। कैसे है दोस्त, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, वेरी फेमस पर्टिकुलरली जो जो आपके बोधिसत्व हुआ करते थे ना, बोधिसत्व के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी
तो ये बेसिकली लोगों का दुख दूर करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ महायान। ये बोधिसत्व उसको पोर्ट्रे करता था, बुद्ध के जीवन के साथ जो भी वार्ता है, जातक कथा है, उनको भी पोर्ट्रे करता था। तिब्बत, सिक्किम, लद्दाख, इन सब रीजन्स में आपको ये थांगका पेंटिंग मिलेंगे। जनरली क्लॉथ के ऊपर होते हैं, सिल्क के ऊपर आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगे। इसकी भी खासियत एक अलग ही प्रकार की थी, ठीक है। तो थांगका एक अलग प्रकार का पेंटिंग मिलेगा। उसके बाद तीसरा आपको मैंने आपको बता दिया जो पहाड़ी विस्तार के अंदर था। उसके बाद बिहार का एक और पेंटिंग है जिसका नाम है मंजूषा पेंटिंग। बिहार में दो याद रखेगा, बिहार में एक तो हमने पढ़ा मिथिला पेंटिंग्स, क्या है मिथिला पेंटिंग्स, मिथिला के बाद दूसरा आपको मिलेगा मंजूषा पेंटिंग्स, ठीक है। मिथिला को हमने क्या पढ़ा, तो उसको मधुबनी कहते हैं, मधुबनी कहते हैं, मधुबनी हमने पढ़ लिया ना दोस्त अभी, ठीक है। मंजूषा आर्ट है, इट इज नोन एज अंगिका आर्ट, उसको क्या कहते हैं, अंगिका आर्ट फॉर्म भी कहते हैं। वाइट इज नोन एज अंगिका आर्ट फॉर्म, याद रखेगा पर्टिकुलरली मंजूषा आर्ट, इसको अंगिका आर्ट इसके लिए कहा जाता है क्योंकि अंग करके एक महाजनपद था। इफ यू आर अवेयर अबाउट अंग, अंग यूज टू बी द महाजनपद इन द एंशियंट इंडिया, और इसके कारण आपको ये पेंटिंग मिलेंगे। ये इसके लिए उसको अंगिका नाम से पहचाना जाता है। इसमें खासियत ये है, इसमें स्नेक का मोटिव बहुत कॉमन था, तो वी फाइंड द यूज ऑफ स्नेक मोटिव इन मेजोरिटी ऑफ द पेंटिंग्स, ठीक है। तो पूरे इंडिया के अंदर आपको फोक पेंटिंग्स बहुत सारे मिलेंगे, और ये फोक पेंटिंग्स में मंजूषा पेंटिंग का भी एक अपना इंपॉर्टेंस था। अदर देन मंजूषा पेंटिंग आपको एक और पेंटिंग मिलेगा जिसका नाम है फड़ पेंटिंग्स। ये फड़ पेंटिंग्स कहाँ पे था दोस्त, तो याद रखेगा दे वर बेस्ड इन राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर बेस्ड हुआ करता था। और ये जो फड़ पेंटिंग्स है, पर्टिकुलरली इफ यू सी, ये फड़ पेंटिंग्स आपको स्क्रॉल पेंटिंग्स के अंदर मिलेंगे। स्क्रॉल पेंटिंग्स क्यों, क्योंकि आपने पहले के टाइम के अंदर देखा होगा तो इस प्रकार का स्क्रॉल बनाया जाता था, और ये स्क्रॉल के ऊपर कुछ लिखा जाता था। एट टाइम्स आपको जो राजस्थान के अंदर कम्युनिटीज हुआ करती थी, जो फोक स्टोरीज को लिखने का काम करती थी, इन्होंने क्या किया कि फोक स्टोरीज ये लोग गाया करते थे, दे यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो ये स्क्रॉल लेके चलते थे। तो कोई कहानी गा रहा है और कहानी बता रहा है, तो साथों साथ इस प्रकार का स्क्रॉल आपको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, गेटिंग माय पॉइंट। ये फड पेंटिंग है, आपको आजू बाजू में बाम्बू के स्क्रॉल्स मिल जाएंगे, बाम्बू के स्क्रॉल्स मिल जाएंगे, और ये बाम्बू के स्क्रॉल्स के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये भी आपको पेंटिंग का टाइप मिलेगा, जनरली राजस्थान का है, इट इज बिलोंगिंग टू राजस्थान। तो राजस्थान की जो फोक स्टोरीज हैं, अभी हमने देखा राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर, वो सब यहाँ पे आपको डिपिक्ट की हुई मिलेगी, ठीक है। फड़ पेंटिंग के बाद लास्ट जो आता है वो है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, और इसमें भी अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली, तो ये भी स्क्रॉल के अंदर ही होता था। एज आई टोल्ड यू द इमेज ऑफ द स्क्रॉल, तो ये जो स्क्रॉल की इमेजेस है उसके अंदर बेसिकली बनाया जाता था पर्टिकुलरली। अब खासियत क्या है कि ये नक्शी आर्ट में होता था। किसके अंदर होता था, नक्शी आर्ट। नक्शी आर्ट का मतलब ये है कि जो वुडन आर्ट है, वो वुडन आर्ट के अंदर ये लोग कार्विंग करते थे, और कार्विंग करने के बाद उसके बाद पेंटिंग होता था, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ दी फोक पेंटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग की शुरुआत हुई, राइट फ्रॉम द एंशियंट टू द मिडिवल टू द मॉडर्न टाइम्स। हमने अभी तक जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको फिर से रिकैप करते हैं, उसको फिर से रिवाइज करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं रिकैप रिवाइज करने के बाद कि हमने पेंटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एज अ पार्ट ऑफ पेंटिंग्स मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया है, वो टॉपिक को अगर आप देखोगे तो हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया के बाद जो था वो था अर्ली मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल इंडिया के बाद मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया के बाद अगर आप देखोगे मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न के बाद हमने फोक पेंटिंग्स को पढ़ा, ठीक है। एंशियंट इंडिया में मैंने आपको बताया म्यूरल्स बनते थे, अर्ली मिडिवल इंडिया में म्यूरल्स प्लस मिनिएचर बनेंगे, ठीक है। मिडिवल इंडिया में आपको ज़्यादातर म्यूरल्स मिलेंगे और मिनिएचर भी मिलेंगे, मिनिएचर एक्चुअली ज़्यादा थे बेसिकली। और मिडिवल में ही हमने दो पॉइंट को अलग करके पढ़ा, वो था राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग्स, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, तो कंपनी ने अपने पेंटिंग्स बनाए और बाजार पेंटिंग्स उन्होंने बनाए थे जो मैंने आपको बताया। अदर देन दैट मॉडर्न पेंटिंग्स के बाद हमने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पढ़े, बंगाल के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था वो भी पेंटिंग्स पढ़ लिए, और फोक पेंटिंग्स तो पूरे इंडिया के अंदर जितना भी हमने मैपिंग किया है वो मैपिंग सेंट्रिक मैच द फॉलोइंग आने की शक्यता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है मेरे दोस्त, अगर आप आर्ट एंड कल्चर को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। यहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर का
जो मैराथन सेशंस है वो लेता रहूंगा, बट प्लस के ऊपर आओगे तो शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और एग्जाम में आराम से आपको रिकॉल हो जाएगा, उस प्रकार से हम लोग उसकी टेक्निक को डेवलप करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारा जो डेटा है वो दिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू दी आर्ट एंड कल्चर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस आई विल वंस अगेन इनवाइट यू टू जॉइन मी ऑन दी प्लस कोर्स। आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आइए एंड थिंक अबाउट दी अनअकैडमी प्लस एडवांटेजेस। आपको प्लस के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बहुत ही एडवांटेजेस है, लाइव क्लिप्स मिल जाते हैं मेरे, मैं खुद टेस्ट के पेपर सेट करता हूँ, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें वीकली एक आध बार टेस्ट आ जाता है, तो आई सेट अराउंड 20-40-50 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दी नेचर, मुझे जिस हिसाब से सेट करना है। लाइव क्लासेस होते हैं, 2 घंटे के डेली क्लास होते हैं जनरली, 4-5 डेज अ वीक हम लोग जनरली कवर करते हैं और स्ट्रक्चर वे में चलता है ये हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं, पर वहाँ पे हम लोग टाइम लगा के चलाते हैं क्योंकि शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस, आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन प्लान करो, क्योंकि मैं आपको मॉडर्न पढ़ाऊँगा, आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, आपको मिडिवल इंडिया पढ़ाऊँगा, मिडिवल इंडिया के साथ साथ आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊंगा। अब इतना तो मेरा हिस्ट्री का टॉपिक हो गया साहब, एंड आई एम प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स बाय द वे, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे करके आपको प्लस के ऊपर वो भी पढ़ाऊंगा, तो आई वेलकम यू ऑल, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाने में ही आपको 6-8 महीना लग जाएगा, मतलब हमने डिटेल में किया, और 2021-22 में जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो मैं मोस्ट वेलकम होऊंगा कि प्लीज ज्वाइन मी ऑन द क्लास, यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। बहुत ही मजे से हम लोग हिस्ट्री को करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि 1 साल में 40,000 दे रहे हो, 2 साल में 48,000 में आपको 2 ईयर्स मिल रहा है, मतलब आप, मैंने अभी आपको बताया था कि आप 12 महीने का पे करो प्लस 1 महीने का पे कर दो 8,000 रुपये, मतलब सादी भाषा में 8,000 रुपये ऐसे ही आप कहीं ना कहीं खर्च कर देते होगे, ठीक है। तो आप उसके सामने आप देखिए कि यू आर ओनली पेइंग 48,000, दैट इज फॉर 13 मंथ, एंड व्हाट यू आर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 24 मंथ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, जितनी बार देखना है देखो, ऑप्शनल ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी आपने मेरा कोड यूज किया PN लाइव, तो आपको उसमें भी 10% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ ईजी एंड फ्रूटफुल, और अभी जो ऑफलाइन है उसमें बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं, मेरे कोर्सेज ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लॉन्च हो रहा है बहुत जल्द, और मिडिवल इंडिया के ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे क्लोज के अंदर, आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आपको कंप्लीट जस्टिफाई करेंगे पूरे सिलेबस को और अच्छी तरह से उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म ऑन दी लेट्स क्रैक UPSC CSE। हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे आपका परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म, जुड़े रहेगा मेरे साथ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी।